हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर हमारे इस में तो हमारी एथिक्स की स्ट्रीम वन इज वेयर वी कंप्लीटेड सी एक्ट रिलेटेड प्रोविजन शेड्यूल वन के सारे पार्ट हमने कवर किए एंड इन द टुडेज session सेशन वी आर प्लानिंग टू कवर शेड्यूल all ऑल parts. एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के सारे क्लैरिफिकेशन काउंसिल जनरल गाइडलाइंस और रिमेनिंग इंक्लूडिंग नेटवर्किंग प्रोविजन आवाज आ रही है सबको बढ़िया बता दो एक बार हाय हेलो कर लें, और उसके करॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए सुमित अनिरुद्ध कस्तूरी यशवी दीपेश मैत्री अमिरुल आनंद अभिषेक कुनाल हेलो 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 चलिए सतीश अभिषेक अनिरुद्ध जबरदस्त आ रही है बहुत बढ़िया इसी आवाज से उठ रहे हैं वेरी नाइस सुमित यादव ऋतिक शुभम विजय कस्तूरी नमस्कार आप सभी को गुड मॉर्निंग राहुल को हेलो हेलो ओके भावना हेलो हेलो भव्या हेलो पल्लवी चैतन्य अनमोल हर्षला चारवी शुभम रोहित राहुल प्रेरणा अभिनव आजाद प्रिया करमबीर रोहित मानव नुसरत वानी गुड मॉर्निंग सचिन गुड मॉर्निंग हेलो अंकुर हेलो चैतन्य पल्लवी चलिए हेलो 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 सभी के साथ हेलो हो गया है हमारा इट्स अ गुड मंडे मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट विद आर रिविजन सेशन नाउ Uh, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ रिविजन फॉर द फर्स्ट पार्ट विच वी कम्पलीटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रात बारह बजे आपने जो हमारा पार्ट वन था शेड्यूल वन था इनफैक्ट एथिक्स के रिविजन का पार्ट वन था उसमें हमने रिविजन लास्ट में कुछ दस मिनट में पूरा जो हमने डिस्कस किया था उसका कर लिया सो वॉट वी आर डूइंग इज वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग ऑफ विद द शेड्यूल टू पार्ट एंड शेड्यूल टू की शुरुआत करने के लिए दोस्तों क्या लगेगा हमें वापस से वही एक हमारी टेलीग्राम चैट जहाँ पे हम करेंगे कुछ एम की उसकी प्रैक्टिस दूसरी लगेगी हमें हमारी

I am sure, आप लोग वहां आ जाओगे और अब शुरुआत करते हैं हमारे एथिक्स के की शेड्यूल टू पार्टन पर आ जाते हैं तो लेट स्टार्ट विथ शेड्यूल टू फाइन एंड चलिए सुप्रभात मोटिवेशनल मंडे गुड मॉर्निंग चलो सब कुछ सेट है शुरुआत करते हैं, दोस्तों शेड्यूल टू पार्ट वन

there are 10 clauses for chartered accountants in practice and for every particular clause please 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 remember one particular thing and that is what whether that clause is applicable only on audit assignments wherein we are expressing an opinion or is it applicable to all assignments of a chartered accountant ये एक पर्टिकुलर चीज हो सकती है जो एमसीक्यू या किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ट कर ली जाए दैट इज वाई दिस इज क्रिटिकल फॉर अस टू रिमेम्बर कूल चलिए तो व्हाट वी विल डू नाउ इज लेट मी शो यू द स्क्रीन कूल और आ जाते हैं अब हमारे डिस्कशन में सबसे पहला क्लॉज हमारा क्या है इट 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 टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी मजे की बात यह है कि इस पूरे क्लॉज में कॉन्फिडेंशियलिटी शब्द यूज नहीं किया गया है इनफैक्ट ये क्या कहता है इट्स एस की इफ अ चार्ट अकाउंटेंट और हमने पढ़ा था कि सारे के सारे ये क्लॉजे मिसकंडक्ट बताते हैं तो इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिसक्लोजेज एनी इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन द क्लाइंट सो एंगेजिंग हिम और एक्सेप्ट विथ परमिशन ऑफ सच क्लाइंट अदरवाइज इफ रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बीइंग अंडर एनी लॉ इन फोर्स घुमा फिरा इतना कहना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल इंगेजमेंट के दौरान आपको जो जानकारी आपके क्लाइंट की प्राप्त हुई है उसे आप अपने क्लाइंट के अलावा या क्लाइंट की परमिशन के अलावा या किसी लॉ की रिक्वायरमेंट के अलावा किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे दिस इज बेसिकली वॉट द प्रोविजन इज सो ऑल सडन डन इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वॉट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज आपको ऑडिट के दौरान या किसी भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान सर किसी भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट के दौरान वेरी गुड तो पहली चीज आपने जो ध्यान रखनी है वो यह है कि ये पर्टिकुलर क्लॉज सारे असाइनमेंट्स पर एप्लीकेबल है तो अगर आप किसी के यहां पे अकाउंटिंग करने भी जा रहे हैं या आप किसी के यहाँ सिर्फ इंटरनल ऑडिट करने जाते हैं या से फॉर एग्जाम्पल आप किसी के सिर्फ रिटर्न प्रिपेयर करने में उसकी मदद करते हैं इन एवरी पर्टिकुलर केस दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल पहली चीज दूसरी चीज क्लॉज कहता है कि जब आप उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में इंगेज थे उस समय आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली वो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं करोगे आप कब नहीं करोगे डिस्क्लोज़ जब तक वो असाइनमेंट चल रहा है या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फॉर एवर है इट इज अ फॉर एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एस यानी कभी भी आपकी तरफ से डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए अगर कोई इंफॉर्मेशन हमसे मांगे जैसे कि कई बार क्वेश्चन आए एग्जाम में जिसमें ये कहा गया है कि से फॉर एग्जाम्पल वन सेकेंड Now it is fine. Chali, just uh, I hope everything is fine. One second. Chali, <clears throat> one second. Just give me a moment, please. ठीक है अब सब कुछ ठीक लग रहा है ये कनेक्ट हो गया आहा, आहा, हेलो 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 चलिए सब ठीक है यार एक बार थोड़ा सा बता दो हाय हेलो बोल दो नीरज गुड मॉर्निंग चलिए, चलिए। सतीश, क्या कहता है कि अकाउंटिंग या, या कोई भी प्रोफेशनल एंगेजमेंट अगर आप क्लाइंट की हैंडल कर रहे हो और उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट के दौरान आपको क्लाइंट की जो जो इंफॉर्मेशन मिली है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास सीमित रखना है और अगर किसी भी केस में आपने ये इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करी बिना क्लाइंट की परमिशन के या लॉ की रिक्वायरमेंट के तो आपको इस क्लॉज में गिल्टी मान लिया जाएगा अब इसमें कुछ कुछ बातें क्विकली आप समझ लीजिए पहला हमें इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को शेयर करना है कोई प्रॉब्लम है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है अब क्लाइंट का मतलब क्या होता है तो से फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट कर रहे हो और उसके एक डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन दूसरा डायरेक्टर मांगे तो क्या हम दे सकते हैं ऑब्वियसली नहीं दे सकते क्यों क्योंकि यहां पे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मतलब कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम कंपनी को ही देंगे तो अगर एक डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन यानी सैलरी दूसरा डायरेक्टर मांग रहा है तो हमें मना करना पड़ेगा ऑफकोर्स हमें कहना होगा भाई ये हमारे पास ऑब्वियसली ये हमारा ऑब्लिगेशन भी नहीं है और ये डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा इसका मतलब आपको जब भी क्लाइंट से परमिशन लेके इंफॉर्मेशन देना है आपको एक चीज ध्यान रखना है कि रेलिवेंट बॉडी से आप परमिशन लो तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए जो मैं कह रहा था कि बैंक ने बुलाया है आपको कुछ चर्चा करने के लिए जो बैंक के पास आपने लोन एप्लीकेशन सबमिट करी है एज अ प्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी

कभी लॉ ने हमसे इंफॉर्मेशन मांग ली तो तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्पेसिफिक एग्जाम्पन है कि लॉ अगर कभी भी सीए से इंफॉर्मेशन मांगे तो सीए उसे देने से बच नहीं सकता वो इंफॉर्मेशन उसे देना ही पड़ेगी इसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा और करेंगे उससे पहले कुछ चीजें और सपोज कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई हमारे ऑफिस से रिकॉर्ड चोरी हो गए तो क्या इस केस में सीए को गिल्टी माना जाएगा ऑफ कोर्स आपका आंसर होगा हाँ सीए गिल्टी है अगर कोई भी क्लाइंट के रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई है क्लाइंट के रिकॉर्ड्स की सिक्योरिटी चार्टेड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अनलेस सी ये, ये प्रूव कर दे कि उसने सारे सेफ गार्ड्स बिल्ड इन किए थे उसके बाद भी चोरी हो गई उसे गिल्टी माना जाएगा तो अगर कोई हैक कर ले आपका क्लाइंट का डेटा सी के ऑफिस से या कोई आर्टिकल आपका डेटा इधर उधर बांट दे या कोई आर्टिकल या किसी एम्प्लॉय के थ्रू ऐसी कोई गलती हो जाए कि वो एक इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है उसे डिस्क्लोज कर दे इन सब केस में चार्ट अकाउंटेंट को गलती मानेंगे अदरवाइज वॉट आई कैन सेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट टू एंश्योर दैट ही कीप्स द डेटा ऑफ द क्लाइंट सेफ विथ हिमसेल्फ वेदर इट इज द डेटा विच इज लाइंग इन His office or it is lying with his employees or articles. इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ कौन सी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे तो गिल्टी माने जाओगे वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं है इसका मतलब एक लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट पी एंड एल अगर आप किसी सेमिनार में जाके डिस्कस कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों क्योंकि वो ऐसे भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है इनफैक्ट हर कंपनी के एटलीस्ट बैलेंस शीट आप देखें तो क्या कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से उसको डिटेक्ट निकाला जा सकता है उसे देखा जा सकता है तो उस पर्टिकुलर सेंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इंफॉर्मेशन आप जो शेयर कर रहे हो वो एक्चुअल में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो परव्यू में सिर्फ आपके इट इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक जैसे कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ है और वो फ्रॉड की जानकारी सबको है और अगर चार्ट अकाउंटेंट उस बारे में कहीं बात कर ले विदाउट रिवीलिंग एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट अदरवाइज इन द पब्लिक डोमेन ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी अंडर दिस पर्टिकुलर क्लास कॉन्फिडेंशियलिटी में आपको एक चीज और ध्यान रखना है और वो ये कि कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली हैज टू केप्ट थ्रू आउट इनफैक्ट जब आपने ऑडिट के दौरान जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा रखना है अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सी ए को ये कहा जाए कि भाई हम किसी को ऑडिट कर रहे थे से हम कोई ई कॉमर्स कंपनी को ऑडिट e कर रहे थे और उसमें सप्लायर की एक बहुत बड़ी लिस्ट थी और हमें बड़ी काम की लगी तो हमने उन सप्लायर से डायरेक्टली अप्रोच करके सस्ते में माल डायरेक्टली खरीदना शुरू कर दिया क्या इस केस में ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा येस यहाँ पे आप भले ही इन्फॉर्मेशन किसी और को डिस्कलोज नहीं कर रहे हो बट आप उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो दिस क्लॉज अगेन विल भी एप्लीकेबल इन दैट केस इन सब के बाद में

इनकम टैक्स के ऑफिसर आ गए स्पेशल ट्वेंटी सिक्स फोर्स आई और उन्होंने बोला चलो अपने क्लाइंट के सारे रिकॉर्ड्स निकाल के दो क्या मैं अपने पास एक प्रोटेक्शन रख सकता हूँ कि भैया आपको हमें पहले क्लाइंट से पूछने की परमिशन दो क्लाइंट हाँ बोलेगा तो हम दे देंगे कौन सा क्लाइंट हाँ बोलेगा वो बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में केस लगा देंगे और इंस्टीट्यूट को भी कंप्लेन कर देंगे अब एक चीज़ समझिए कि अगर यहीं पे सीए की जगह एडवोकेट होता तो डेफिनेटली एडवोकेट के पास पावर है कि उसके यहां कोई नहीं जा सकता आपने कभी किसी मूवी में ऐसा नहीं देखा होगा कि एडवोकेट जो क्लाइंट के भी पे लड़ रहा है उसी को कड़गड़े में खड़ा कर दिया सामने वाले एडवोकेट ने और बोला भाई तू आ जा तू खड़े हो जा सामने और अब हम तुझसे ही पूछेंगे तुझे तो सब सच सच बताए तो एक चार्ट अकाउंटेंट भी ट्राइब्यूनल में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लाइंट प्रेजेंट करता है तो क्या उसके पास वो सिमिलर एडवोकेट वाले पावर नहीं होना चाहिए जिसमें वो एडवोकेट के पास इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 126 में पावर होता है कि ही कैन कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट सीक्रेट विथ हिमसेल्फ एंड कैन स्टॉप इनफैक्ट रिफ्यूज टू रिवील दैट इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन इवन टू इवन टू लीगल और अथॉरिटी और स्टैचुटरी बॉडीज सो इन दिस पर्टिकुलर सेंस द क्वेश्चन विच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज क्या एडवोकेट को जो पावर मिला है क्योंकि मैं भी वैसी सिमिलर सर्विसेज अपने क्लाइंट को देता हूं मुझे नहीं मिलेगा एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली गवर्नड बाय सर्टन गाइडलाइंस विच द अ सिमिलर टैक्स फ्रॉड रिलेटेड केस विच हैपन इन लंडन जहां पे उन्होंने जो गाइडलाइन दी उसको आईसीआई ने एज इट इज क्या किया यहां पे इंडिया में अडॉप्ट किया ऐसे ही कहता है कि भैया एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लाइंट के प्रति है उसको क्लाइंट को बचाना है सही वो चाहे वो सही हो या गलत क्यों क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा सही और गलत कौन है सीए की रिस्पॉसिबिलिटी क्लाइंट के प्रति नहीं है ही इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ द क्लाइंट रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट जिससे हमें दूर रहना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें कमेंट करना है तो असेंशियली स्पीकिंग अगर एक चार्टड अकाउंटेंट को अपने क्लाइंट के टैक्स फ्रॉड्स के बारे में पता था तो उसको आइडियली पहले ही रिपोर्ट कर देना चाहिए था और अगर उसने रिपोर्ट कर दिया है तो आज अगर उससे कोई पूछने आता है तो फिर उसे बताने में हर्जाई क्या है बिकॉज ही नोज दैट दर इज नो फ्रॉड लाइंग इन दल स्टेटमेंट ऑफ दी तो दैट इज वाई इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन जो इंस्टीट्यूट ने बेस्ड ऑन द लंडन गाइडलाइंस ऑफ द लॉर्ड हैव दे बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया व्हाट इज दैट क्विकली ए क्लाइंट के टैक्स रिटर्न्स या टैक्स ऑडिट के दौरान अगर आपको उसके टैक्स फ्रॉड्स पता पड़ते हैं तो आप उसे बोलिए प्लीज आप खुद ही डिस्कलोज कर दो Second, अगर क्लाइंट मना करता है डिस्क्लोज करने के लिए तो आप कहो कि हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा फिर आप पे पेनल्टी वगैरह सब लग सकती है थर्ड उसके बाद भी क्लाइंट नहीं माने तो आपके पास ऑप्शन है आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो आपके पास ऑप्शन है आप चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो फोर्थ अगर आपने कोई ऑडिट कर दिया और उसके बाद में आपको सेफर एग्जाम्पल क्लाइंट के फ्रॉड से रिलेटेड कोई लीगल बॉडी ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे आपके पास आए और ये सब अगर आपने जो हमने बताया किया है तो डेफिनेटली यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी फ्रॉड हो सकता है कि आपसे डिटेक्ट करने से रह गया बिकॉज वी ऑल्सो गिव रीजनेबल एश्योरेंस ऐसे केस में यू शुड नॉट रियली हैव एनी प्रॉब्लम इन शेयरिंग क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें लीगल इनफैक्ट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम टैक्स रिप्रेजेंटेशन या अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन दें तो उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपके पास एक इंस्टीट्यूट की एडवाइस है कि आप एक लीगल ओपिनियन ले लीजिए और अगर लीगल एडवाइजर यह कहता है कि हाँ इस केस में आपको भी सेक्शन 126 का जो अटॉर्नी एडवोकेट्स को पावर मिलता है प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम द लीगल बॉडीज एज वेल आपको मिलेगा या नहीं क्यों क्योंकि एट सर्टन प्लेसेज यू आर रिप्रेजेंटिंग लाइक एन न अटॉर्नी फॉर द क्लाइंट और एटलीस्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव सो वेदर यू विल गेट दैट लीगल प्रोटेक्शन नॉट इज इज समथिंग विल डिपेंड ऑन द नाइसिटीज ऑफ लॉ एंड दैट यू हैव टू सीक प्रायर Legal advice for it, and then based on that, not prior legal advice, a legal advice for it, based on that, then you will decide whether I can hide the information from the statutory bodies or not. इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें ऐसी आ सकती है कि सपोज फॉर एक्जाम्पल आप एक पार्टनरशिप फॉर्म का कोई टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे थे और आपको पार्टनर्स के इंडिविजुअल रिटर्न में फ्रॉड मिला हुआ आप बोलोगे यार वो मैं यहाँ क्यों रिपोर्ट करूँ पर पता तो पड़ गया इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बोल दिया यू वो नो ऑब्लीगेशन टू बेसिकली रिपोर्ट द इंडिविजुअल फ्रॉड्स ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टर पार्टनर्स इफ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ द एंटिटी तो ना तो आपको इसकी रिपोर्ट में देना है ना आपको क्लाइंट के ये इन्फॉर्मेशन लीगल बॉडीज़ को बताने की जरूरत है सिमिलरली आप इस साल का ऑडिट कर रहे हो और आपको पिछले साल से रिलेटेड कोई टैक्स फ्रॉड के बारे में जानकारी इस साल पता पड़ी है तो वो अदरवाइज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें उसे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो रिपोर्ट करना पड़ता है पर सर कभी इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन है फिर उस केस में आपको इससे कोई लेना देना नहीं है प्रोवाइडेड उससे कोई भी आपके ओपनिंग बैलेंस और कोई भी ऐसी चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही है जो कि होना थोड़ा रेयर है ये सारे प्रोविजन आपको ध्यान में रखने हैं दीज आर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज वन पार्ट वन शेड्यूल टू चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी एविडेंस एक्ट का प्रोटेक्शन होता है या नहीं होता है इफ यू आस्क मी वन वर्ड आंसर द आंसर इज नो इट इज ओनली अवेलेबल टू एडवोकेट्स इज सी ए नॉट एन एडवोकेट इन सम ऑफ द एक्ट्स और इन सम ऑफ द प्लेसेस मे बी दैट्स अ मैटर विच इज टू बी डिसाइडेड अंडर द लीगल अथॉरिटीज डिस्कशन सो दैट इज वाई यू नीड टू सी लीगल एडवाइस अगर आपने इंटीग्रेटेड एमसीक्यू जो दो मैंने आपके साथ शेयर किए थे उसमें सेकंड एमसीक्यू में इस तरह का एक सिचुएशन थी कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सी के ऑफिस से लीक हो गई और उसमें पहला एमसीक्यू था जिसमें मैंने पूछा था कि ऐसे केस में सीए को कंपनीज एक्ट के अंदर क्या गिल्टी होल्ड किया जा सकता है और किस सेक्शन में होल्ड किया जाएगा और वहाँ पे मैंने ये कहा था कि आपको कुछ ऑप्शन दिए थे और उन पर्टिकुलर ऑप्शन में इनफैक्ट इफ़ यू वॉन्ट मी टू काइंड ऑफ क्विकली गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोविजन आई थिंक मैंने उसका एक फॉर्म शेयर किया था आपके साथ और उस पर्टिकुलर फॉर्म में वी हैड बेसिकली टॉक्ड अबाउट एमसीक्यू नंबर टू इज़ व्हाट वी वर डिस्कसिंग देयर और उसके अंतर्गत तो पहला क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट चलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा लोड भाई फॉर्म फटाफट अब उसमें सवाल मेरा आपके सामने इतना सा है कि ये आ गया चलो चलिए ये वाला क्वेश्चन था क्या हाँ इसमें भाइयों का झगड़ा हुआ था खून खराबे भी हो गए थे ऐसा कुछ हो गया था इस क्वेश्चन में राइट चलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें यह कहा गया है कि विथ पीनल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट थाउजें थर्टीन शैल बी अट्रैक्टेडेड फॉर ऑडिटर्स इन एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट्स इन्फॉर्मेश अगर यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स का रेफरेंस देके क्वेश्चन पूछा होता तो हम डेफिनेटली बोलते थे क्लास वन पार्ट वन शेड्यूल टू बट द क्वेश्चन योर इज नॉट अबाउट एथिक्स कंपनीज एक्ट ध्यान से सुनना मेरी बात एग्जाम में बहुत ध्यान से सुनना एग्जाम में एम में बहुत ध्यान से सुनना सुनो ध्यान से प्लीज एग्जाम में अगर एमसीक्यू में किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाए एज़ पर कंपनीज एक्ट या एज़ पर कोड ऑफ एथिक्स और सीए एक्ट तो ध्यान रखना आपका आंसर स्पेसिफिकली एज़ पर दैट पर्टिकुलर एक्ट प्रोविजन ही होगा डिस्क्रिप्टिव में तो हम क्या करते हैं एक एक्ट के अनुसार पूछे तो हम लिख देते हैं इस एक्ट के अनुसार यह है और दूसरे के अनुसार भी लिख देते हैं कि भाई वहां पर यह सिचुएशन है बट एम सी क्यू में आपके पास ऑप्शन नहीं है डिस्क्राइब करने का तो अगर कभी आपसे एग्जाम में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ ले स्पेसिफिकली कि इस एक्ट के अनुसार आप जवाब दीजिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको सपोज पूछ लिया गया कि मैंने थर्टी वन प्राइवेट कंपनी के ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया जिनकी वेट ऑफ शेयर कैपिटल सौ करोड़ से कम है जिसने सेक्शन वन नाइन्टी टू का भी कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है ऐसे थर्टी वन एक सी एन प्रैक्टिस ने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिए वेदर दिस इज ओके वेदर दिस इज पर्मिटेड एज पर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन तो मेरा आंसर वहाँ पे क्या होगा येस और नो आई लैव टू से कंपनीज एक्ट में ऐसी प्राइवेट कंपनीज को बीस की लिमिट में काउंट नहीं करते पर अगर पूछते हैं एज पर कौंसिल जनरल गाइडलाइन देन इन दैट केस आई लेव टू से नही क्यों क्योंकि वहाँ पर सारी कंपनियां अकाउंट होती है तीस की लिमिट है सिंपल ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई बताओ यह सही है या नहीं है ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है तो हम सीधे बोलते हैं नहीं एज पर और फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन होता कौंसिल जनरल गाइडलाइन यहाँ पे कंपनी एक्ट के अनुसार पूछा है तो अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा तो लेट अस सी लोगों ने क्या जवाब दिया है एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग पीपल हैव सेड लेट मी सी थर्टी नाइन परसेंट ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव सेड सेक्शन वन फोर्टी थ्री सब सेक्शन फिफ्टीन लगेगा जो नहीं लगना चाहिए बिकॉज दैट इज अपॉन फ्रॉड रिपोर्टिंग अगर ऑडिटर को फ्रॉड पता पड़े और उसने रिपोर्ट नहीं किए तो ये उसके ऊपर है ये कॉन्फिडेंशियलिटी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है सेक्शन 147 आपकी जेनरिक नेचर की पेनल्टी देता है वेयर uh, 57 परसेंट ऑफ द स्टूडेंट हैव गिवन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सॉरी नॉट 57 सेवन परसेंट जमा करो परसेंटेज तो यहाँ दिखेगा 57 स्टूडेंट्स हैव गिवन दैट आंसर जो जनरल पेनल्टी है जो बोलता है सेक्शन 139 सेक्शन 140 सेक्शन 143 सेक्शन 145 ये चारों सेक्शन के कहीं पर भी आपने नॉन कंप्लाइंस किए हैं तो ये वाला सेक्शन लगेगा और जान करके किए तो फिर एडिशनल पेनल्टी लगेगी फोर फोर्टी सेवन कहता है कि अगर किसी भी केस में ऑडिटर खुद फ्रॉड में शामिल हो गया या ट्राइब्यूनल स्पेसिफिकली वन फोर्टी में आपको रिमूव किया है देन इन दैट केस फोर फोर्टी सेवन की पेनल्टी आपके ऊपर अट्रैक्ट होगी और फोर फिफ्टी कहता है कि पूरे लॉ में कहीं पर भी स्पेसिफिक पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है तो जनरल पेनल्टी का ये वाला क्लास लगेगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सेवेंटी सेवन सेट सेक्शन फोर फिफ्टी क्यों क्योंकि कुछ समझ नहीं आया और लगा क्वेश्चन बढ़िया है तो हमने लगा दिया कौन सा सेवनटी सेवन बट लगेगा यहाँ पे वन फोर्टी सेवन क्यों क्यों क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में दी गई है और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने के लिए सेक्शन 143 फोटी थ्री सब सेक्शन नाइन और टेन बनाया गया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईसीआई के द्वारा जो इशूड है वो फॉलो करने हैं जब तक नफरा कोई स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड नहीं दे देता है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच करके आपने एथिक्स के साथ साथ ऐसे 200 का भी नॉन कम्पलायंस किया है एंड ऐसे के नॉन कम्प्लायंस के कारण 143 में आपने अपनी ड्यूटीज का नॉन कम्पलायंस किया है और 143 का नॉन कंप्लायंस कनेक्ट होता है 147 की पेनल्टी से तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए इट शुड बी सेक्शन 147 हे भगवान सर ये क्या कर रहे हो ये मैंने इस जान करके क्वेश्चन पे इसलिए डिस्कस किया ताकि एक चीज ध्यान रखें कहीं पर भी स्टैंडर्ड का नॉन कम्प्लायंस आता है और पूछते हैं कंपनीज एक्ट में पेनल्टी पे कहाँ लगेगी तो 147 के अंदर लगेगी क्योंकि 143 सेक्शन में कहा गया है कि आपको ऐसे इसका पालन करना पड़ेगा ठीक है चलो बाकी कंपनी ऑडिट में डिस्कस करेंगे ये क्लाज वन हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा प्रोविजन कवर हो जाता है जिसमें हमने सारे एस्पेक्ट जो जो मैंने बोले यहाँ पे लिखे हुए एक क्विक सेट ऑफ क्वेश्चन का कवरेज कर लेते हैं चलिए क्लॉज अप्लाइज टू ओके दिस इज नॉट सेट ऑफ क्वेश्चन इट इज जस्ट बेसिकली एक्सप्लेनिंग वॉट एव जस्ट टोल्ड यू कुल सो आई थिंक नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्लस टू सर्ट रिपोर्ट एग्जामिनेशन ठीक है एक बार कमेंट शमेंट देख लू क्या चल रहा है कूल 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 एम सी क्यू समझ में आ गया सबको चलो दाइस nice. ठीक है भाई चलिए लेट इज कम टू क्लास टू हियर नाउ क्लास टू बेसिकली टॉक्स अबाउट तब एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे वन में हमने क्या बात करी कॉन्फिडेंशलिटी टू हमारा क्या कहता है अगर आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जामिनेशन करके कोई ओपिनियन आपने देना था और आपने बिना एग्जामिनेशन के ओपिनियन दे दिया तो क्लास टू लगेगा सर एग्जामिनेशन किया पर अच्छे से नहीं किया तो क्लास सेवन लगता है ड्यू डेलिजेंस ग्रॉस नेग्लिजेंस सर ऐसा नहीं है हमने ग्रॉस नेग्लिजेंटली काम किया है काम किया था पर जितना करना था उतना नहीं किया सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लगाए देन क्लास एट लगेगा बिना चेकिंग टू नेग्लिजेंटली चेकिंग करी क्लॉज सेवन और सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर नहीं किए क्लॉज एट सर हमने सब एविडेंस वगैरह सब गैदर किए थे पर हमने क्या किया रिपोर्ट क्वालिफाइड देना थी और हमने क्लीन दे दी क्लॉज नाइन इसका मतलब अगर ओपिनियन गड़बड़ दिया आपने बाकी इन्फॉर्मेशन आप सब ले रहे थे प्रॉपरली पर ओपिनियन आपने जो जजमेंट आपने ओपिनियन देने का दिया वो गलत ले लिया तो आपका लगेगा कौन सा क्लॉज नाइन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑप्टेन किए एट नेग्लिजेंट रहे सेवन बिना चेकिंग बिना एग्जामिनेशन आपने ओपिनियन दे दिया जबकि एग्जामिन करना था टू सर हमें तो सब कुछ पता था इनफैक्ट ओपिनियन भी मालूम था क्वालिफाइड देना है हमने जान करके मिली भगत करी है क्लाइंट के साथ और इसलिए उसकी कुछ क्वालिफिकेशनस को डिस्क्लोज जो करना चाहिए थे मैं स्टेटमेंट्स वो मैंने नहीं किया तो फिर फाइव और सिक्स लगता है फाइव बोलता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज़ डिस्क्लोज करनी थी आपने नहीं करी सिक्स बोलता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई मिस्टेटमेंट रिपोर्ट करने थे और आपने नहीं किया तो फाइव और सिक्स लगेगा सर ये क्या कर रहे हो आप एक साथ फटाफट इतने सारे क्लॉजेस क्यों करा रहे हो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट दीज अट डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी की एग्जाम में कौन सा यूज करना है तो जहां पे ऑडिटर चालाक एक्स्ट्रा चालाक था सब पता था फिर भी रिपोर्ट या डिस्क्लोज नहीं किया तो फाइव और सिक्स लगता है जहां पे ऑडिटर चालाक नहीं था कम वक्त ऑडिटर ने काम ही नहीं किया तो फिर वहां टू सेवन और एट लगता है डिपेंडिंग ऑन जरा भी चेक नहीं किया नेग्लीजेंटली किया सफिशेंटली नहीं किया जहां भी क्वेश्चन ऐसा बोल देना कि ओपिनियन गलत दे दिया ऑडिटर ने वहां सीधे सीधे आप उठा के क्लॉज नाइन लगाओगे और ये सारे क्लॉजेस का कुछ इंटर कनेक्शन है इसके अलावा बचते हैं थ्री फोर और टेन क्योंकि टोटल टेन क्लॉजेस हैं दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस वन बाय वन बट आई होप यू गेट अ कनेक्टिविटी ऑफ दीज पर्टिकुलर क्लॉजेस नाउ लेट अस सी क्लॉज टू व्हाट इट टॉक्स अबाउट क्लॉज टू बोलता है इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइज इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ हिज फॉर्म Any financial statements which, in fact, when a Chartered Accountant basically, clause if he certifies or submits in his name or name of his firm, a report on examination of financial statements. Unless examination of such financial statements was conducted by himself, partner, an employee in his CA firm, घुमा फिर रिपोर्ट करना था और आपने वो एग्जामिनेशन नहीं किया नहीं किया मतलब क्या मैं पूरा ऑडिट खुद करूंगा नहीं आप एग्जामिनेशन खुद भी कर सकते हो पार्टनर से भी करा सकते हो एम्प्लॉय से भी करा सकते हो किसी दूसरे सीएन प्रैक्टिस से भी करा सकते हो इसके अलावा अगर आपने किसी और से कराया तो हम मान लेंगे कि आपने नहीं करा तो ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा तो बेसिकली क्लॉज विल बी एप्लीकेबल अ सर्टिफाइज एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और गिवस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट फर्स्ट चेकिंग और वेरीफाइंग इट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में इसके पूछे गए जिसके ऊपर क्लॉज रेफर होता है दैट इज बेसिकली कि सी को एक न्यूज पेपर मैगजीन के एबीसी ऑडिट के लिए अपॉइंट किया था ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के पास आप जा सकते हो कि भैया मेरे न्यूजपेपर की इतनी कॉपी प्रिंट होती है आप इसको ऑडिट करके सर्टिफिकेट दे दो फिर मैं एडवर्टाइज करूंगा कि मैंने इतनी कॉपियां प्रिंट कराई है सीए को अपॉइंट किया सी ने क्या किया सी ने पूछा भैया कि आप बताइए आपकी कितनी कॉपी सर्कुलेट होती है उसने जितनी बताई उसने एज इट इज उतनी साइन कर दी क्लास टू लगा दो अनादर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके मुझे उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए थी मैंने मैनेजमेंट को बोला भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे सही है ना उन्होंने बोला हाँ हमने बोला एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे दो साइन कर दो सब कुछ सही है क्योंकि अब समय बचा नहीं है आप बहुत लेट आए हो तो आपके रिप्रेजेंटेशन के आधार पर अभी मैं ऑडिट रिपोर्ट दे देता हूँ फिर बाद में चेक करते रहेंगे ऐसे ही हमारे आर्टिकल क्या होते हैं टैक्स ऑडिट और कमनी ऑडिट की ड्यू डेट्स के बाद फ्री हो जाते हैं तो बिजली पंखा खाते हैं बेसिकली हमारे ऑफिस का इससे अच्छा बाद में भेज देंगे और बाद में आप क्या करते रहेंगे यहां पे भी क्लास टू लगेगा क्यों क्योंकि आपने रिपोर्ट दे दी है बिना एग्जामिनेशन के बाद में एग्जामिनेशन करने से कोई मतलब नहीं होता है तो ये सिचुएशन में आप उठा के सीधे सीधे क्लास टू लगा देना कई बार सर हमने देखा एग्जाम में इंस्टीट्यूट के आंसर में टू सेवन और एट तीनों लिख देते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे पहले टू कब लग रहा है पहले अपन इसको समझ लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और नेम ऑफ इज फॉर्म रिपोर्ट एंड an himself ऑफ employee or स्टेटमेंट एंड हिमसेल्फ पार्टनर पूरे क्लॉज प्रैक्टिस आपको एक चीज और समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों और वो ये कि आप अपना काम किसी दूसरे सी एन प्रैक्टिस को आउटसोर्स कर सकते हो अगर वो काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देने से रिलेटेड है यह मुद्दे की बात है कि अगर कहीं पे भी आपको ओपिनियन देना है तो आप अपना काम किसी और सीएन प्रैक्टिस से भी करवाओगे तो चलेगा इसके अलावा आप अपना काम किसी और को आउटसोर्स नहीं कर सकते अनलेस लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन है जैसे कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच का ऑडिट मिला और मैं बड़ा बिजी चल रहा था उस समय और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी कोरोना का मौसम था मुझे लग भी नहीं रहा था जाना सही होगा तो मैंने ये पर्टिकुलर हालांकि ऑनलाइन ऑडिट करने की इंस्टीट्यूट ने इस बार गाइडलाइंस दी थी और हुए भी ऑनलाइन ऑडिट बट वॉट एवर मैंने ये कहा कि मैं अपना ये काम किसी दूसरे सी प्रैक्टिस को आउटसोर्स कर देता हूँ वो जाके ये काम कर देगा इन दैट पर्टिकुलर केस क्या ये एक्सेप्टेबल है अगर वो काम कर दे और फिर मैं अपना डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू एज पर ऐसे 220 लगा के ऑडिट रिपोर्ट दे दूँ यूजुअली तो ये चल जाता पर यहाँ पे आर की गाइडलाइन है कि बैंक ऑडिट जिस सी को दिया गया उसी को करना है इट के नॉट बी आउटसोर्स तो दिस विल नॉट बी परमिटेड बिकॉज दी आर बी आई प्रोहिबिट सच अचुएशन इस पर्टिकुलर केस में दिस इज नॉन कम्पलाइंस ऑफ एनी अदर लॉ एंड रेगुलेशन पॉसिबली दिस विल गो अंडर अदर मिसकंडक्ट अन नॉट इन दिस क्लास क्योंकि ये एक क्लास क्या बोलता है किसी और सीन प्रैक्टिस से भी आप अगर एग्जामिनेशन कराओगे तो चलेगा सर उससे एग्जामिनेशन करा के हमने आग बंद करके रिपोर्ट दे दी एम्प्लॉज से एग्जामिनेशन कराए आग बंद करके रिपोर्ट दे दी फिर क्या उस पर्टिकुलर केस में हमें गिल्टी माना जाएगा क्लास सेवन में आपको गिल्टी माना जा सकता है क्लास एट में आपको गिल्टी माना जा सकता है ग्रॉसली एक्ट ड्राइर है आप आपने स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंस नहीं किया सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहते हैं कि आप अगर अपने एम्प्लाई से काम करवा रहे हो तो देन सफिशियंट एविडेंस मिलने के लिए आपको पहले उसका रिव्यू करना पड़ेगा और असेस करना होगा कि क्या उसने सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए यानी ऐसे टू क्वालिटी कंट्रोल ऑन वर्क ऑफ ऑडिट तो ये ऐसे थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा ध्यान रखना है नॉर्मली क्लास टू बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है जब आपको क्वेश्चन पढ़ के साफ साफ इतना देख के लग जाए कि सीए ने कुछ चेक नहीं किया नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलेगा चेक नहीं किया क्या बोलेगा मैनेजमेंट ने जो बताया उसके आधार पर रिपोर्ट दे दी या पिछले साल के ए रिकॉर्ड्स के आधार पर इस साल भी उसने रिपोर्ट दे दी और कोई फर्दर वेरिफिकेशन नहीं किया एक कॉमन क्वेश्चन इंस्टीट्यूट जो मल्टीपल टाइम्स पूछ चुका है कि इन्वेस्टमेंट सेम वैल्यू पे मल्टीपल इयर्स पे आ रहे थे और सीए ने क्लीन रिपोर्ट दे दी और बाद में मालूम पड़ा कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स तो एग्जिस्ट नहीं करते थे दिस इज वन पर्टिकुलर इंडिकेशन और आइडिया कि भैया सीए बिना एग्जामिनेशन की अपनी क्लीन रिपोर्ट दे रहा है ऐसे क्वेश्चन में क्लास टू का रेफरेंस आ सकता है पर हो सकता है सर सी ने सब चेक किया और इन्वेस्टमेंट चेक करना छोड़ दिया और क्वेश्चन क्लियर नहीं है उस बारे में तो ऐसे क्वेश्चन के 2, 7, 8 के आंसर में मल्टीपल देना पड़ते चलिए तो ये हो गया आपका क्लास टू नाउ लेट इज कम टू क्लास थ्री क्लास थ्री किसकी बात कहता है इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्लास विच टॉक्स अबाउट यू कैन से फोरकास्ट और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स what it basically says is permits his name or name of his firm to be used in connection with an estimate of earnings contingent upon future transactions in such a manner that it leads to the belief that he is vouching for the accuracy of such forecast. <laughs> प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट वेरीफाई करके उस पर रिपोर्ट देता है तो गिल्टी नहीं होता है अगर उसकी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की है कि लोगों को देख के लगे कि तो दिया है कि ये जो फोरकास्टेड रिजल्ट फ्यूचर में एक्चुअल में ही ऐसा होने वाला है तो गिल्टी माना जाएगा तो क्लास में क्या क्या चीजें हैं पहली बात फोरकास्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है नोबड़ी नोज अबाउट इट फिर भी सीए ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट दे दी और वो रिपोर्ट पढ़ के लोगों को लग रहा है कि वाकई ऐसा होगा तो सीए को इस क्लास में गिल्टी मानेंगे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड इस तरह के काम करवाते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है हम आठ परसेंट का रिटर्न कमा रहे हैं तो अपन एक प्रोजेक्शन बना लेते हैं कि अगर कोई एक एक लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करेगा एक इंश्योरेंस पॉलिसी में दस साल तक तो हम उसको ग्यारहवें साल से इतना इतना रिटर्न देंगे प्रिज्यूमिंग कि आठ परसेंट का इसमें हम रेट ऑफ रिटर्न कमा पाएंगे हालांकि आठ परसेंट गारंटी रिटर्न नहीं है हमने एक ऐसा प्रोजेक्शन बना लिया कि इतने पैसे आपको बाद में मिलेंगे और उसको सी सर्टिफाई करवा लिया और सी ने बढ़िया साइन कर दिया कि ये सी एफ चेक दिस प्रोजेक्शन एंड फी फाउंडेड टू बी करेक्ट अब लोगों को क्या लगेगा कि यार एक्चुअल में ये सी ए सर्टिफाइड है तो फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है बट तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पर आप जो कर रहे हो वो गलत है क्यों क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये तो पता ही नहीं है तो सर एक बात बताओ इसका मतलब ये काम सी ए कर ही नहीं सकता है कर सकता है एंड देर इज अ स्टैंडर्ड फॉर दिस विच इज एस ए थ्री फोर डबल जीरो स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स थ्री फोर डबल जीरो विच बेसिकली टॉक्स अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक आपका प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड दिया है जिसको इंस्टीट्यूट कहता है कि आप उस पर अश्योरेंस दे सकते हो यानी ओपिनियन दे सकते हो लेकिन ओपिनियन में आपको क्या देना है यू बेसिकली विल नॉट से कि जो फोरकास्ट है ये एक्चुअल में होने वाले हैं इनफैक्ट आप स्पेसिफिकली बोलोगे कि ये फोरकास्ट है और हो सकता है एक्चुअल से डिफर करें हमने क्या चेक किया है कि ये फोरकास्ट में जो अजम्पन्स यूज किए गए हैं वो रीजनेबल है इनके कैलकुलेशन अप्रोप्रिएट है और उसका प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है तो जितने पीरियड के लिए फोरकास्ट किया हम चेक करेंगे कि एक्स्ट्रॉडिनरी लार्ज या शॉर्ट पीरियड तो नहीं है एस्टिमेट्स अजम्पन्स जो लिए हैं वो रीजनेबल लग रहे हैं या नहीं क्या उन अजम्पन्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं ऐसी चीज़ें चेक करने के लिए थ्री आपको कहता है ये सब करके अगर आप अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट दोगे तो फिर उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बड़ा क्वेश्चन किया और चार्ट अकाउंटेंट ने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सर्टिफाई कर दिया क्या वो गिल्टी है तो आप बोलोगे यस अनलेस उसने स्पेसिफिकली ऐसे ही थ्री फोर डबल जीरो के अनुसार किया क्वेश्चन आ जाए प्रोजेक्टेड रिपोर्ट के ऊपर सीए से मांगी गई है रिपोर्ट क्या वो दे सकता है अब इसलिए एक केस स्टडी बना के देंगे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ तो आप बोलोगे बिल्कुल दे सकता है ऐसे ही थ्री फोर डबल जीरो को ध्यान में रखते हुए बस ये ध्यान रखना है कि वो कहीं पर भी उसकी एक्यूरेसी को वाउच ना कर दे सिंपली वो कमेंट करे कि ये जो फोरकास्ट बनाए गए हैं थ्री फोर डबल जीरो क्या बोलता है एज रीजनेबल है टाइम पीरियड जो कंसिडर किया वो अप्रोप्रिएट है उसका प्रेजेंटेशन अपने आप में अप्रोप्रिएट है लेकिन ये फोरकास्ट है और एक्चुअल से डेफिनेटली डिफर कर सकते हैं हम इसकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं कर रहे हैं ठीक है तो दिस इज एस ए थ्री फोर डबल जीरो बहुत ही स्पेसिफिक क्लॉज है इसका दूसरे किसी से कोई कनेक्शन नहीं है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वॉट प्रोजेक्शन पूरे क्लॉज में प्रोजेक्टेड वर्ड यूज़ नहीं किया गया है फोरकास्ट यूज किया गया प्लस क्लॉज स्पेसिफिकली किसकी बात करता है एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स इसका मतलब कि बेसिकली ये सेल्स या रेवेन्यू या प्रॉफिट्स के प्रोजेक्शन जो लोग कराते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो लोग बैंक्स में बनवा के सबमिट कराते हैं जिसमें सीए की साइन और रिपोर्ट लेते हैं ये उसके बारे में बात कर रहा है दे सकते हो बट ऐसे ही थ्री फोर डबल जीरो को ध्यान में रखते हुए सर्टिफाई नहीं करना है कि ऐसा ही होगा बेसिकली उसकी रीजनेबलनेस ऑफ एज्पन प्रेजेंटेशन इन चीजों पे आपको डिस्कलोजर देना है तो सर्टिफाइज ऑन एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट ठीक है तो so, ये आपका बेसिकली एक और क्लॉज हो जाता है एंड आर ऑल स्मॉल सिंपल स्टैंड नथिंग मच इन इट ये हमारे शुरू के तीन क्लॉज हो गए दोस्तों फोर्थ क्लॉज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीन क्लाजेज और यहाँ पे क्या होता है क्योंकि क्लॉज थोड़े से दे आर अ लिटिल डिफिकल्टली वर्डेड सो इल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द लैंग्वेज ऑफ शेड्यूल टू क्लॉजेस सबसे पहला क्लॉज जो था हमारा वो किससे रिलेटेड था कॉन्फिडेंशियलिटी आप इसको ऐसे याद रख लेना फर्स्ट थ्री क्लाजेस डी सी प्रद्युमन साहब नहीं बस डी सी पी डी शुरू किससे होता है डिस्क्लोज मैंने एक ट्रिक बताई थी ना आपको पहला वर्ड याद रखना पूरा क्लॉज आपको नॉर्मली उसकी लैंग्वेज वर्बेटिम याद होने में स इजीनेस मिलेगी

future earnings an estimate of future earnings such that it leads to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast dcp clause number 4 is very 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 important for you and this basically talks about substantial interest in fact aap ye bol sakte ho ki is pure ke pure schedule ka sabse important clause exam point of view se clause 4 hai substantial interest आग बंद करके exam में कोई भी question आए जिसमें आपको पढ़ के ऐसा लगे कि CA की independence hamper हो रही है और उसने फिर भी opinion दे दिया है ये वाला clause आपके काम का है परफेक्ट चलिए सो वॉट अबाउट इज सब्सटैशियल इंटरेस्ट का क्लॉज आई एम डूइंग इज एक बार मैं ये पूरा शेड्यूल ले लेता ले हूँ फिर एक साथ इसके एमसीक्यूज आपको दे दूंगा बिकॉज uh, इसमें कुछ कुछ क्लाजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है तो आई रियली डोंट वॉन्ट टू ब्रेक द रिदम इन दिस क्लॉज फॉर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का कहता है कि अगर एक चार्ट अकाउंटेंट क्या करता है सब्सटैशियल इंटरेस्ट होने के बावजूद भी ओपिनियन दे देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किसके

फोर सिर्फ वो केसेस में एप्लीकेबल होगा जहां आप रिपोर्ट दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं तो टू और फोर कौन से क्लॉज हैं जहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन क्लॉज वन सारे प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स पे लगता है इसका मतलब अगर आपको कभी ये कह जाए कि आपका एक पर्टिकुलर कंपनी में फाइनेशियल इंटरेस्ट है और आपको बुलाया उसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करो या उसकी टैली में अकाउंटिंग करिए या उसके टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करिए आप बोलोगे हो बिंदास कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे क्यों क्योंकि हम वहां पे कोई रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं इनफैक्ट इंटरनल ऑडिट भी अगर आपसे मांगा जा रहा है तो आप इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं किसका किसी एंटिटी का जहाँ पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उसका कारण यह है कि स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया है और उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन दी है कि इंटरनल ऑडिट में सबस्टैशियल इंटरेस्ट हो तो भी आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो ओनली थिंग वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड योर इज दैट यू शुड बी इंटीग्रीट मेंटेनिंग योर इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इफ नॉट इंडिपेंडेंस तो इंटरनल ऑडिट में इंडिपेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती है लेकिन एक एक्सेप्शन ध्यान रखना अगर आप कॉन्करेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो किसी बैंक के तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस अनिवार्य है आरबीआई की इनफैक्ट इंस्टीट्यूट की कुछ क्लरिफिकेशन है इस क्लॉस की जिसको मैं आपको अभी बता देता हूँ तो सबसे पहले कहाँ लगेगा जहाँ पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं यानी कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी नॉन ओपिनियन सर्विसेज जो आपकी होती हैं जिनको रिलेटेड सर्विस या नॉन एश्योरेंस सर्विस कह सकते हैं वहाँ पर ये क्लास नहीं लगेगा सेकेंड ओपिनियन भले ही आप स्टैचुटरी ऑडिट में दे रहे हैं यानी कि कंपनीज एक्ट के ऑडिट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट जीएसटी ऑडिट या नॉन स्टैचुटरी ऑडिट भी होते हैं कई बार जैसे कि बैंक्स कई बार अपने नॉन कंपनी नॉन कॉर्पोरेट बोरोअर्स का ऑडिट कराती है क्योंकि उनका अदरवाइज ऑडिट नहीं होता या स्टॉक वेरिफिकेशन टाइप के काम करवाए जाते हैं जिसमें आप एक एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह जा रहे हो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है जिसका ऑडिट कर रहे हो उसके अलावा किसी और के लिए कर रहे हो तो अगर आप किसी के बोरो जाके स्टॉक का ऑडिट कर रहे हो तो उसके लिए कर रहे हो तो है लेकिन आप बैंक के भी पे जा के वहाँ पे जाके कर रहे हो क्योंकि उसने सीसी लिमिट ले रखी है तो ये एक्सटर्नल है यहां पे भी है क्यों क्योंकि यू आर बेसिकली गिविंग अ रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी नहीं है तो सिर्फ उसका एक पार्ट है तो ये क्या है बेसिकली अब आपको थोड़ा स्पिरिट में इंटरप्रेट करना है आपको इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ कैश फ्लो के लिए अपॉइंट कराया तो फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज किसी एक्सटर्नल पार्टी को ओपिनियन दे रहे हो तो देन इन दैट केस यू टू इंश्योर दैट यू डोट इंटरेस्ट स्कोप में क्या कवर होगा कहीं भी अगर आप थर्ड पार्टी को देने जा रहे हो, तो फिर ये पर्टिका क्लास एप्लीकेबल होगा थर्ड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सीए या उसके रिलेटिव का अगर बीस परसेंट या उससे अधिक कंपनी है तो वोटिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो प्रॉफिट शेयर है कमनी के केस में बोलते हैं कि जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड्स वाले शेयर्स होते हैं जिनमें वोटिंग राइट्स नहीं होते यानी प्रेफरेंस शेयर्स उनको काउंट नहीं करते यानी बेसिकली yani आप ये समझ लो वोटिंग राइट्स का ट्वेंटी परसेंट से अधिक है कंपनी के केस में जहाँ वोटिंग राइट्स है या नहीं है वहाँ प्रॉफिट शेयर किसका आपका या आपके रिलेटिव का रिलेटिव एज डिफाइंड डिफाइंडर एस एटीन बिच वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो ये हमने अली और पढ़ा था बेसिकली क्लास इलेवन इंगेजिंग इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन क्योंकि वहां पे बोला था कि एम डी होल टाइम डायरेक्टर फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉय इन अ बिजनेस कंसर्न जहां सब्सटैशियल इंटरेस्ट है परमिशन भी मत मांगना तो वो क्या चीज थी वो अलग था क्लास इलेवन जो बोल रहा था कि सब्सटैशियल इंटरेस्ट कहीं जगह हो और आप प्रैक्टिस में और वहां जॉब करना चाह रहे हो तो हमारे पास मताना हम परमिशन नहीं देंगे ये अलग ही चीज है ये बोल रहा है ओपिनियन देना है एज अ सी प्रैक्टिस आप काम कर रहे हो किसी एंटिटी में तो वहां पे अगर आपका आपके रिलेटिव का या ऐसी एंटिटी जहाँ पे आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तीनों का मिला जुला के या इंडिविजुअली किसी भी तरह से ट्वेंटी परसेंट या उससे अधिक अगर स्टेक है तो मान लिया जाएगा आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस शब्द यूज होता है जो आपको यहाँ यूज नहीं करना है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ऐसा बोलते हैं ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा है तो अज्यूम कर लेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इंफ्फुलेंस पर आप प्रूव कर सकते हो कि मेरा ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा होकर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है कई बार पंद्रह परसेंट में भी आ सकता है यहाँ शब्द यूज किया है सब्सटैशियल इंटरेस्ट जिसमें फिक्स है ट्वेंटी परसेंट या उससे ज़्यादा होगा तो सब्स्टेंशियल इंटरेस्ट आएगा अगर आपका सबस्टेंशियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है देन इन दैट केस आप ये असाइनमेंट नहीं ले सकते कब होना नहीं चाहिए सब्सटैशियल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग ऑडिट और थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ऑडिट यानी यू हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर ऑडिटर अपॉइंटमेंट इसका मतलब यह है कि सपोज मुझे सितंबर 2020 की एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट किया सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्वेंटी ऐसे तो पाँच साल के लिए होते हैं बट पांच एजीएम के लिए बट तो सेप्टेंबर ट्वेंटी में मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया और ऑगस्ट ट्वेंटी में मेरा सब्सटैशियल इंटरेस्ट था जिसे मैंने बेच दिया और सितंबर 20 में ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूं और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दूंगा विच इज अप्रैल 20 टू मार्च 21 क्या ये चलेगा हाँ चलेगा यानी सब्सटैशियल इंटरेस्ट जिस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप ओपिनियन दे रहे हो उसमें है या नहीं ये नहीं देखना है जब आप एज अ अशन ऑफ ऑडिटर होल्ड करके बैठे हैं देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू चेक हैदर यू आर सबस्टेंशियल इंटरेस्ट और नॉट इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए तो सब्सटैशियल इंटरेस्ट यू योर रिलेटिव ट्वेंटी और मोर वोटिंग पावर और प्रॉफिट वोटिंग पावर इज नॉट देर होल्ड करते हो मान लिया जाएगा सबस्टैशियल इंटरेस्ट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ योर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर होल्डिंग द पोजिशन वेरी यू आर बेसिकली अपॉइंटेड और एंगेज टू प्रोवाइड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू शुड नॉट हैव सब्सटैशियल इंटरेस्ट इफ यू हैव यू विल नॉट गिव द ओपिनियन यू शुड रिजाइन इफ यू डोंट क्लास फोर विल गेट अट्रैक्टेड अब जैसे ही हमने ये पर्टिकुलर प्रोविजन का डिस्कशन कर लिया हमें समझ में आ गया कि भाई सब्सटैशियल इंटरेस्ट है तो ओपिनियन नहीं देना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी अच्छा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसका हो सकता है सीए का या फॉर्म का या पार्टनर का किसी का भी तो फॉर्म में क्या हो गया सीए और उसके सारे पार्टनर मिला जुला के तो सपोज फॉर एग्जाम्पल सी के पास किसी कंपनी के दस परसेंट शेयर है या कंपनी छोड़ो कोई पार्टनरशिप फॉर्म में टेन परसेंट प्रॉफिट शेयर लेके बैठा है. और उसका पार्टनर टेन परसेंट लेके बैठा है तो दोनों का मिला के ट्वेंटी हो गया तो बोलेंगे फॉर्म का देखा जाए तो सब्सटाइनशियल इंटरेस्ट आ गया सी का पाँच उसके रिलेटिव का पाँच पार्टनर का पाँच उसके रिलेटिव का पाँच तो भी फॉर्म एज ए होल में देखा जाए तो ट्वेंटी आ गया यानी सब क्लब हो जाएगा अब अगला सवाल ये हुआ कि भाई आपने कहा सर कि किसी कंपनी में फॉर्म का एग्जाम्पल ले लिया कंपनी में क्यों नहीं कंपनी में सीए के पास अगर 10 परसेंट चेयर है और पार्टनर के पास 10 परसेंट है लेट्स से कंपनी में सीए के पास 10 परसेंट है पार्टनर के पास रिलेटिव के पास किसी और दूसरी एंटिटी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसके पास कुछ भी नहीं है क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा क्लास फोर के अनुसार तो आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं लेकिन कंपनी सेक्ट तो बोलता है कि अगर सी के पास अगर कंपनी या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी किसी भी एंटिटी में जॉइंट वेंचर्स एसोसिएट्स में एक रुपये की भी फेस वैल्यू का शेयर है अगर सीए का खुद का रिलेटिव की एक लाख का हो सकता है सीए का खुद का एक रुपये की भी फेस वैल्यू हो ऑफ शेयर उसने होल्ड कर रखी है देन इन दैट केस उस केस में चार्ट अकाउंटेंट इज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग ऑडिट तो इसके लिए यहाँ पे आई ने क्लैरिफाई किया है कि प्लीज़ ध्यान रखना अगर कहीं लॉ ने कोई भी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब कर रखी है तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा अगला सवाल ये हुआ कि भाई लॉ की गाइडलाइंस और अगर एथिक्स की गाइडलाइन कॉन्ट्राडिक्ट्री है तो तो कॉन्ट्राडिक्ट्री कुछ नहीं है वो एक गाइडलाइन है ये एक गाइडलाइन है आपको दोनों फॉलो करना है बाबू ने बोला नहीं जाएगा तू माताश्री ने बोला जा सकता है मतलब नहीं जाना बाऊ ने बोला हाँ जा सकता है माता श्री ने बोला नहीं जाएगा तू उससे मिलने तो मतलब नहीं जाना यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें एक की बात मानना है दूसरे की नहीं हमें दोनों की बात मानना है तो जब तक दोनों हाँ नहीं बोलेंगे तब तक हम उससे नहीं मिल पाएंगे घुमा फिरा के बात यह है कि इनकी मिली भगत है कभी वो बुरे बनते हैं कभी ये बुरी बनती है अल्टीमेटली जाने हमको कोई दे ही नहीं रहा है मुद्दे की बात यह है कि आपको सारे प्रोविजन फॉलो करना पड़ेंगे कई जगह ऐसा हुआ कि भाई ये होल्डिंग परसेंटेज वाली बात नहीं आ रही है जैसे कि कोई ट्रस्ट में मैं ट्रस्टी हूँ मेरा कोई बीस परसेंट स्टेक नहीं है क्या मैं उस ट्रस्ट का ऑडिट कर सकता हूँ मैं किसी कंपनी का लिक्विडेटर हूँ उसकी असेट्स मैं बेच रहा हूँ उसी का ऑडिट करना है लिक्विडेटर के अकाउंट्स का क्या मैं कर पाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आईसीआई ने अलग अलग समय पर कुछ गाइडलाइंस दी है जिसके अंतर्गत कहा गया है लिक्विडेटर कंपनी के लिक्विडेशन के दौरान लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुआ है सी वो वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता किसी कॉलेज में अगर आप रहे हो भले ही विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे आप जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट नहीं कर सकते ट्रस्टी हो किसी ट्रस्ट के तो आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सवाल ही नहीं उठता ऑडिट करने का सर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर हूँ और परसेंटेज शेयर होल्डिंग जीरो है तो सब्स्टांशियल इंटरेस्ट तो आए ही नहीं तो ऐसी ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया है कि डायरेक्टर हो तो नहीं कर सकते इसका मतलब ये सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कॉलेज में मेरे पास जीरो परसेंट स्टेक है पर मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ क्या मैं ऑडिट कर सकता हूँ आपका जवाब सिंपली होगा नहीं कर सकते क्यों क्योंकि माना जाएगा कि सब्सटैशियल स्टेक या सबस्टैशियल इंटरेस्ट है क्यों माना जाएगा सबस्टैशियल इंटरेस्ट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला बीस परसेंट डेक है 20 उसके अलावा हमने अलग अलग डिफाइन किया यहां सब substantial interest माना जाता है और इसमें एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के बहुत सारे क्लैरफिकेशन है जो कहते हैं कि यहाँ पे सब्सैियल इंटरेस्ट माना जाएगा वेरी with आई टेल यू board विदिकल स्टैंडर्ड बोर्ड you should remember very वेरी carefully is अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी की होल्डिंग कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप उसकी सब्सिडरी और उसके जॉइंट वेंचर्स का ऑडिट नहीं कर सकते कंपनीज एक्ट सेक्शन 141 फोर्टी वन कई सारे डिस्कवालिफिकेशन देता है उसमें एक डिस्कवालिफिकेशन है कि सी ए हिमसेल्फ इज एन ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इज अ पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सेक्शन वन फोर्टी वन सब सेक्शन थ्री के अंतर्गत क्लॉज बी और सी ए और इसके अलावा एक क्लॉज एफ ए जो कहता है कि रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और के एम पी इन द कंपनी पर ये तीनों क्लास की विशेषता यहाँ पर यह है कि ये डिस्कालिफिकेशन तभी अट्रैक्ट होगा जब आपको जिस कंपनी का ऑडिट मिला है आप उस कंपनी में ऑफिसर एम्प्लॉय उसके ऑफिसर एम्प्लॉय के साथ पार्टनर एम्प्लॉय या आपका रिलेटिव वहाँ डायरेक्टर के एम है यानी कि एक्ट के अनुसार कभी भी अगर आप होल्डिंग कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉई हो तो इस कंपनी का ऑडिट करने में कमनीज एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पर ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास पेरेंट में सब्सटैशियल इंटरेस्ट या आप डायरेक्टर हो वहाँ जिसको सब्सटैशियल इंटरेस्ट माना गया है तो डेफिनेटली आप सब्सिडी को अफेक्ट कर सकते हो एज ए न आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे उसको ऑडिट करने में क्योंकि पेरेंट इसको अफेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज वाई ये कहा गया है कि अगर आप पेरेंट में डायरेक्टर हैं तो आप सब्सिडरी में और एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये भी क्लरिफाई कर दिया है कि ज्वाइंट वेंचर्स में उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऑडिट नहीं कर सकते यानी एसोसिएट में करने में कोई मनाही नहीं है सर मैं सब्सिडरी में, में डायरेक्टर हूँ क्या मैं पेरेंट का ऑडिट कर सकता हूँ इसमें कोई मनाही नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक और चीज़ ध्यान रखना एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2011 में पहले कभी एक डिसीजन दिया था कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और आपने डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया या कंप्लीट हो गई तो दो साल तक आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे बट अब कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है तो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने बोला है कि वो जो दो साल तक आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे वो वाला रूल अब लागू नहीं होगा तो ऑडिटर को खुद को अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करना है कि क्या उसे लगता है वो अपना सब इंटरेस्ट नहीं रखता है वहां पे एज एन इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा और अगर लगता है तो फिर उसके ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है आईसीआई ने ये भी कमेंट्री में क्लैरिफाई किया है कि सब्सटैशियल इंटरेस्ट इज समथिंग विच इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ माइंड सो दैट मीन्स मेनी अ टाइम्स इट मेस एपन दैट यू मे नॉट गेट कॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ सब्सटैशियल इंटरेस्ट अंडर द एथिक्स और अंडर एनी अदर लॉ बट स्टिल इफ यू फील दैट यू आर नॉट हैविंग इंडिपेंडेंस यू शुड डजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टिंग दी ऑडिट मत करो आप ऑडिट एक्सेप्ट बेहतर यही हो तो कभी मैं कह दूँ कि भाई फिएंसी का ट्वेंटी परसेंट स्टेक है तो क्या मैं उस एंटिटी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्योंकि फियंसी रिलेटिव की परिभाषा में आज भी नहीं आती है हेलो लिव इन रिलेशनशिप है हमारे पास और उसका बीस परसेंट स्टेक है और उसने मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर दिया शी डज नॉट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव इंडेस में आती है वो बात अलग है ना वहाँ डोमेस्टिक पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलते हैं बट यहाँ हम ये इसकी डेफिनेशन यूज़ करते हैं रिलेटिव की वहाँ पे नहीं है पर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तो आपको क्या करना है नहीं करना है सर तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे बकायदा आपको लिखना है कि इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि फैंस है या डोमेस्टिक पार्टनर है तो डेफिनेटली सीए का इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा तो बेहतर है कि सीए ऑडिट एक्सेप्ट ना करें हालांकि ये रिलेटिव की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है इसका मतलब टेक्निकली सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है बट ऑडिटर शुड अप्लाई हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस इस तरह से आपको अपना आंसर कंडीशनली ड्राफ्ट करना पड़ेगा ओके okay? चलिए <coughs> चलो भाई <coughs> ओके कूल सो दिस बेसिकली कवर्स योर क्लॉज फोर और इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो आई ने क्लारीफाई किए हैं जिसमें आप कर सकते हैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते ध्यान रखना क्लॉज किस पे लगेगा कोई भी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट स्पेशल पर्पज ऑडिट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंटर्म क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू होता है वो भी इसके ऊपर भी लगेगा इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना पड़ रहा है कोई एक्सटर्नल बॉडी को स्टैचुटरी ऑडिट्स आप कर रहे हो इन सब पे लगेगा स्पेसिफाइड प्रोसीजर यानी बैंक रिकनसिलेशिएशन के लिए अपॉइंट किया डेटा रिकनसीलिए के लिए अपॉइंट किया यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करने कोई ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी को ओपिनियन नहीं मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को ही ओपिनियन दे रहे हैं कोई एक्सटर्नल असाइनमेंट नहीं है इंटरनल ऑडिट लिक्विडेटर आर्बिट्रेटर एग्जीक्यूटर की सेवाएं ये सब में ऐसा सच आपका कहीं ओपिनियन देने की बात नहीं है यहाँ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है हाँ लिक्विडेटर हो तो ऑडिट नहीं कर सकते पर अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और आपको लिक्विडेटर अपॉइंट किया कल लोग कोई दिक्कत नहीं है चलिए ओके अंकुर बोल रहा है सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने लग गया <laughs> ठीक है भाई ये सब इंटरेस्ट की आपकी डेफिनेशन हो गई है ये कुछ स्पेसिफिक डिस्कवालीफिकेशन है लिक्विडेटर ऑडिट नहीं करेगा इंटरनल ऑडिट ऑडिट नहीं करेगा अगर आप कभी भी बुक्स लिख रहे हो या इंटरनल कंट्रोल मेंटेन कर रहे हो कभी क्वेश्चन आ गया कि ये कंपनी के गए सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ईआरपी सिस्टम डेवलप हो रहे थे और मैंने उसके डेवलपमेंट में उसकी मदद की और उस साल उसने मुझे ऑडिटर भी अपॉइंट किया क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ द आंसर इज़ नो देन पार्ट टाइम फुल टाइम फैकल्टी जहां पर हो ट्रस्टी हो डायरेक्टर हो किसी कंपनी में सेक्शन 141 फोर्टी वन कपनी से एक्ट में डिस्कालीफाइड हो तो नहीं कर सकते इट इज क्लरिफाइड कि डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी में हो तो सब्सिडी में डिस्कालीफाइड और अब इसमें जॉइंट वेंचर कोई भी एंटिटी जहाँ पे आपका जॉइंट कंट्रोल है उसमें भी डिस्कवालीफाइड हो वो आपको एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के कैलिफिकेश में दिखेगा ठीक है रिलेटिव अगर डायरेक्टर है और कोई सब्सटैशियल इंटरेस्ट नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है किस में अंडर एथिक्स बट इज़ डिस्कालीफाइड एज पर कंपनीज़ एक्ट टू तो ऐसे केस में सर आंसर में दोनों चीज़ लिखना है क्या नहीं अगर आपको सब्जेक्टिव आंसर आया तो आप सिंपली लिख दो नहीं कर सकते क्योंकि कंपनीज एक्ट ने बोला है डायरेक्टर का अगर सॉरी अगर रिलेटिव डायरेक्टर या के एम है तो फिर इस केस में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते खत्म ठीक है ध्यान रखना रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे ए सीटीन की लगती है कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट की लगती है तो आप किसके अनुसार आंसर दे रहे हो उसके बेसिस पे आपको डेफिनेशन लेना पड़ेगी क्या सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी में हुआ तो चलेगा नहीं चलेगा ठीक है

कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप प्रोफेशनली अगर इंगेज हो और आपने वहाँ पर कोई डिस्क्लोजर जो आना चाहिए था वो नहीं दिया तो ये वाला क्लॉज अट्रैक्ट होगा फाइव और सिक्स में डिफ्रेंशिएट करना समझना है इसलिए मैं पहले सिक्स पढ़ता हूँ फिर दोनों साथ में पढ़ेंगे फेल्स टू रिपोर्ट अ मटीरियल फैक्ट और अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अप्योर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ही इज कंसर्न इन प्रोफेशनल कैपैसिटी दोनों में आप देखो कॉमन क्या है नोन टू हिम यहाँ पर भी क्या बोला है नोन टू हिम तो सबसे पहले एग्जाम में एक चीज़ समझ लेना कभी भी क्वेश्चन ऐसा होगी ऑडिटर ने काम ढंग से नहीं किया पता नहीं पड़ा तो ये क्लॉज नहीं लगेंगे ये कब लगेंगे इसको पता था फिर भी उसने नहीं बताया नहीं बताया कहाँ नहीं बताया तो देखो अगर आपको कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया और आपको मालूम है कि वो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ कर रही है जैसे कि कोई लोन लिया है और उसने डिस्कलोज नहीं किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ऑडिटर को क्या करना था रिपोर्ट क्वालिफाई करना थी नहीं करिए कौन सा क्लॉज आप रिपोर्ट करेंगे क्लॉज सिक्स क्यों ही फेल्स टू रिपोर्ट अटीरियल स्टेटमेंट नोन टू हिम टू एग्जिस्ट इन क्या किया फेल्स टू रिपोर्ट अटीरियल स्टेटमेंट नोन टू हिम टू अपियर इनशियल स्टेटमेंट विद हीशनल कैपैसिटी पर सपोज आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपाइल करने के लिए अपॉइंट करा था और आपने देखा उसने लोन लिया है और आपने वो लोन डिस्क्लोज नहीं करवाया या उसके कोई नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन देना चाहिए थी कि ये रिलेटेड पार्टी से और आपने उसके डिस्क्लोजर नहीं दिलवाए देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्लॉज फाइव लगाना पड़ेगा तो फाइव और सिक्स का बेसिक डिफरेंस क्या है सिक्स आपके ऊपर कब आएगा जब आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइव कब आएगा जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ऑडिटर की कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी नहीं होती है तो क्लास फाइव का वहां मेरे लिए कोई रेलिवेंस नहीं है तो एक क्वेश्चन है बेसिकली पीएफ ट्रस्ट वगैरह से रिलेटेड कि पीएफ ट्रस्ट जो है एम्प्लॉज़ के लिए बनाया था और वहाँ से कंपनी ने लोन ले लिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसने ये चीज़ देखी कि ये अलाउड नहीं है लॉ में फिर भी उसने ये चीज़ कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करवाई अब आपको देखना है कि अगर आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो आप सिक्स लगा दीजिए अगर आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि भैया आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और उसको आप डिस्क्लोज़ नहीं करवा रहे हो तो फाइव लगा दीजिए साइलेंट है तो फिर आपको फाइव और सिक्स दोनों के शायद रेफरेंस देना पड़ेंगे ये ही एक बेसिक बाइफर्गेशन का तरीका है बाकी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन के आंसर्स में इंस्टीट्यूट ने कई जगह लफड़े करें इसका मतलब क्या है कि जहाँ देख के लग रहा है इन्फॉर्मेशन को देख के ऐसा लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुएस से देख के लग रहा है फाइव लगेगा उन्होंने सिक्स का रेफरेंस दिया तो वहाँ पे थोड़ी सी अब आपको रट्टा मारने का काम करना पड़ेगा कि भैया किस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है वैसा ही आ जाए तो वैसा ही लिख देना क्यों क्योंकि यहाँ पे ऐसा सच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंस जो है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया मज़े की बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आपको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर असाइनमेंट दिया गया है जिसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपने ऑडिट नहीं करना है इट इज लाइक सी ए को बोला बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें या एक चार्टेड अकाउंटेंट को सिंपली बोला गया है कि भैया हमें क्या करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट करने हैं एस एंड डेज में यह सब तरह के असाइनमेंट पे फाइव लगाना क्यों क्योंकि यू आर नॉट अंडर अ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर हैविंग अ रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पार्ट ऑफ इट

एम बेग्यूएस में दोनों का रेफरेंस दे देना है आई थिंक सेफर साइड पे यू शूड दैट इज समथिंग विच यू शूड डू ठीक है तो ये डायग्नोसिस और आपके रेफरेंसेज दिए हुए नाउ क्विकलीट इस जम्प ऑन टू क्लास सेवन ठीक है सेवन एट नाइन टेन फिर उसके बाद क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एम सी क्यूज बहुत ही सिंपल है इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट और डज नॉट एक्सरसाइज इज ड्यू डेलीजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज तो भाई ने ड्यू डेलिजेंस नहीं लगाई या फिर भाई हमारा ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो गया काय में प्रोफेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करने में मजे की बात यह है कि ये क्लॉज प्रोफेशनल ड्यूटीज़ की बात कर रहा है इसका मतलब ऑडिट कर रहे हो या प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम कर रहे हो या सिंपली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो आप सब पे ये क्लॉज लग सकता है आपकी जितनी प्रोफेशनल ड्यूटी है आप उसमें नेग्लिजेंट रहोगे तो ये वाला क्लॉज लगा देना यानी ध्यान रखना यहाँ पे आप सिर्फ एज एन ऑडिटर की पोजीशन में ये क्लॉज नहीं लगाओगे हर केस में लग सकता है यानी आपको सिंपली ऐसा बोल दिया कि एक चार्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया था रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में ट्राइब्यूनल जाकर रिप्रेजेंट करना था और वहाँ गए और वो भूल ही गया कि यार क्या बोलना था प्रिपरेशन करे भी नहीं चले गया रिप्रेजेंटेशन देते समय भूल गया क्या रिप्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन अनजाने में गलत दे आया

फाइव एंड सिक्स इज नॉट केयरलेसनेस ठीक है एक और चीज़ ध्यान रखना फाइव और सिक्स में कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो फाइव और सिक्स से रिलेटेड है सी ए ने ऑडिट के दौरान देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है और उसने वो मिसस्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर दिया और फिर उसने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं करी क्योंकि उसका कहना है रिपोर्ट मैंने बोर्ड को तो कर ही दिया है क्या उसे गिल्टी माना जाएगा आप बोलोगे क्लास सिक्स में गिल्टी क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू रिपोर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट विच विल गो टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड नॉट जस्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ऐसे भी केसेस आते हैं तो यहां पे सर ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई ना उसकी तो तो ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्रॉस नेग्लिजेंस क्योंकि ये क्लियरली क्लास सिक्स के अंतर्गत जा रहा है तो देन वाई टू कम अंडर दिस पर्टिकुलर क्लास तो वी नो जनरल रूल होता है ना स्पेसिफिक स्पेसिफिक ओवर वी हैव अ जेनरिक्लास वील गो विद दैट नॉट विद द विदरिक क्लॉस तो नॉर्मली फाइव सिक्स साथ में रेफरेंस में आ भी सकते हैं लेकिन सेवन और फाइव और सिक्स साथ में कभी रेफरेंस में नहीं आएंगे सेवन साथ में आएगा तो टू सेवन और एटीन के इस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं टू बिना चेक किए साथ नेग्लिजेंट रहा ड्यू डेलिजेंस नहीं लगाई और आठ सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के अदर नहीं किया तो कोई भी प्रोफेशनल ड्यूटी में अगर आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस लगाई है या ड्यू इंटेलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करी है तो क्लास सेवन लगाया जा सकता है सर वॉट डू वी मीन बाय ड्यू इंटेलिजेंस कब माना जाएगा सपोज़ फॉर एग्जाम्पल सत्यम के केस में पी डब्ल्यू सी को क्या हम बोले ड्यू इंटेलिजेंस नहीं लगाई तो ये बहुत ही अपने आप में क्या है बारीक मुद्दा है दोस्तों डेफिनेटली फाइनली तो उनको उनके ऑडिटर्स को गल्टी होल्ड किया गया पर क्या वो नेग्लिजेंट थे क्या इस जैसी चीज़ गलत ढंग से चेक नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आप नेग्लिजेंट हो कैश हमने अच्छे से चेक करी मैनेजमेंट ने हमारे साथ धोखा किया क्या मैं नेग्लिजेंट हूँ शायद नहीं फिर शायद क्लॉज एट में मैं जाऊँगा सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मैं गैदर नहीं कर पाए तो इसलिए ड्यू डेलिजेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि वन यू हैव बीन बेस्टोर्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एनी पर्टिकुलर लॉ टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर ड्यूटी एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटी विल से यूव नॉट अप्लाइड ड्यू डेलीजेंस तो ड्यू डेलिजेंस बेसिकली मीन्स दैट एक प्रोफेशनल यानी किसी भी लॉ के अंतर्गत कोई पावर आपको दिया गया है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एज अ प्रोफेशनल एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगा के ना कि सिर्फ एक कॉमन सेंस लगा के उस काम को कंप्लीट करें और अगर आप वो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज लगा के काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ड्यू डेलीजेंस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या फिर आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें यह आया कि भैया इन्वेस्टमेंट हमने से फॉर एग्जाम्पल चेक ही नहीं किया बाकी सब चीज़ें हमने अच्छे से चेक करी पर इन्वेस्टमेंट हमने सेम आ रहे थे तो हमने उसके बेसिस पे रिपोर्ट दे दी ग्रॉस नेग्लिजेंस कैश वेरीफाई करना बोल गए कैश का सरप्राइज चेक नहीं किया बता के चेक किया बैंक रिकन्सिलेशन रह गया ये सब ग्रॉस नेग्लिजेंस नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डेलिजेंस इस टाइप की चीज़ों में ये सारी चीज़ें कवर होंगे ठीक है <coughs> क्लाइंट के बिहाफ पे उसने गलत इफॉर्मेशन दे दी क्या ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा ऐसा राहुल बंसल पूछ रहे हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और इनकम टैक्स में गलत इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बिहाफ पे दे दी बिल्कुल मिसकंडक्ट है जान करके अगर आपने दी है फाइव और सिक्स लगा दीजिए अनजाने में बिना आपने क्या किया चेक किए वो इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर सेवन लगेगा लेकिन एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं सपोज क्लाइंट ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रिप्रेजेंट करना था उसको वेरीफाई करना नहीं था और मैंने वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज रिप्रेजेंट कर दी विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन बिकॉज दैट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई ड्यूटी एंड आई वॉज नॉट अवेयर दट द क्लाइंट इज गिविंग मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देन इन दैट दट आई एम नॉट गिल्टी तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अ चार्ट अकाउंटेंट रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी सर्टन इंफॉर्मेशन विच वॉज प्रोवाइडेड बाई द क्लाइंट एज इट इज विच वॉज लेटर ऑन फाउंड टू बी फॉल्स इज अ सी ए गिल्टी वन वर्ड आंसर नो नॉट गिल्टी बट अगर क्वेश्चन आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यू दैट क्लाइंट इज प्रोवाइडिंग हिम और सीए प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ एट द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट दैट सीए को पता था यहाँ पे कि वो गड़बड़ कर रहा है देन इन दैट केस बी हेल्ड तो ये भी अच्छा सवाल पूछ लिया आपने यहाँ पे तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि अगर हमारी जिम्मेदारी है चेक करके उसको रिप्रेजेंट करने की और हमने नहीं किया तो ये क्लॉजेस लग सकते हैं हमारी जिम्मेदारी जो हमें दिया था हमने रिप्रेजेंट एज इट इज कर दिया और हमें नहीं मालूम था कि वो गलत है तो ऑब्वियसली बात है वो मेरी ड्यूटी नहीं है तो फिर मेरा मिसकंडक्ट कहाँ से आएगा ठीक है तो दैट इज बेसिकली क्लॉज सेवन एन लेट इज कम टू क्लॉज एट फेल्स टू ऑपटेन सफिशियंट इन्फॉर्मेशन इट्स इज फेल्स टू ऑपटेन इनफैक्ट क्लॉज एट नाइन और टेन तीनों फेल 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 है

चेक करने के लिए कि उसका सर्कुलेशन कितना है जिसके आधार पे मैं अपनी रिपोर्ट दूं फिर वो पब्लिश कर सके कि मेरे इतने कॉपी सर्कुलेशन में हैं और मैंने मैनेजमेंट से पूछा भैया कैसे कितनी कॉपी आपकी सर्कुलेट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की मिनट्स में देखा क्या सर्कुलेशन है सर्टिफाई कर दिया क्लास टू विदाउट एग्जामिनेशन मैंने क्या किया सिर्फ आउटवर्ड मेमोज चेक कर लिए कि भैया यहाँ से माल कितना डिस्पैच हो रहा है पर मैंने ये नहीं चेक किया कि डिस्पैच हुआ है तो बिका है या नहीं वापस तो नहीं आया है डंप तो नहीं किया जा रहा है तो मैंने चेकिंग तो करी है तो टू नहीं लगा सकता शायद बट चेकिंग सफिशियंटली नहीं करी है तो यहां पर इस केस में मेरा ओपिनियन गलत हुआ है तो एट लगेगा नेग्लिजेंट रहा हूं तो सेवन भी लगेगा तो ये तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली आपको क्या देखना है क्या सी ने कुछ चेक नहीं किया जो मैनेजमेंट ने बोला एज इट इज दे दिया तो टू चेक किया लेकिन पर्याप्त चेक नहीं किया देन इन दैट केस अगर ओपिनियन गलत हुआ है ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके पास तो एट सेवन में बी दैट यू मे हैव टू रेफर इन दैट पर्टिकुलर क्लास सेकेंड पार्ट क्लास का क्या बोलता है और इज क्या बोला है सेकेंड पार्ट में और इज एक्सेज आर सफिशियंटली मटीरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इसका मतलब उसने क्या किया सपोज कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे चेक किए कहीं स्टेटमेंट मिले उसने बोला इम मटीरियल है उसके बेसिस पे उसने अन ओपिनियन दे दिया बाद में जब तहकीकत हुई तो कंपनी में फ्रॉड्स निकले ऑडिटर से पूछा गया भाई तूने क्या किया रिपोर्ट क्यों नहीं किया उसने बोला देखा था हमने इम मटीरियरियल मान लिया हमने बोला अच्छा किस बेसिस पे आपने कंक्लूड किया ये मटेरियल है और हमने देखा कि वो जो मटेरियल कंक्लूड करने के उसके बेसिस हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है इनफैक्ट आर सो मैनी एक्सेप्शन टू हिज वर्किंग दैट देख के लग रहा है कि ये अगर ध्यान से करता तो इसको रिपोर्ट क्वालिफाई करना चाहिए थी सिमिलरली क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी जहाँ एडवर्स देना चाहिए थी ये सब केसेस में आपका कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा दिस क्लॉज एट विल बी एप्लीकेबल तो मुद्दे की बात आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है ओपिनियन का क्वेश्चन आ जाए ना कि ओपिनियन सी ने जो देना था वो गलत दे दिया तो क्लॉज एट तो लगेगा ही लगेगा साथ में फिर सेवन ऑट टू लगाना है या नहीं दैट इज समथिंग विच विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन डिस वट अवर थिंग्स वी काइंड ऑफ डिस्कस्ड इन हियर ठीक है चलिए राहुल बंसल सेज इन सम क्वेश्चन इट वाज नॉट अ मिसकंडक्ट आई थिंक राहुल मैंने अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर दिया आपके क्वेश्चन को जो आपने पूछा था तो देर शुड नॉट बी एनी डाउट इन इट डेफिनेटली जो क्वेश्चन में मिसकंडक्ट नहीं होगा वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे होंगे वो इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव वाला जहाँ पे हमारी कोई चेक करने की जरूरत नहीं थी इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जिसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने की नहीं थी तो हम मिसकंडक्ट में नहीं आएंगे ये वो वाला पुराना क्वेश्चन अपना फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एस एस क्लास नाइन में कहा गया है कि फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दैट वर एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसेस देन इन दैट केस ऑडिटर इज गिल्टी इसका मतलब क्या है ए क्या ऐसे फॉलो करना मैंडेटरी है द आंसर इज यस ऐसा कौन बोलता है क्लॉज नाइन बोलता है कि आपने फॉलो नहीं किए तो आपको गिल्टी माना जाएगा पर सर कोई ऐसे हम इसलिए फॉलो नहीं कर पाए क्यों क्योंकि फॉलो हो नहीं पा रहे थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया है कि भैया स्टॉक वेरीफाई करो टेस्ट बेसिस पे एटलीस्ट और नहीं कर पाए किसी कारण से क्यों क्योंकि पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे खुद ही बताता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है तो आप क्या करो तो ऐसे बोलता है कि दूसरे ऑडिट एविडेंसेस गैदर करो और वो भी नहीं मिल पाए तो क्या करें तो डेफिनेटली फिर आपको रिपोर्ट में लिखना चाहिए और आपने रिपोर्ट में नहीं लिखा तो गिल्टी माने जाओगे इसलिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है फेल्स टू इन्वाइट अटेंशन टू एनी एसेज और मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली इनफैक्ट ऐसेज लिखा नहीं है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है क्लॉज अगर आप पढ़ोगे वर्बेटिम तो बोलता है फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गए आपके एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांस तो जो भी रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं आपके या रेलिवेंट जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं आपके जो सर्कमस्टांस में रेलिवेंट है अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया और रिपोर्ट भी नहीं किया कि मैं इस कारण से इसे फॉलो नहीं कर पाया हूं या नहीं कर पा रहा हूं तो उस केस में आपको यहां पे गिल्टी माना जाएगा इसका मतलब यह है कि इफ़ यू हैव गुड रीजंस नॉट टू फॉलो एंड यू रिपोर्टेड प्रॉपरली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड देन इन दैट केस यू आर नॉट गिल्टी जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या स्टैंडर्ड ही होगा क्या तो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी आपके सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जितने गाइडेंस नोट ऑडिट पे दिए हैं जो अलग अलग समय पे इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल गाइड्स दी हैं जो अलग अलग समय पे क्लैरिफिकेशन जारी किए गए कोई भी ऐसे प्रोनाउंसमेंट्स इंस्टीट्यूट के जो आपको समझाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऑडिट कैसे करना है वो सब कलेक्टिवली मिल क्या कहलाएंगे जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स गैप्स इनफैक्ट जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट विल नॉट जस्ट इंक्लूड स्टैंडर्ड इट विल ऑल्सो इंक्लूड ऑल दी रिलेटेड मटीरियल रखना कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि कोई गाइडेंस नोट है कारों के ऊपर गाइडेंस नोट है और ऑडिटर ने उसे फॉलो किए बिना ऑडिट कर दिया ये कहते हुए कि भैया ये तो गाइडेंस नोट है मैंडेटरी थोड़े ना ऑडिटर के लिए फॉलो करना तो गाइडेंस नोट का मतलब यह नहीं होता है कि आप उसे फॉलो नहीं करोगे उसका मतलब यह होता है आप उसे फॉलो करें लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर गाइडेंस नोट में जो गाइडेंस दिए वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है आपको

सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये क्लॉज कब लग रहा है जब आप सी एन प्रैक्टिस हो और क्लाइंट का पैसा है जो आपको रेम्यूनरेशन आपकी रेम्यूनरेशन या खर्चा करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या टैक्स टैक्स भरने के लिए वो सारे पैसे को छोड़ के अगर मैं बात कर रहा हूँ वो पैसा अगर क्लाइंट का आपके पास आया है तो आपको उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है तो सबसे पहली बात क्लॉज इज़ नॉट एप्लीकेबल टू तो ऐसा नहीं कहूंगा मैं ये रादर ये कहूंगा कि क्लॉज में कहा दो बातें कही गई है पहला सेपरेट बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा रखना है क्लाइंट्स मनी एक्सेप्ट द मनी विच क्लाइंट हैज गिवन टू यू एज अ पार्ट ऑफ योर रेम्यूनिशन और द मनी विच इज बीन गिवन टू यू बाय द क्लाइंट फॉर बींग स्पेंडेड फॉर रेंडरिंग हिम सर्विस द सर्विसेज टू हिम इसे छोड़ के बाकी सारा क्लाइंट का पैसा आपको कहां रखना है सेपरेट बैंक अकाउंट में एंड सेकंड पार्ट क्लॉज का कहता है फेल्स टू स्पेंड द मनी फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस तो आपको जिस पर्पस के लिए पैसा दिया था उस पर्पस के लिए आपने यूज नहीं किया पहले एक बार क्लास पढ़ते हैं फेल्स टू कीप मनी ऑफ इज क्लाइंट अदर देन फीस ऑर रेमेशन अदर देन फीस ऑर रेमेशन दिस इज वन ऑर मनी विच इज में स्पेंडेड इन अपरेट बैंकिंग अकाउंट दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्लॉज एंड सेकेंड पार्ट देंस इज ऑर यूज सच मनी फॉर पर्पज विच दे आर इंटेंडेड विद इन रीजनेबल टाइम सो इफ ई फेल्स टू यूज द मनी फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज मेंट इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तो फटाफट वड़ समझ लीजिए सबसे पहली बात क्लाइंट ने आपको रेमेंडेशन दिया आपकी आपको वो रेमेंडेशन क्या सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना है कैसी बात कर रहे हो सर अभी नहीं आपका पैसा है आप यूज़ करिए सर इससे इंडेक्टनेस हो जाएगी कि एडवांस में पैसा मिला है वो बाद में देखते हैं सेकेंड क्लाइंट ने आपको पैसा दिया है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के लिए हम क्लाइंट के भी आप पे उसकी ब्रांच व्रांच पे जाएंगे ऑडिट करेंगे तो उन्हें हमें एडवांस में पैसा दे दिया क्या ये सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है नहीं प्रोवाइडेड आप इसे रीजनेबल टाइम में स्पेंड करने वाले हो क्लाइंट ने आपको टैक्स जमा करने के लिए पैसे दिए क्या कैसे आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है अगर आपको टैक्स रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर ही जमा करना है एज एन आजकल में तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो सर क्लाइंट का और पैसा मेरे पास क्यों आएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो मैं कर नहीं सकता तो पैसा क्लाइंट का मैं क्यों लूंगा लिक्विडेटर आप अपॉइंट हुए क्लाइंट के आर्बिट्रेटर उस केस में हो सकता है क्लाइंट का पैसा आपके पास रखा जाए फॉर अ टेम्पररी पीरियड ये सब आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है

खर्चा करने के लिए पैसा दिया है रीजनेबल टाइम में स्पेंड करना है तो सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखना नहीं तो रखना पड़ेगा इसके अलावा जो भी क्लाइंट का पैसा आपके पास है सेपरेट बैंक अकाउंट में आपको रखना है और जिस पर्पस के लिए पैसा दिया उस पर्पस के लिए यूज़ करना है कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो वे कि चार्टेड अकाउंटेंट को पैसा दिया था टैक्स भरने के लिए कि भाई अगले छः महीने में हमारी जो जो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है पे कर देना उसने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा ठीक है और जब जब ज़रूरत पड़ी जमा पे करने की एडवांस टैक्स तब तक जमा कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं एडवांस टैक्स पे करने में लेट होते गया तो ही फेल्ड टू स्पेंड द मनी फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज तो ये वाला क्लास लगेगा और क्लास सेवन भी लग सकता है ग्रॉस नैगलीजेंस उसने क्योंकि पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ ही था तो उसने क्या किया उसने बुलाया यार एडवांस टैक्स की डेट दो महीने बाद आ रही है तो दो महीने उसने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दी और उस पर रिटर्न कमा लिया गिल्टी क्यों क्योंकि इट इज़ नॉट यूज फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पज सर वो रिटर्न अगर मैं क्लाइंट को देता हूँ सवाल नहीं उठता क्यों क्योंकि आप फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्लाइंट के बिहार पर इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे हो वो तो और अलाउड नहीं है वो तो क्लास टू सबसेक्शन टू में गिल्टी हो जाओगे क्यों क्योंकि प्रोहबिटेड सर्विस है तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रखना है और इंटेंडेड परपज के लिए ही यूज़ करना है अगर आपने अपने ही बैंक अकाउंट में रख दिया तो वहीं पे गल्टी हो गए कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है सर कभी सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ कोई ब्याज व्याज मिल गया तो तो ऑब्बियस बात है भाई वो आपने बचपन में पढ़ा होगा ना बेलमेंट और प्लेज इस तरह की चीज़ें कहीं लॉ में पढ़ी हूँ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत तो होता है ना भाई पड़ोसी अगर गए और अपना पप्पी हमारे घर छोड़ के गए और जब वापस आए तो पप्पी का एक और पप्पी हो गया तो हमारी जिम्मेदारी दोनों को लौटाने की ऐसा नहीं आपने जो दिया था वो ले जाओ और जो आ रहा है तो ऑब्वियसली एनी गेन्स ऑन दैट पर्टिकुलर मनी इफ एट ऑल क्योंकि नॉर्मली आप सेपरेट करंट अकाउंट में रखोगे उसमें ब्याज नहीं मिलता है पर आजकल कई सारे ऐसे भी खाते होते हैं तो आपको वो भी लौटाना पड़ेगा सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर्म के नाम पर ही खोला जाता है क्यों क्योंकि अपन क्लाइंट के नाम पर बैंक अकाउंट ऑपरेट थोड़ी ना कर पाएंगे बट वो आपके जो रूटीन ऑफिस के खर्चे या इनकम होती है आपकी खुद की जो जिसमें आ रही है उस अकाउंट से अलग एक सेपरेट अकाउंट रखना है जिसमें सारे क्लाइंट का पैसा होगा फिर सौ क्लाइंट का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा हुआ है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये आपका क्लियरली क्या हो जाता है क्लॉज टेन ठीक है तो आई होप ये आपके चलिए ये आपका सारा प्रोविजन डिस्कस हो गया तो दिस बेसिकली कवर्स अप क्या हमारा शेड्यूल टू का पार्ट वन विच इज बेसिकली समथिंग विच इज़ रिलेटिवली सेकेंड शेड्यूल का रिलेटिवली लार्जर पार्ट बाकी सारे पार्ट छोटे से ये आपके दस के दस क्लासेज हैं ये क्लासेज में कभी कन्फ्यूजन ना हो ध्यान से आपको याद रखना है तो इसके लिए एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज करवा देता हूँ पहला कॉन्फिडेंशियलिटी पे था हालांकि कॉन्फिडेंशियलिटी शब्द नहीं आता है शुरू होता है डिसक्लोजिस से पहला वर्ड याद रखना बहुत मदद मिलेगी पूरा क्लॉज याद रखने में दूसरा आपका तो हमने मैंने आपको बताया था इनफैक्ट फर्स्ट थ्री क्लॉस कैसे याद रखना डीसीपी तो दूसरा क्या है सर्टिफाइज क्या बिना चेक किए तीसरा क्या है परमिट्स इज नेम कब फोरकास्ट के लिए कंटेंजेंट अपॉन अर्निंग्स कंटेंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन डीसीपी फिर उसके बाद सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाला हमारा एक क्लॉस था तो यहाँ पे फिर बेसिकली देन वी कम टू टूफ तो सब्सटैशियल इंटरेस्ट वाला क्लॉस क्या कहता है तो ये एक्सप्रेस ओपिनियन पर आ गया और एफ वापस से किसके ऊपर आ गया फेल्स अब आप यहां पर देखो अगेन हिविजन विद रिस्पेक्ट टू फेल्स फाइव और सिक्स आपके स्पेसिफिक रिलेटेड सो दे आर ऑल क्लाजेस विध रिस्पेक्ट टू नोन बट नॉट डिस्कोज नोन बट नॉट रिपोर्टेड तो फाइव और सिक्स आपको ऐसे ध्यान रखेंगे इनिशियल लेटर आपका एफ एफ आएगा तो ई एफ एफ एंड देन उसके बाद में वी हैव डी एफ 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 ऐसे कैसे याद होगा दिखने में अभी मुश्किल लग रहा है बट ऐसे आप ध्यान रखोगे बड़ी आसानी से हो जाएगा डी सी पी ई एफ दैट इज वन पर्टिकुलर इनफैक्ट ई एफ एफ और डी एफ 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 तो ये बेसिकली डी एफ 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 क्या है तो इनिशियल लेटर्स आपको जो ध्यान रखने के लिए बोले क्लास सेवन में बेसिकली बात हो रही है किसकी डज नॉट एक्सरसाइज इज ड्यू डेलीजेंस और इज ग्रॉसली नेग्लीजेंट इन कंडक्ट ऑफ इज ड्यूटीज और आखिरी की आपके एफ 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 किससे रिलेटेड है तो बेसिकली फेल्स 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 क्या क्या फेल कर गए हैं आप तो क्लॉज एट में फेल्स टू बेसिकली ओपिनियन आपने क्लॉज एट में ओपिनियन गलत दिया है क्लॉज नाइन में फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपॉर्चर्स और टेन में फेल्स टू कीप क्लाइंट्स मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट ठीक है अदर देन रिमुडेशन और मनी विच इज मेंट टू भी स्पेंडेड तो इस तरह से आपको ये दस क्लॉजेस के डिफ्रेंसेस ध्यान रखना है कौन सा क्लॉज किससे रिलेटेड है क्या बात करता है और शुरू किससे होता है ये ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्लॉज ऑडिट पे असाइनमेंट पे लगेगा कौन सा सारे प्रोफेशनल एंगेजमेंट असाइनमेंट पे लगेगा ये ध्यान रखना है ध्यान रखना ज़्यादातर क्लॉज यहाँ पे जो है वो सब किससे रिलेटेड है क्लाइंट फोकस्ड है दैट मींस इसमें आप क्लाइंट के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो या उसका नुकसान करवा रहे हो या उससे प्रॉब्लम हो रही है ये ज़्यादातर उससे रिलेटेड है या आप अपनी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ कर रहे हो जिससे यूजर्स ऑफ द रिपोर्ट को इम्पेक्ट आ सकता है ये उससे रिलेटेड है

ओके तो दिस कंप्लीट्स शेड्यूल वन पार्ट वन एंड अब इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लो इस दौरान मैं कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ शेड्यूल वन पार्ट वन से रिलेटेड लॉजेस है तो पूछ लो उसके बाद में फिर बाकी लॉजेज अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे एलो 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 ज्यादा यहां पे रखे नहीं है मैंने आज दे रहा चलिए ना मी टेक क्वेश्चंस यूट्यूब लेते हैं फिर टेलीग्राम के देख लेंगे इस दौरान ये मैंने आपको कुछ चैट क्वेश्चन दे दिए सिंपल है बेसिक है चलिए वाई वीना सोलंकी ओके okay. बैंकिंग टैक्स जीएसटी वगैरह आप पे ले लीजिए स्पेशल ऑडिट मैंने नोट कर लिया आप पीडीएफ शेयर करने वाले थे कर दिया सेपरेट बैंक अकाउंट हाउ इज़ इट पॉसिबल सर हर बार अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सतीश भाई एक बैंक अकाउंट खोल लो क्लाइंट का जब जब पैसा है उसमें जमा करते जाओ दो बैंक अकाउंट एक जिसमें खुद के एक दूसरा बैंक अकाउंट यानी एक घर और एक फार्म हाउस फार्म हाउस अपने दूसरे का ऐसा नहीं चलो नेक्स्ट बस ये प्रोवाइड अकाउंटिंग और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस और नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज बाय फॉर्मिंग अ कंपनी इज इट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 25 सेक्शन 25 से सिर्फ ये बोलता है कि अटेस्टेशन वर्क कंपनी नहीं कर पाएगी तो अगर वो दूसरी कंपनी खुलता है जिसमें ये नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज देता है तो सेक्शन ट्वेंटी का नॉन कंप्लेंस नहीं है क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है तो इंस्टीट्यूट की एक गाइडलाइन है जो आपके ओल्ड कोर्स में एज सच कवर अभी ओल्ड कोर्स बोल रहा हूँ सॉरी आपके अभी जो इनिशियल एक्जिस्टिंग प्रोविजन है उसमें कवर नहीं है हालांकि हम क्लास में कवर करते हैं जिससे कॉपोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं एक सी अगर एक प्रैक्टिसिंग चार्टड अकाउंटेंट सेपरेटली अपनी कंपनी खोलना चाहे मैनेजमेंट कंसलटेंसी सर्विसेज या नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज के लिए तो खोल सकता है कंपनी भी आईसीआई के पास रजिस्टर होगी जैसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे आईसीआई उसका कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देगा उसे पूरा कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना होगा पर्टिकुलरली क्लास सिक्स वन सेवन ऑफ पार्ट वन ऑफ शेड्यूल वन मार्केटिंग वगैरह नहीं कर पाएगा लोगो वगैरह वहां पर अपनी कंपनी का नहीं रख पाएगा और वहां से फिर वो दूसरी सेवाएं दे सकता है जिसमें अटिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कॉपरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं उसको चलिए सर प्रैक्टिकल लाइफ में पता कैसे चलेगा अगर सी ने मनी यूज़ कर लिया और वापस से मनी डिपॉजिट कर दिया बहुत सिंपल है सेपरेट बैंक अकाउंट है तो सेपरेट बैंक अकाउंट से अगर कोई भी पैसा निकालोगे तो उसका पर्पस देख लेना किस पर्पस के लिए यूज़ हो है सेम बैंक अकाउंट में होता तो हो सकता है आपका सवाल आ, पे सोचना पड़े ठीक है चलिए मोहित धन्यवाद बोल रहा है धन्यवाद मोहित आपका भी आ, आने के लिए और मंडे सुबह सुबह ही पार्ट पार्टिसिपेट करने के लिए रिविजन सेशन के लिए और ये कमेंट लिखने के लिए भी मोहित बहुत बहुत धन्यवाद सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन तभी होगा ना जब सफिशियंट एडवि एविडेंस ना लिया हो तो क्लास टू और एट रिलेटेड हुए ना हाँ तो देखो सीधी सी बात है इनका कहना ये है कि सर बिना चेकिंग करे अगर मैंने कोई रिपोर्ट दे दी है तो क्या मैं ये लिखूँ सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं ली है ऑब्वियसली नहीं लिए बट मैं तो सीधे सीधे ये लिखूंगा ना कि बिना चेक किए मैंने क्या किया रिपोर्ट दे दी आ रही है भी बात समझ में तो इसका मतलब क्या हुआ सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि भैया मैंने पेपर फाइनली दो पेपर दिया उसके बाद दिया ही नहीं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं पास नहीं हुआ सीधी सी बात है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अपियर ही नहीं किया सर क्या बोले समझ नहीं आया मुद्दे की बात ये है कि दोनों अलग अलग क्लासेज हैं स्पेसिफिकली विदाउट चेकिंग क्लास टू स्पेसिफिकली चेकिंग इन एडिक्वेट चेकिंग देन इन दैट केस क्लास इट कैन सी साइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर सी सी लिमिट टर्मलॉन एक्सेट्रा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं एस 3400 थ्री फोर डबल जीरो के आधार पर सर्टिफाई एज इट इज़ रिपोर्ट को नहीं कर सकते चलिए देन निखिल राटी सेज़ कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या जिसमें जैसे मैं एंड मेरे रिलेटिव की कंपनी पार्टनरशिप में आए तो ये नई फॉर्म वॉर टेस्टेशन कर पाई क्या नहीं समझ में आया निखिल सर क्लासेज ऑन एस एज़ ऑल्सो ओके संगीता अभी जिसपे हैं अपन उसके बारे में बात करें ठीक है ठीक है सो मच क्लियर एंड शॉर्ट टाइम मुकुंद थैंक यू सो मच सर ऐसे का रिविजन अभी जिसके साथ हो उसके बारे में सोचो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार कुछ लोगों के साथ रहते एक के साथ ही सोचते दूसरे के बारे में जिसके साथ रह रहे हो उसको भी बुरा लगता है इसलिए अभी आप देखो एथिक्स बुरा ना मान जाए इसलिए अभी आप ये मत बोलो कि यार सर ऐसे का रिविजन कब आएगा और वो सब ठीक है आएगा आएगा जरूर आएगा चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं आई ये फॉर्म चार्ट अकाउंटेंट वॉज अपॉइंटेड बाई कपनी टू वैल्युएट कैश फ्लो स्टेटमेंट वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फॉर्म वॉज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बताइए भाई क्या बोला गया तो फॉर्म ऑफ अपॉइंटेड कंपनी टू वैल्यूएट द कैश फ्लो स्टेटमेंट अब वैल्युएट का मतलब नहीं पता भाई मुझे यहाँ पे कि वैलुएट का मतलब क्या उसके ऊपर ओपिनियन देना है तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है ओपिनियन देने के बारे में बात की गई है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप डेफिनेटली ऐसा नहीं कर पाओगे वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फॉर्म वॉज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ऑलरेडी एक आदमी डायरेक्टर है और आपको बोला है कि आप ओपिनियन दे दो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर तो सब्सटैशियल इंटरेस्ट यानी कि सेकेंड शेड्यूल के पार्ट वन का क्लास फोर अपप्लीकेबल हो जाएगा यहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि आप ऑलरेडी ऑडिटर हो और कोई को डायरेक्टर अपॉइंट किया तो फिर आपको क्लास इलेवन लिखना पड़ता वो मैं पहले भी समझा चुका हूँ दिनेशकार्तिक प्रैक्टिसंग सी डिड नॉट कंप्लीट इज वर्क रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अ एंड एड नॉट सबमिटेड इज रिपोर्ट इन ड्यू टाइम टू अनेबल द कमनी टू कंप्लाई विद स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स ये भक्वन तो एक प्रैक्टिसिंग सी है, इसने कहा काम समय पर नहीं किया और अपनी इस रिपोर्ट भी समय पर नहीं दी तो ये तो ग्रॉस नेग्लिजेंस लग रहा है चलिए कैशियर ऑफ कंपनी कमिटेड फ्रॉड इट्स कॉन्डेड विद प्रोसीड्स हैपन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी आल्सो डिड नॉट नो अबाउट द फ्रॉड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर द ऑडिटर फेल टू डिस्कवर द फ्रॉड आफ्टर द ऑडिट वॉज कम्प्लीटेड अवेवर चीफ अकाउंटेंट डिस्कस दिसकवर द फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मेड एट दैट टाइम इंडिकेट्स दैट ऑडिटर डिड नॉट एक्सरसाइज प्रॉपर स्किल केयर एंड परफॉर्म द वर्क इन डिजल्ट्री यानी कि अ अनसिस्टमैटिक एंड हैप अजार्ड मैनर विद दिस बैकग्राउंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंटेंट टू फाइल डिसिपिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दडिटर द क्वेश्चन इज ऑडिटर विल भी हेल्ड गिल्टी फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस हाँ सही है वील नॉट बी हेल्ड गिल्टी फ्रॉड पता पड़े तो ही रिपोर्ट करना है वील बी हेल्ड गिल्टी अंडर क्लॉस एट फेल्स टू अपटेन सफिशियंट इन्फॉर्मेशन तो ग्रॉस नेग्लिजेंस सही है सर ये यहाँ पे देखा जाए तो सी भी तो लग सकता था तो ये एम की प्रॉब्लम है बेटा एम में फिर आपको क्या है क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा साफ साफ बोल रहा है नेग्लिजेंस है तो अपन उसके बारे में बात करेंगे मिस्टर आशावादी एन एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ आई सी आई अप्रोच मिस स्वीटी ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट फॉर पर्पज ऑफ आर्टिकल शूड ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है उससे रिलेटेड है ये सेकंड शेड्यूल के सेकंड पार्ट से रिलेटेड है तो इसको अभी आप जवाब नहीं दे पाओगे चलो तो लेट मी नाउ जंप ऑन क्विकली टू ओके मैं देख लूँ एक बार अपने टेलीग्राम के भाइयों ने कुछ सवाल तो नहीं पूछे Hmm. आ जाओ इसमें गिल्टी है या नहीं एक तो यार जब भी आप है ना क्वेरी भेजो तो आप ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसे खींच के मत भेजा करो आप ऐसे खींच के भेजा करो ताकि एक बार में अपन उसको पढ़ सकें ये मेरी कुछ समस्याएं हैं गुड्स एंड सर्विस दो पार्टनर है जो स्पेशलाइज सी ए फॉर्म जीएसटी एसोसिएट एस है लेटर टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल स्टेटिंग द फॉर्म एज टू पार्टनर स्पेशलाइज इन लव गुड्स एंड टैक्स एंड आज द सेट काउंसिल टू इंक्लूड दैर नेम बिल्कुल भी नहीं चलेगा रोवी इंक्वा ये तो चलिए बेअनतिया आपने पूछताछ करी है तो क्लास सिक्स में कवर हो जाएगा ठीक है इफ और ऑडिटर इज प्रीवियस ईयर ऑडिटर एंड ड्यू टू कलामिटी ऑर्गेनाइजेशन तो वो चेक किए बिना रिपोर्ट कर दे तो चेक करना क्या था सर कुछ तो चेक करना ही चाहिए था उसको जैसे कि इंपेयरमेंट तो नहीं हो गया इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पिछले साल में ऑडिटर था इस साल कंपनी में क्या हुआ साल भर ऑपरेशन बंद रहे कोविड के चक्कर में और मैंने इसलिए बिना चेक किए रिपोर्ट दे दी तो फिर चेक करना ही क्या था नहीं सर कुछ तो चेक करना ही था कि जैसे इम्पेयरमेंट तो वो करने की जरूरत नहीं है या स्टॉक जो है हमारा उसको कॉस्ट है एनआरवी में एनआरवी कम हो गई तो उस पर लाने की जरूरत तो नहीं है डेफिट टैक्स असेट को ये एस्टिमेट करने की ज़रूरत तो नहीं है इनफैक्ट जितने एस्टिमेट थे वो सारे तो हमें एक बार देखने होंगे कि आज भी वो वैलिड करते हैं कि नहीं हाँ ये तो चेक करना था ये नहीं किया सर उसने चेक तो इसका मतलब सवाल का जवाब तुम नहीं दे दिया गड़बड़ है उसने काम सही नहीं किया ठीक है चलो इमेजिनरी है स्टाइपेंड स्टाइपेंड मिल नहीं रहा है और या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रहा है बिल्कुल सही कहा आपने चलिए इंटरनल ऑडिट क्लास फोर में एक्सक्लूड्स में एंड डिस्कवालीफाइड में लिखा है इंटरनल ऑडिट अगर आप कर रहे हो दोस्तों तो उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होगा तो भी आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो ऐसा है अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो और उसी कंपनी का आप स्टार्ट ऑडिट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन भी दोगे तो वो नहीं चलेगा ऐसा शायद लिखा हुआ होगा थोड़ा तो। cool, so का सा भी हमारे लिए मददगार है आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन है हमारे यहाँ भी एडवांसेंट अगेज टू बी रेंडर फॉल अंडर क्लास टेन और भैया तो हमें एडवांस मिला है फीस का क्या वो क्लॉस टेन उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो सवाल का जवाब एकदम क्लियर है दोस्त नहीं हो पाएगा नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल मनी रिसीव फॉर एक्सपेन्स टू बी इनकर्ड फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब स्टैचू टू दी पेपर विच आर इंटेंडेड टू बी स्पेंड वेदर टू बी डिपोजिट इन सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं करना है प्रोवाइडेड शॉर्ट टाइम में स्पेंड करना है शॉर्ट टाइम की डेफिनेशन नहीं है आपको जजमेंट लगाना पड़ेगा थोड़ा अभी करना है बाकी बाद में तो बाकी तो आप जमा कर ही दो यानी एकदम लकीर का फकीर नहीं होना है कि आज पैसा आया तो जमा करो फिर शाम को निकालो और टैक्स जमा करो मनी रिसीव बाय चार्ड अकाउंटेंट इज कपैसिटी एज लिक्विड एटर क्या सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है हाँ रखना ही है कैन एस ये एडजस्ट क्लाइंट मनी मेंट टू बी स्पेंड फॉर पेइंग टैक्सेस फॉर इज आउटस्टैंडिंग फीस सवाल ही नहीं होता है मनी मेंट टू बी स्पेंडेड फॉर इट्स इंटेंडेड परपज इंटेंडेड परपज है टैक्स भरना तो आप उसके लिए यूज करो अपनी फीस से एडजस्ट नहीं कर सकते क्लाइंट पेड एडवांस फॉर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस टू ऑडिटर फॉर विच ऑडिटर मिस अप्रोप्रिएटेड ऑडिटर को पैसा दिया था कि ये लो पैसे लो और इसमें क्या करना तुम ए ट्रेन सेकेंड क्लास ए ट्रेन में आप जाके आर्टिकल को भेज देना और वो वहाँ पर ऑडिट करने चले जाएंगे हमारी ब्रांच पे फैक्ट्री पे और हमने क्या किया हमने फर्जी बिल निकलवा लिया एक ऑनलाइन सेकंड क्लास एसी का कैंसिल करा के फिर आर्टिकल को जनरल के डब्बे में भेज दिया और पैसे हमने सेकंड एसी के ले लिए क्या हमें गिल्टी माना जाएगा हाँ क्लास टेन में क्यों क्योंकि आपने पर्पस इंटेंडेड पर्पस के लिए पैसा यूज़ नहीं किया खूल cool. चलिए ऐसा भी होता है क्या सर ये तो हमें पता ही नहीं था हाँ अच्छा इतना पैसा बनाया है। तुम लोगों ने कन्वेंस का और तुम ऐसी बात कर रहे हो चलिए तो सर आर्टिकल ने अगर कन्वेंस का पैसा बनाया क्लाइंट के बिहाफ पे खूब सारे पैसे उससे ले लिए कन्वेंस के नाम पे उतना खर्चा ही नहीं हुआ क्या सीए को गिल्टी माना जाएगा हाँ अगर सीए और आर्टिकल पकड़ में आ जाए तो नहीं आए तो बता ही दिया मैंने आपको चलिए बस से भेज दिया ओके खूल ओके 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 आई एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स नहीं होगा क्या हाँ बिल्कुल हो सकता है एम्बेजलमेंट पर अब आते हैं पर यहाँ पे आपने क्लाइंट के पैसे को इंटेंडेड पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया तो सीधे सीधे वो अलग क्लास लगेगा शेड्यूल टू पार्ट टू पे आ जाइए दोस्तों एकदम आखिरी आखिरी का ये आपका पार्ट और क्लासेज है तो इसलिए एग्जाम में इंस्टीट्यूट कई कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है मैंने देखा इंस्टीट्यूट कई बार है ना बड़े बड़े चैप्टर्स में आखिरी में जो प्रोविजन आता है ना उस पर सवाल पूछ लेता है क्यों क्योंकि पेपर बनाने वाला भी कभी स्टूडेंट था तो उसको भी मालूम है मैं क्या छोड़ के आता था या कहाँ मेरा टेंशन लेवल कम हो जाया करता था तो वो भी नॉर्मली क्या करेगा वहाँ जो चीज़ें वो छोड़ के गया होगा वो पूछेगा क्यों क्योंकि उसने तो वो अपनी फितरती बना रखी है कि भैया मुझे पास होने में इतने अटैम्प्ट लगे

तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसे केस में ये वाला क्लॉज भी लगना चाहिए क्लॉज वन क्यों क्योंकि क्लॉज वन क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी एक्ट या रेगुलेशन या गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो ये वाला क्लॉज लग जाएगा तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड का फॉलो नहीं कर रहा हूँ कंप्लाइंस नहीं कर रहा हूँ तो एक तरह से इंस्टीट्यूट की मैं देखा जाए तो क्या कर रहा हूँ एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि भैया ऐसे फॉलो करो और आप नहीं कर रहे हो तो ये वाला क्लॉज लग जाएगा तो ऐसा नहीं करते नॉर्मली जब स्पेसिफ़िक कोई क्लॉज किसी के लिए बनाया गया है तो अपन वो वाला क्लॉज ही फॉलो करेंगे भाई घर में क्या है से फॉर एग्जाम्पल भाऊ जी बोलते हैं छोटू आ अब छोटे वाले लड़के का नाम ही छोटू है तो वो उसको बुला रहे ठीक है पर हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं नाम किसी का छोटू नहीं और उन्होंने बोला छोटू आ इसका मतलब वो क्या है इनमें से किसी एक छोटे को बुला रहे तो जेनरिक विल नॉट बी यूज वेन देर इज़ अ स्पेसिफिक क्लास तो ये क्लास कब यूज़ करना है जब स्पेसिफिकली हमारे पास कोई क्लास उसके ऊपर नहीं है नाउ वॉट इज दिस पर्टिकुलर क्लास टॉक्स अबाउट ओके ठीक one second, one second. Cool, cool, cool. No है तो ये वाला पर्टिकुलरली क्लॉज क्या कह रहा है देखिए एक्ट ब्रांच ऑफिस के provisions हैं, नहीं फॉलो करे कहीं कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है ये वाला क्लॉज का रेफरेंस दे देना अगर पूछे कि भैया किस में मिसकंडक्ट किस क्लॉज में माना जाएगा तो एक्ट regulations और गाइडलाइंस काउंसिल जनरल गाइडलाइंस अभी पढ़ेंगे रेगुलेशन बहुत सारी होती है हमारे काम की जो रेगुलेशन है हम वो देख लेते हैं अभी तक तो हम कौन सी देख चुके हैं तो एक वन नाइन्टी है जिसमें जनरल स्पेशल परमिशन की बात की गई है वन नाइनटी टू कंटिजेंट फीस के कुछ एक्सेप्शन वन नाइन्टी वन जिसमें लिक्विडेटर आर्बिट्रेटर एग्जीक्यूटर आप बन सकते हो पर ये स्पेसिफिकली कवर्ड है रिस्पेक्टिव क्लाजेज में तो आप वहाँ पे एग्जाम में आए तो आप उसका रेफरेंस दे दीजिए वो बेहतर होगा इसके अलावा कौन सी रेगुलेशन हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं बस उत्ती उत्ती अपन डिस्कस कर रहे हैं जो पूछी गई है या जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दी गई है इसका मतलब आगे पूछी जा सकती है रेगुलेशन यहाँ पे जो दी गई है, हैं इसमें आर्टिकल्स से रिलेटेड हैं ज़्यादातर आर्टिकल्स को एंगेज करना रेगुलेशन 43, 46 उसका रजिस्ट्रेशन 47 प्रीमियम नहीं लेना 48 समय समय पे स्टाइपेंट देना और एग्जाम में ये बेसिकली मोस्ट आजड है मोस्ट आज हैं कभी क्वेश्चन पूछा तो इनके ऊपर आया इसका मतलब क्या है ये समझ लो दो 47 बोलता है आर्टिकल से प्रीमियम नहीं लेना बीच में ऐसा होता था, था आर्टिकल्स बहुत सारे होते थे और सीए अच्छे वाले ऑफिसे में क्या करते थे आर्टिकलशिप देते नहीं थे तो हमने बोली लगवा दी कि सारे सी ए क्या जितने आर्टिकल्स ने अप्लाई किया सबको लाइन वाइज खड़ा कर दो और हमने बोली लगाई और बोला जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको आर्टिकलशिप दे देंगे हमने बोला यही धंधा बनाओ ये नहीं चलेगा आप पैसे नहीं ले सकते प्रीमियम का मतलब लोन भी नहीं ले सकते तो आपने आर्टिकल से कभी लोन ले लिया सीए ने बोला यार बहुत हालत खराब है भाई प्लीज थोड़ी मदद कर दे यार वापस पक्का चुका दूंगा एक बार प्रैक्टिस जम जाए आर्टिकल को भी दया आ गई उसने बोला चले यार क्या याद रखेगा ले एक हजार एक रुपये रख ले लोन ले लिया आपने कुछ भी आर्टिकल से तो भी ये वाला रेगुलेशन 47 लग जाएगा 47 आजादी यानी इसका मतलब आपको आर्टिकल्स के साथ इस तरह की हरकतें नहीं करना है लगान नहीं लेना है 47 आजादी से पहले लगान ली जाती थी अब 47 1947 के बाद लगान बंद एज इन आपको लगान नहीं लेना एज इन प्रीमियम नहीं चार्ज करना है ठीक है फोर्टी एट बोलता है आर्टिकल्स को आपको स्टाइपन देना है और स्टाइपन कभी देना है तो भैया स्टाइपन देने का सिंपल सा नियम है कि आपको हर महीने के ख़त्म होने पे महीने की स्टाइपन देना पड़ेगी और वो भी आपको चेक से ही देना है यानी बैंक ट्रांसफर होना चाहिए तो इसमें कभी भी किसी भी तरह से बोल दे छः महीने बाद देंगे ब्याज के साथ देंगे नहीं चलेगा भैया खत्म हो गई बात बस आपको हर महीने देना है ख़त्म लेट दो ब्याज के साथ तो ये सब नहीं चलेगा सर चेक में देखे कैश में वापस ले ली तो चलेगा क्या ऐसा नहीं करते है ना वो रियल लाइफ में होता है यहाँ पे होएगा तो हम बोलेंगे गलत है फोर्टी एट का नॉन कम्पलाइंस फोर्टी सेवन फोर्टी एट ये दो ध्यान रख लेना बाकी आपको रेगुलेशन सिक्सटी फाइव कहती है कि आर्टिकल नॉट टू एंगेज इन एनी अदर वर्क आपने उसको जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया है वो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही आप उसको यूज़ करें इसका यूज मतलब ऐसे इन उससे काम कराएं तो आपको बिजली के बिल नहीं भरने हैं उठाने में जाना है तो उसकी गाड़ी लेके नहीं जाना है इस तरह के आपको काम नहीं करने आर्टिकल्स के साथ मिलकर जो पर्पज़ के लिए है वो पर्पज़ के लिए उसको रखें देन प्रॉपर उसके रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट 46 में जो कही जाती है उसका रजिस्टर मेंटेन करें क्या क्या काम उसने किया उसका लॉग मेंटेन करें ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल हमारा जिसको हमने 11 से 5 के लिए ऑफिस में रखा था और वो है ना बीच में कॉलेज जाता है और ये चीज़ जब पता करी तो हमने जब प्रिंसिपल से पूछी तो उसने बोला हाँ वो तो आ रहा है और बाद में मालूम पड़ा वो आ ही नहीं रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल से जानकारी लेने पे पता पड़ा कि प्रिंसिपल को खुद कोई जानकारी नहीं थी तो बताइए क्या प्रिंसिपल ने काम गलत किया है तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ पे आपने आर्टिकल्स की जो रेगुलेशंस है उसका कंप्लाइंस नहीं किया ये वाला क्लॉज लगेगा और अगर इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि ऑडिटर ने जानकारी गलत दी है इंस्टीट्यूट को जान करके तो फिर क्लॉज थ्री लगेगा जो कहता है फेल्स इनफैक्ट नोइंगली प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूट हालांकि यहाँ पे शेड्यूल वन के पार्ट थ्री का एक क्लास टू भी अट्रैक्ट होता है जो बोलता है डज नॉट सप्लाइज इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर और डज नॉट कम्प्लाइज विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट तो क्या होता है रेगुलेशन अगर आप कोई भी फॉलो नहीं करोगे तो ये इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट भी है तो ये प्रॉब्लम है कि इंस्टीट्यूट कई जगह क्या करता है शेड्यूल वन के पार्ट टू का क्लास टू का रेफरेंस देता है कि आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी और कभी एग्ज़ाम में आंसर में वो बोल देते हैं कि आपने रेगुलेशंस फुलफ़िल नहीं करी तो हम क्या करेंगे एग्जाम में डेफिनेटली आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली रेगुलेशन रिलेटेड है तो आप इसी का रेफरेंस दे दीजिएगा लेकिन कोई स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट की बात की है कि ऐसा स्पेसिफिकली कहा है जो रेगुलेशन का पार्ट नहीं है पर से सी ने कभी कभी सॉरी आई ने किसी सीए को बोला कि आप अपने आर्टिकल का मंथली रिकॉर्ड ऑफ आर्टिकल शिप हमें भेजोगे ये रिक्वायरमेंट रेगुलेशन की नहीं है पर हमने स्पेसिफिकली डिमांड किया है और वो उसने नहीं भेजा तो फिर आप शेड्यूल वन के पार्ट थ्री का क्लास टू लगा दीजिएगा ठीक है तो ध्यान रखना जेनरिक जितनी रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं करोगे जो रेगुलेशंस में दी गई है ये वाला क्लॉज लगेगा स्पेसिफिकली सीए को कुछ कंप्लाई करने के लिए कहा नहीं किया तो फिर शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लस टू डज नॉट does not और डज नॉट of the रिक्वायरमेंट ऑफ द काउंसिल डायरेक्टर बोर्ड disciplinary डायरेक्टरेट वगैरह का वो जो clause था ठीक है चलिए और एक रेगुलेशन वन नाइनटी जो बोलता है ब्रांच ऑफिस के आपको रजिस्टर वगैरह करना पड़ेंगे दिस इज बेसिकली और क्लॉज वन चेक डालने नहीं भेजना कोड ऑफ एथिक्स टू रियल लाइफ हुआ चलो दोस्तों तो ये थोड़ा प्रतिक सर पढ़ाती ही क्यों है इसका कंप्लायंस तो होता नहीं है हमको मालूम है जीवन में आधा भी कंप्लाय नहीं होता है क्यों पढ़ाते शायद इंस्टीट्यूट इसीलिए आपको पढ़ा रहा है ताकि आपको बस ये बता रहा है कि भैया लॉ क्या है तो क्या होता है ये शायद ये भी सही है कि जिसको लॉ अच्छे से पता होता है ना वही अच्छे से तोड़ पाता है और ऐसे तोड़ पाता है कि बाद में पकड़ना है तो बस आपको इतनी सी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है इसका मतलब ये पढ़ने के बाद अब हमको ये समझ में आ गया कि सर आर्टिकल को स्टाइपन चेक से देना है फिर भली कैश में ले लो छः छः महीने की एक साथ देना है उसमें फंस में अपन फंस सकते हैं वाह सर बहुत बढ़िया ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे पास आते जा रहा है चलो एनी वेज क्लास टू पर आइए सी इन प्रैक्टिस को अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है सेम उसी लॉजिक पे सी सर्विस को अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखना है खत्म हो गई बात और कुछ भी नहीं तो आप जहां जॉब कर रहे हो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके परव्यू में है और पब्लिक डोमेन में नहीं है आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बिना उसकी परमिशन के क्लाइंट की परमिशन के क्लाइंट के अलावा किसी और को डिस्क्लोज मत करो और लॉ की रिक्वायरमेंट है तो लॉ को दे सकते हो उसके अलावा कहीं डिस्क्लोज नहीं करना सेम क्लॉज है क्लॉज थ्री बोलता है नोइंगली सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू दी काउंसिल इंस्टीट्यूट ब्लाबला नोइंग इट टू बी फॉल्स तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी एम्पेनलमेंट फॉर्म की इंफॉर्मेशन जो आईसीआई कलेक्ट कर रहा है उसमें अगर आप नोइंगली रॉन्ग इंफॉर्मेशन दोगे तो ध्यान रखना क्लॉज थ्री लगाना वहीं टेंडर्स वगैरह में अगर आप नोइंगली फॉर्म इन्फॉर्मेशन देते हो तो शेड्यूल वन पार्ट थ्री क्लास थ्री लगता है जो बोलता है क्लास सिक्स और सेवन के अंतर्गत टेंडर में रिस्पांस देने के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट देने के अंतर्गत प्रोफेशनल कॉलीग से काम मांगते समय नोइंगली गलत जानकारी अगर आप दोगे तो फिर वो शेड्यूल वन के पार्ट थ्री के क्लास थ्री में जाएगा और शेड्यूल टू के पार्ट टू के क्लास थ्री में कब लाएगा जब आपने सी इंस्टीट्यूट या उसकी बॉडी उसको नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो ध्यान रखना क्लास थ्री फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर है फॉल्स इफॉर्मेशन नोइंगली मतलब इंस्टीट्यूट ने आपको बोला भैया बैंक वेड एम्पेनमेंट फॉर्म भरा रहा था और मल्टीपर्पज़ uh, एम्पेनमेंट फॉर्म बोलते हैं उसको एम ई एफ और उसमें आपसे पूछा गया था भाई बताओ आपकी ऑफिस कितनी बड़ी है तो हमने वहाँ पर क्या किया हमारी ऑफिस थी तो सौ स्क्वायर फीट की हमने लिख दिया हज़ार दस हज़ार ही लिख दिया झूठ बोली रहे हैं, तो बड़ा ही बोले ताकि थोड़ा इंप्रेशन बढ़े अपना नोइंगली जान करके अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दी आपको गिल्टी माना जाए

तो इसका मतलब आप साठ रुपए दिन के आदमी तो हो सिक्सटी सेवन सर, रुपीज पर डे के और थर्टी थ्री रुपीज उसने दो मिनट लेट होने के चक्कर में काट दिया बहुत गलत किया है इससे अच्छा आप आधा दिन ही लेट पहुंचो और कुछ भी मत करो चलिए हमारे सर मंथ में छब्बीस दिन आए <laughs> छब्बीस दिन आता है तो स्टाइपेंट देते छब्बीस में से एक भी दिन कट गया तो नहीं देते सीए बेचारा है ना सारा का सारा दिमाग अपना वो बेचारे मासूम आर्टिकल की स्टाइफेंट काटने में लगा देता है ये बड़ा ही दुखद काम है क्यों क्योंकि आप सोचो आपके पास एक ये, ये वरदान है सीए बनने के बाद जो आर्टिकल्स हैं दस आर्टिकल की जो आप फौज रख सकते हो आप समझो यू आर गेटिंग स्किल्ड लेबर विदाउट पेइंग देम मिनिमम वेजेस आज भारत में मिनिमम वेजेस दो सौ रुपये दिन की हो गई है बट अपन तो आर्टिकल हैं ट्राइब ट्रेनीज हैं तो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है चलिए सर संडे नहीं गए थे कल अक् क्या है समझ नहीं आया सर हमारे सर तो ओवर टाइम कराते हैं हमारे भी सर ओवर टाइम कराते थे और ऐसा नहीं है ओवर टाइम कराते थे तो बका नाश्ता भी आता था और कभी उसमें सेव परमल आते थे और कभी उनका मूड बहुत अच्छा होता था तो प्याज भी बुलवा लेते थे ज़्यादा ठीक है तो इनका मतलब आप समझ लो पाँच साढ़े पाँच बजे अगर नाश्ता आया इसका मतलब आज समझ लो आज नाश्ते के पैसे में वो आपसे आपका डिनर वसूलने वाले हैं एनी ये सब जानते हैं अपन दोस्तों आगे बढ़े चलो क्लास फोर डिफॉल्टेट्स और एम्बेल्स एनी मनी रिसीव्ड इन इज प्रोफेशनल कैपेसिटी इसका मतलब क्या है ये क्लाज नॉर्मली कब लगेगा क्लाइंट का पैसा आपने अगर कहीं एम्बेजिल किया गबन किया उसका तो ये अला क्लाज लग जाएगा तो सर क्लास टेन कब लगेगा तो क्लास टेन नॉर्मली सी एन प्रैक्टिस अगर गड़बड़ कर रहा है ना तो क्लास टेन लगा देना सी एन प्रैक्टिस के अलावा कोई गड़बड़ कर रहा है तो क्लास फोर लगाना नॉर्मली ये एक जेनरिक प्रिंसिपल आप ध्यान में रख सकते हो देन डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन Normally, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आप रीजनल काउंसिल के मेंबर थे और आपने मेंबर से पैसा लेके कोई टूर ऑर्गेनाइज किया उसमें कोई पैसे आपने कमा लिए गबन कर लिया आपने ऑफिस बेरर बन के किसी के पैसे का कोई रोटरी क्लब के आप प्रेसिडेंट थे वहां पे आपने कोई गबन कर दिया कोई सी सर्विस में और उसने एम्प्लॉयर के पैसे का गबन कर दिया ये सब केसेस में आपका क्लासफुल लगेगा डिफॉल्ट किट्स और एम्बिजल्स मनी रिसिव इन इज प्रोफेशनल कैपेसिटी सॉरी प्रॉफिट नहीं प्रोफेशनल कैपेसिटी ठीक है करेक्ट <coughs> करा दूंगा ये नेक्स्ट ये हो गया आपका डिफॉल्टेशन का मैंने बता दिया शेड्यूल टू पार्ट थ्री में क्लॉज नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंपली बोला हुआ है इफ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस में हो या नहीं हो विल बी डीम्ड गिल्टी शल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ वापस से यहाँ पे किसने देवा की अदालत ने कोर्ट ने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी होल्ड किया है फॉर एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग सिक्स मंथ्स पनिश किया या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है उस ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट अगर छह महीने से ज्यादा की तो फिर यहाँ पे गिल्टी हो जाओगे तो शेड्यूल टू के गिल्ट हैं तो उसके इसमें आपके ऊपर पेनल्टी इंस्टीट्यूट ज्यादा इंपोज कर सकता है ये दोस्तों इसी के साथ आपका शेड्यूल वन

क्लास वन पार्ट टू का मिसकंडक्ट है कुछ खास नहीं है क्लास टू क्यों डाल दिया भाई कुछ लोगों ने ऐसे ही सर सुबह अभी नींद पूरी खुली नहीं थी अच्छे से तो कुछ भी चिपका दिया चलिए तो ये आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड आपके किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस होंगे देवा क्या है सर अरे वो पुराने जमाने में सनी देओल टाइप की पिक्चरें होती थी उसमें देवा की अदालत हुआ करती थी इसका मतलब वो अपनी अदालत खुद चलाया करता था है ना वो बेसिकली सुनता नहीं था सरकार की और खुद न्याय करता था डिसीजन लेता था समथिंग ऑफ दैट शॉट ठीक है कुछ खास नहीं है छोड़ दो ओके कूल रोविंग इंक्वायरी टू आई सी आई रिगार्डिंग एम्पैनलमेंट आई सी आई से पूछ रहे हैं मेरा एम्पैनलमेंट हुआ या नहीं ये आप पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे काम अलॉट हुआ नहीं। या नहीं है सीए बोलेगा मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्लाइंट से पूछना और पूछना मत वो रोविंग इंक्वायरी हो जाएगी चलिए सी इन इंटरनल कंपनी टेस्ट एग्जाम एनी वायलेशन एक चार्ट अकाउंटेंट सर्विस में है और वो एग्जाम दे रहा था डीसा की और उसमें उसने क्या कर दिया चीटिंग कर ली अभी ऐसा रिसेंट में हुआ था डीसा की एग्जाम थी एक पर्टिकुलर सेंटर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग्वालियर सेंटर में और वहाँ से ऑल इंडिया फाइव रैंक्स आ गई यानी कि वहाँ के उस पर्टिकुलर एक सेंटर से इंडिया के पांच टॉपर्स डीसा के निकल के आ गए सारे चार्टेड अकाउंटेंट फिर बाद में मालूम पड़ा वहाँ कोई गवन वबन हुआ था और कोई चीटिंग शीटिंग हो गई तो क्या उनके अगेंस्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कोई एक्शन लिया जा सकता है हाँ अदर मिसकंडक्ट में डाल दीजिए आप चीटिंग को स्पेसिफिक क्लॉज तो है नहीं ठीक है तो सीए बनने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं सर सीए कैसी बात हो रही है ठीक है तुम भी बनने के बाद करोगे ठीक गुलाटी मालना छोड़ता नहीं है कभी आदमी आदमी एज इन जो भी है ओवर टाइम अलाउड है क्या रेगुलेशंस में नहीं उस पे बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि आप ओवर टाइम करा सकते हो या नहीं सिंपल आपको ट्रेनिंग को इतने समय तक ट्रेनिंग करानी है उसके बाद ऐसा मानते हैं कि स्व इच्छा से बच्चा रुक रहा है संडे नहीं गए थे कल आज टर्मिनेट कर दिया है सर ने 109 खुद ही अपलोड कर दिया और 200 दिन की लीव डाल दिए सुयश के साथ ऐसा हुआ है दोस्त हमारी पूरी सद्भावनाएं आपके साथ है आपका उम्मीद करते हैं अटेम्प्ट ना डिले हो जाए यार इसके चक्कर में 200 दिन की लीव डाल दी तो वेरी अनफॉर्चुनेट बट ठीक है लेट्स नॉट मेक एन ओपिनियन अबाउट इट सीए का वर्डिक्ट सुने बिना मूवी का नाम ज़िद्दी था बहुत बढ़िया निखिल राठी हमारे जमाने की पिक्चरें देख रखी है आपने ऑडियो और वीडियो सिंक नहीं कर रहा है प्रॉब्लम आ रही है ओके okay. अब मैं कुछ करता हूँ अब बताना क्या सिंक कर रहा है अब सी एन प्रैक्टिसर पीरियड एंड हीट अलाउड कर सकता है SH, कोई दिक्कत नहीं है एडवोकेट अपने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बताना और क्या चलिए अब आ जाए काउंसिल जनरल गाइडलाइंस पे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस क्या होती है तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया था तो, तो अलग अलग समय पे नोटिफिकेशन जारी किए थे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सी एन सर्विस अगर प्रोफेश सॉरी एक सी एन सर्विस ड्यू डेलीजेंस नहीं लगाता है या ग्रॉसली नेग्लिजेंट है तो क्या उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो सवाल उठा कि यार एक सी ए सर्विस में है तो भी हम एक्सपेक्ट तो करेंगे कि वो अपना काम अच्छे से करें पर वो ग्रॉस नेग्लिजेंट हुआ तो उसके ऊपर हम क्लास सेवन पार्ट वन शेड्यूल टू लगा नहीं पाएंगे क्योंकि वो सी एन प्रैक्टिस के ऊपर है तो फिर क्या करूँ सर मैं बात तो सही है तो इंस्टीट्यूट ने कभी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भैया सी एन सर्विस को भी गिल्टी मानेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का अगर वो ग्रॉसली नेग्लीजेंट रहा इन कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटीज या ड्यू एक्सरसाइज नहीं करी ये नोटिफिकेशन आ गया क्लॉज नहीं बना ऐसे बहुत सारे notifications क्या हो गए थे इकट्ठे हो गए थे मैंने अभी कुछ किया है अब शायद ऑडियो वीडियो सिंह करेगा एक दो मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए प्लीज तो अब इस पर्टिकुलर केस में इंस्टीट्यूट ने ऐसे जितने नोटिफिकेशन इशू किए थे उन सबको 2008 में उन्होंने इकट्ठा करके काउंसिल जनरल गाइडलाइंस रिपीट काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 के नाम से जारी कर दिया और इन सारे notification को clause number की बजाय दे दिया क्योंकि clause number फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं तो हियर वी जिसमें से कुछ इिवेंट हो गए कुछ डिलीट हो गए तो जो रेलिवेंट है बस उत्य अपने को क्विकली देख लेना है ठीक है एवरीथिंग इज नाउ फाइन ऑल गुड ओके चलिए चैप्टर वन सिर्फ नाम देता है कि इसे काउंसिल जनरल गाइडलाइंस टू थाउजेंड एट का आ जाएगा नथिंग टू रिमेंबर हियर चैप्टर टू बेसिकली किसके बारे में बात करता है अगर आप सी ए इन सर्विस हो देन यू शुड नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ योर ड्यूटीज और ये एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है क्यों क्योंकि अगर एक सी एफ फॉर्म में भी कोई सी ए इन सर्विस है और वो नेग्लिजेंटली काम करता है तो ये बात तो तय है कि जो पार्टनर साइन कर रहा है क्रिमिनल और पूरे फॉर्म के ऊपर सिविल कंपनीज एक्ट में आएगी अगर काम ढंग से नहीं हुआ बट जब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक्शन इनिशिएट किया जाएगा तो आप बोल सकते हो कि मैंने ये काम सीएन सर्विस से कराया था इसने नेग्लीजेंटली काम किया इंस्टीट्यूट इसके अगेंस्ट में एक्शन लो तो इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक्शन उस सीएन सर्विस के अगेंस्ट भी लेगा आपके अगेंस्ट लेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा कि आपका डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू प्रॉपर था या नहीं तो सी एन सर्विस अगर काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उस में उसके इसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक्शन उसके अगेंस्ट भी लिया जाएगा फिर वो सी ए फॉर्म में सर्विस कर रहा हो या कोई भी कंपनी एंटिटी में सर्विस कर रहा हो क्लॉस टू देन चैप्टर टू सॉरी चैप्टर थ्री इज नॉट रेलिवेंट एनी मोर इसको हटा दीजिए तो टू करना है फिर फोर सब्सटांशियल इंटरेस्ट जो अपन ने पढ़ा था उसमें रिलेटिव की परिभाषा एज पर एज एटीन होगी ये किसमें दिया गया है तो ये क्लैरिफाइड चैप्टर फोर में याद कैसे रखना है आपको तो क्लॉज फोर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की बात करता था शेड्यूल टू पार्ट वन तो चैप्टर फोर भी उसी की बात करता है बहुत बढ़िया सर चैप्टर फाइव काम का है चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है जिसमें बेसिकली कैश बुक और लेजर ये दो चीज़ तो मेंटेन करना ही है भले ही उसकी इनकम एग्जाम्शन लिमिट से भी कम हो अंडर द इनकम टैक्स एक्ट घुमा फिरा के क्या कह रहे हैं कि सीए को हर केस में बुक्स बनाना है हाँ बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स में कितने अल्फाबेट्स हैं पांच चैप्टर फाइव सो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है इनकम टैक्स की लिमिट से नीचे इसलिए नहीं बनाई है तो भी बताओ क्या बनाना पड़ेगा हाँ कैश बुक बनाई लेजर नहीं बनाया क्या सी ए गिल्टी है हाँ क्यों किस में गिल्टी माना जाएगा शेड्यूल टू पार्ट वन क्लॉज वन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द गाइडलाइंस इशूड बाई द इंस्टीट्यूट काउंसिल जनरल गाइडलाइन चैप्टर फाइव रिक्वायर्स अ चार्ट अकाउंटेंट एवरी चार्ट अकाउंटेंट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चार्टड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हियर ठीक है देन चैप्टर सिक्स सिक्स फॉर सिक्सटी टैक्स ऑडिट अरे वाह ये भी याद हो गया तो सिक्स फॉर सिक्सटी सिक्सटी टैक्स रिक्वायरमेंट है इसमें क्या कहा गया है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक असेसमेंट ईयर के साठ टैक्स ऑडिट कर सकता है यहां पे टैक्स ऑडिट सिक्सटी टैक्स ऑडिट का मतलब क्या है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिक्सटी टैक्स ऑडिट नहीं है एक असेसमेंट ईयर के सिक्सटी टैक्स ऑडिट आप कर सकते हो ठीक है तो ऑबियसली बात है टैक्स ऑडिट असेसमेंट ईयर वाइज होता है पर कई बार होता है पिछले असेसमेंट ईयर का आप इस साल करने की बजाय अगले साल करोगे तो वो अगले साल की लिमिट में काउंट नहीं होगा पिछले असेसमेंट ईयर के आपके सिक्सटी हो चुके हैं तो अब आप वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते भले ही अगले साल आपके पास कम ऑडिट तो असेसमेंट ईयर वाइज चेक करना है एक सी एन प्रैक्टिस एक असेसमेंट ईयर के मैक्सिमम साठ ऑडिट कर सकता है अब इसमें ऑडिट कौन से काउंट होंगे जो सेक्शन फोर्टी फोर ए बी के टैक्स ऑडिट है अगर फोर्टी फोर ए डी के दैट मीन्स बेसिकली कि अगर आपकी इनकम गिवन लिमिट एक करोड़ से कम है और आप आठ परसेंट से से फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा इनकम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते इनफैक्ट कम करना चाहते हो तो आपने ऑडिट कराया तो फोर्टी फोर ए डी में चले गया वो वाले ये सिक्सटी की लिमिट में काउंट नहीं होंगे सिमिलरली ए टी आई ए का कोई डिडक्शन लिया इसलिए ऑडिट कराना है प्लिमिनरी एक्सपेंस का सेक्शन थर्टी फाइव डी के अंदर ऑडिट कराना है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का ट्वेल्व ए में ऑडिट करवाना है ये सारे ऑडिट्स भी 60 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे तो सिर्फ सेक्शन 44 फोर ए बी के जो ऑडिट होते हैं आपके वो एक करोड़ दो करोड़ के आपकी जो लिमिट क्रॉस करने पे आपको ऑडिट कराना पड़ते हैं वो वाले ऑडिट 60 की लिमिट में काउंट होंगे बाकी की कोई लिमिट नहीं है अगर आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो उसे एक टैक्स ऑडिट मान लेंगे आप उस कंपनी की ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो और कंपनी का टैक्स ऑडिटर कोई और है और आप कंपनी की ब्रांच का टैक्स ऑडिट करके उसे रिपोर्ट दे रहे हो तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लॉजिकली देखा जाए तो आप यहां पे इनकम टैक्स की साइड पे तो कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल ही नहीं कर रहे तो ये काउंट ही नहीं होना चाहिए तो इंस्टीट्यूट ने साफ बोल रखा है कि अगर सिर्फ ब्रांच का भी टैक्स ऑडिट करोगे तो एक ऑडिट माना जाएगा पर अगर आप एक कंपनी का और उसकी सारी ब्रांचेस का सबका ऑडिट करते हो तो ऐसा नहीं है दस ब्रांच और एक कंपनी तो ग्यारह हो गए एक ही काउंट होगा यानी आप यू समझ लो ये पेन वाइज चलता है किसी भी एक पर्टिकुलर पैन का आपने ब्रांच या पूरी कंपनी या दोनों का ऑडिट किया है तो एक लिमिट में काउंट हो जाएगा जॉइंट ऑडिटर हैं तो दोनों की एक एक लिमिट कंज्यूम हो जाएगी यानी एक एक लिमिट काउंट होगी होल्डिंग कंपनी का ऑडिट किया और सब्सिडी कंपनी का ऑडिट किया दो अलग अलग पैन हो गए ना तो इसे दो टैक्स ऑडिट मान लिए जाएंगे लिमिट इज ओनली अवेलेबल फॉर सी ए विच इज इन प्रैक्टिस और सी एन प्रैक्टिस का मतलब है अगर आपका पार्ट टाइम सी ओ पी या फंक्शन चले गए तो आपकी लिमिट जीरो हो जाएगी अगर मेरी फॉर्म में कोई ऐसे भी पार्टनर है जो पार्ट टाइम प्रैक्टिस है पच्चीस घंटे से ज़्यादा टीचिंग करते हैं तो उनकी अटेस्टेशन पावर गए ऐसे हे मेरे फॉर्म में टोटल दो पार्टनर है उसमें से एक ऐसा और एक नॉर्मल है तो सिक्सटी की लिमिट है एक आखिरी चीज़ ध्यान रखना कि ये लिमिट सिर्फ ऑडिट एक्सेप्ट करने की है टैक्स रिपोर्ट साइन करने की नहीं है तो मेरी फॉर्म में दस पार्टनर है सब सी एम फुल टाइम प्रैक्टिस है तो मेरे पास छः सौ टैक्स ऑडिट की लिमिट है ये छः सौ टैक्स ऑडिट पूरे के पूरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर एक सी ए भी साइन कर दे तो यहाँ कोई मिसकंडक्ट नहीं है यानी इट इज़ नॉट फॉर साइनिंग इट इज़ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग ऑडिट्स हालांकि ऐसे ही रिकमेंड करता है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वही रिपोर्ट साइन करे तो बेहतर होगा बट एनी वेज उसमें कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो जाएगा इन सब के अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ये सारी की सारी लिमिट्स हम कब चेक कर रहे हैं बेसिकली तो ये एक्सेप्टेंस रिलेटेड है तो आप एक्सेप्ट करते समय आपको ये वाली लिमिट्स का कंप्लायंस करना पड़ेगा यानी आप 60 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली बात है फिर उसमें से कंप्लीट जितने भी होते हैं बताने की जरूरत नहीं है पर अगर एक सी एन प्रैक्टिस दो फॉर्म में पार्टनर है तो दोनों में 60 60 नहीं ले सकता कलेक्टिवली टोटल 60 ऑडिट्स एक्सेप्ट कर सकता है ये 60 की लिमिटेड टैक्स ऑडिट की इसी तरह से देर इज अ चैप्टर एट जिसमें कंपनी ऑडिट असाइनमेंट की 30 की लिमिट्स है इसमें मजे की बात यह है कि सारी कंपनियां काउंट होती है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन सॉरी 141 फोर्टी सब वन सबसेशन थ्री क्लस जी में ट्वेंटी की लिमिट दी हुई है उसमें प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी वन पर्सन कंपनी डॉर्मेंट कंपनी ऐसे कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कोई भी कंपनी को का ऑडिट करोगे सब काउंट होगा सब मिला जुला के मैक्सिमम थर्टी कंपनी की आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो तीस इसमें गवर्नमेंट कंपनी भी आ गई है फॉरेन कंपनी अगर है तो क्या वो भी आ जाएगी तो टेक्निकली स्पीकिंग वो कंपनी नहीं है तो नहीं आना चाहिए हालांकि कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस में उसको काउंट किया जाता है देन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट किया है, वो भी आ जाएगा पर ध्यान रखना सिर्फ कंपनी ऑडिट आएंगे तो मेरे पास एक कंपनी का सिर्फ टैक्स ऑडिट है कंपनी ऑडिट नहीं है तो 60 की लिमिट में काउंट होगा 30 में नहीं होगा कंपनी ऑडिट भी है टैक्स ऑडिट भी है 30 में काउंट हो जाएगा 60 में काउंट हो जाएगा सिर्फ कंपनी का कंपनी ऑडिट है टैक्स ऑडिट कोई और करता है तो 30 की लिमिट में काउंट होगा 60 में कुछ भी काउंट नहीं होगा यहाँ पे सेम रूल है जॉइंट ऑडिटर दोनों के में काउंट होंगे ब्रांच ऑडिट कर रहे हो अगर आप किसी कंपनी का पूरी कंपनी का नहीं कर रहे हो तो उसे एक ऑडिट काउंट कर लिया जाएगा यहाँ पे बस लिमिट असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक समय पर आपके पास थर्टी से ज्यादा कंपनी के ऑडिट नहीं होना चाहिए ये प्रोविजन से आपके कंपनी ऑडिट आप कितने एक्सेप्ट कर सकते हो ऑब्वियसली बात है आपको ये लिमिट भी फॉलो करना है और कंपनीज एक्ट की भी लिमिट फॉलो करना है तो सपोज आपके पास ट्वेंटी uh, पब्लिक कंपनी के ऑडिट और एक और पब्लिक कंपनी का ऑडिट आया तो शायद आप इस पर आई रिक्वायरमेंट आप एक्सेप्ट कर लो लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट नहीं कर पाओगे तो आपका जवाब होगा नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि सेक्शन वन मना करता है तो दोनों अगर हाँ बोले तो करना है नहीं तो लिखना है इसके अनुसार नहीं करना है ऐसा नहीं बोलना है इसके अनुसार करना है इसके अनुसार नहीं करना है हाँ पर एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए कि एज पर कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो नहीं और एम सी है तो फिर आपको आंसर सिर्फ कंपनीज एक्ट के अनुसार ही देना है एथिक्स चाहे जो बोले आपको उस बारे में नहीं सोचना है एंड वाइस वर्षा ये क्लियर हो गया सबको बहुत ही सिंपल है चैप्टर एट एट को अगर, अगर अपन आधा कट करेंगे और ये वाला पोर्शन डिलीट कर देंगे तो क्या दिखेगा वो गलत पोर्शन डिलीट कर दिया क्षमा करना ये थ्री थ्री फॉर थर्टी थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये चैप्टर नंबर याद नहीं होते दोस्तों इसलिए तरीके तरीके लगा रहा हूं मैं क्योंकि वो उल जलूल तरीके हमारे को याद भी इजिली हो जाते हैं तो एट हो गया आधा थ्री थ्री थर्टी टैक्स एस फॉर सेवन एस फॉर सिक क्लॉज एट पार्ट वन शेड्यूल वन चलिए क्या कहता है क्लॉज एट पार्ट वन शेड्यूल वन क्या कहता है क्लॉज ट पार्ट वन शेड्यूल पे स्पेसिफिकली कहता है कि प्रीवियस ऑडिटर अगर आपने ऑडिटर की पोजिशन एक्सेप्टेटिंग फ्राम बी गिल्टी और उसमें प्रीवियस ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अनपेड है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर वो सिक कंपनी है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो ये एक्सेप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सिक कंपनी का एक्सेप्शन चैप्टर नंबर सेवन में दिया हुआ है एस फॉर सेवन एस फॉर सिक तो सिख कंपनी में आप अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस अनपेड है तो भी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो बस इतनी सी बात यहाँ दी गई है चलिए देन लेड कम टू चैप्टर नाइन जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है uh, क्यों नहीं है क्यों क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अब एप्लीकेबल है इसलिए ध्यान से सुन लो एक बार चैप्टर नाइन कहता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी लिस्टेड कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है ऐसी एंटिटी में अगर आप ऑडिट के साथ साथ दूसरी सेवाएं भी प्रदान कर रहे हो आप यानी आप और आपकी नेटवर्क फॉर्म मिला जुला के ऑडिट के अलावा दूसरी सेवाएं दे रहे हो तो दूसरी सेवाओं से आपको जो पैसा मिल रहा है वो जो टोटल ऑडिट फीस मिल रही है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानी आप दूसरी सेवाएं दे सकते हो पर उनकी फीस आपकी ऑडिट फीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दूसरी सेवाओं में कौन सी सेवाएं आएंगी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी नेचर की जो आपकी सर्विसेज होती है आउटसोर्सिंग नेचर की सर्विसेज होती है इस तरह की सर्विसेज लेकिन कंपनी के सेक्शन 144 ने यह कह दिया है कि कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडरी किसी को भी आप या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी सीए खुद या उसकी नेटवर्क फॉर्म्स या रिलेटिव अगर इंडिविजुअल है तो या पार्टनर्स के थ्रू किसी के भी थ्रू अगर आप ऑडिट कर रहे हो कंपनी का तो आप दूसरी कोई भी सर्विसेज दे ही नहीं सकते हो अगर वो प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ सर्विसेज में आती है जिसमें मोस्टली सभी सर्विसेज आ जाती है अदर देन अटेस्टेशन वर्क कि भाई आईपीओ को प्रोस्पेक्ट सर्टिफाई करना है ऐसा कुछ तो वो तो ठीक है उसका यहाँ पे भी एक्सेप्शन है तो घुमा फिरा के सेक्शन 144 अब आपको फॉलो करना है क्यों क्योंकि वो क्या बोलता है कि अगर आप कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी सॉरी कंपनी को कोई भी कंपनी का ऑडिट आप कर रहे हो तो आप और आपकी uh, साथी फॉर्म्स एसोसिएट फॉर्म्स उस कंपनी उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी को दूसरी कोई सेवाएं दे नहीं सकती है जो प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ आर्ट सर्विसेज में आती है तो ये क्या बोल रहा है क्लाज नाइन की जितनी ऑडिट फीस है उससे ज्यादा फीस रिकवर दूसरी सर्विस से मत करना यानी मेजर इनकम ऑडिट से आना चाहिए जबकि यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखोगे तो सेक्शन 144 में क्या लिखा हुआ है कि भैया आप दूसरी सेवाएं दे ही नहीं सकते एक रुपए की भी नहीं दे सकते तो वन का कंप्लायस करेंगे तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगी बस एक ही जगह ये वाला क्लाज काम आ सकता है क्योंकि इस क्लाज में बोला गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ मोर देन फिफ्टी करोड्स जबकि सेक्शन 144 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपनीज यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कंपनी नहीं हुई जैसे इंडियन रेलवे एल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और कंपनी नहीं है तो वहां पर ये वाला क्लॉज लगेगा और बोलेगा कि भैया ऑडिट फीस से ज्यादा फीस दूसरी सर्विसेज से नहीं मिलना चाहिए अदरवाइज इस क्लॉज का रेलिवेंस नहीं है क्लाज नाइन बिकम मोरल लेस एज इन नौ दो ग्यारह हो चुका है ये क्लॉज ठीक है टेन फॉर टेन थाउजेंड जो कहता है कि एक चार्टेड अकाउंटेंट किसी भी एंटिटी का अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है तो करे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसकी इंडेटनेस दस हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ कहा गया है कि अगर किसी लॉ में कोई दूसरी लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है तो वो फॉलो करी जाएंगी तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आपकी लिमिट क्या प्रिस्क्राइब कर दी गई है इंडेटनेस की पाँच लाख मजे की बात सुनना ध्यान से हाँ इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ और इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है कि अगर ऑडिटर की इंडेटनेस एक लाख रुपये तक की है तो चलेगा कंपनीज एक्ट में पांच लाख तक किया तो चलेगा तो टैक्स ऑडिट में एक लाख कंपनी ऑडिट में पांच लाख बाकी सारे ऑडिट्स तो आप किसी भी दूसरे केस में अगर कोई ऑडिट कर रहे हो देन इन दैट केस द लिमिट विल बी टेन थाउजेंड एज पर चैप्टर टेन ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइंस हालांकि कोड ऑफ में इस लिमिट को बढ़ा के एक लाख कर दिया गया है पर अपन उसकी बात अभी नहीं करेंगे ये लिमिट कब लगती है तो जब आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया और यहाँ पे ऑडिटर में इंटरनल ऑडिटर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंस के नियम लागू नहीं होते तो अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया फॉर एग्जाम्पल बैंक ने किसी पर्टिकुलर एंटिटी का स्टॉक ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया या आप किसी पर्टिकुलर बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट ही कर रहे हैं तो ये सारी लिमिट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी आपकी उस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना कॉन्करेंट ऑडिट इंटरनल ऑडिट से अलग माना जाता है दस हजार से ज़्यादा की इंडेटनेस हुई तो आप डिस्कवालीफाइड हो छोड़ दो ऑडिट आप प्लस आपके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक्शन लेंगे याद रखना अगर सी ऑडिट फीस एडवांस में लेता है तो उसे इंडेटनेस काउंट किया जाएगा तो दो सवाल का जवाब सुन लो क्या सी ऑडिट फीस एडवांस में ले सकता है हाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या वो ऑडिट फीस एडवांस में लेने से इंडेटनेस की लिमिट से ज़्यादा उसकी इंडेटनेस हो गई तो क्या वो मिसकंडक्ट माना जाएगा हाँ नॉट बिकॉज उसने फीस एडवांस में ली है बट बिकॉज उसने इंडेटनेस की लिमिट क्रॉस कर दी मैं जैसे जैसे ऑडिट करते जाऊँ वैसे ऐसे फीस उत्ती उत्ती लेते जाऊँ चलेगा इसे प्रोग्रेसिव बेसिस ऑफ चार्जिंग फीस कहते हैं इसको इंडेटनेस नहीं माना जाता इनडेटनेस ऑर्डिनरी कोर्स में आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यानी मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट कर रहा था नॉट टैक्स ऑडिट नॉर्मल ऑडिट कर रहा था और वहाँ पे वो गुड्स नॉमली उधारी पे बेचती है किसी को भी तो एक महीने का उधार देती है मुझे भी एक महीने का उधार दिया बीस हज़ार रुपये बकाया हो गया क्या मुझे इंडेटेड फॉर मोर देन टेन थाउजेंड मान लिया जाएगा हाँ ओवरड्यू नहीं है इनडेटनेस सिर्फ क्रेडिट कार्ड के केस में आई ने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो और उसके क्रेडिट कार्ड्स आपने सब्सक्राइब किए कोई बैंक है तो क्रेडिट कार्ड के पचास हजार की और उसमें पेमेंट करने के लिए आपके पास तीस दिन का समय है उसके बाद आपने नहीं किया तो फिर उसे इंडेटनेस काउंट किया जाएगा बाकी सब केस में हम यू बोल सकते हैं कि इंडेटनेस मीन्स डेट क्रेडिट कार्ड के केस में डेट खत्म होने के बाद अगर बकाया रह गया तो फिर उसे इंडेटनेस माना जाएगा इसमें एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने यह भी क्लरिफाई किया है कि आप कोई बैंक का ऑडिट कर रहे हो और आपने बैंक से लोन ले रखा है तो उसे भी इंडेटनेस काउंट करेंगे लिमिट क्रॉस कर गए तो नहीं कर पाओगे इस पर क्वेश्चन उठा था कि भाई मेरा बैंक में एक लाख का एफ है और उसको गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में मैंने सपोज नब्बे हज़ार का लोन ले लिया तो मेरी इंडेटनेस तो टेक्निकली जीरो है नहीं आपकी इंडेटेनेस है नब्बे हज़ार की क्योंकि ये दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे भी आप डिस्कालीफाइड हो आप नहीं कर सकते करोगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा तो ये का है relevant, आपको समझ में आना चाहिए। रखना, A, आपने उधार लिया है से, B, आपने उधार पे माल कंपनी से सी आपने किसी और ने उधार लिया है और उसके भी आप पे को गारंटी दे दिया उसे भी इंडेटनेस में काउंट किया जाएगा इनफैक्ट उसके भी आप कोई सिक्योरिटी दे देते हो तो वो भी इंडेटनेस में काउंट होगा टेन फॉर टेन थाउजेंड इंडेटनेस इलेवन अनजस्टिफाइड रिमोवल ऑफ ऑडिटर ग्यारह नंबर की गाड़ी यानी कि पैदल चल के आपने क्या किया वो बोलते हैं ना ग्यारह नंबर की गाड़ी ऑडिटर को बोल दिया चले जाए तो ये रिमूल ऑफ ऑडिटर है तो ये बेसिकली वापस से आपका किससे रिलेटेड है क्लॉज एट पार्ट वन शेड्यूल वन अगर प्रीवियस ऑडिटर का रिमोल अनजस्टिफाइड हुआ है तो फिर आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे ऐसा क्लॉज एट में हमने देखा था ये बेसिकली लिखा कहाँ पर है तो ये चैप्टर इलेवन जो ऑडिटर को ग्यारह नंबर की गाड़ी से भेज रहा है उसके लिए और चैप्टर ट्वेल्व मिनिमम फीस का है ये प्रोविजन अब आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है कोडा ऑफिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है मिनिमम फीस के कोई बेसिस दिए हैं पर उसको अभी लागू नहीं किया गया है तो एनी उसकी बात मत करो तो आपके काउंसिल जनरल गाइडलाइन में ये सारे चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर और उनके नंबर्स मैंने विथ अ मेथड टू रिमेम्बर दीज पर्टिकुलर नंबर्स आपके साथ शेयर कर दिए और इसमें क्या कहा गया है इसमें देखिए वॉट इट इज़ चैप्टर uh, वन सिर्फ आपका नाम बताता है चैप्टर टू स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा आपको सी एन सर्विस है तो उसे क्या करना है उसे इंश्योर करना है कि वो ग्रॉस नेग्लिजेंस फॉलो इन फैक्ट ग्रॉसली नेग्लिजेंट ना और ड्यू डेलीजेंस फॉलो करे अदरवाइज गिल्टी हो जाएगा हुँ. इसके अलावा हमने अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसमें थ्री रेलिवेंट नहीं था फोर हमने देखा विच इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट क्लास फोर यानी कि सबस्टांशियल इंटरेस्ट रिलेटिव की क्या परिभाषा है फाइव बुक्स सिक्स सिक्सटी टैक्स ऑडिट असाइनमेंट सेवन एस फोर सेवन एस फॉर सिक्स एक कमनी की डेफिनेशन चैप्टर सेवन में एट आधा काटा तो तीन निकला थर्टी कंपनी ऑडिट्स नाइन ना तो ग्यारह हो चुका है ये प्रोविजन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है ऑडिट फीस से ज़्यादा दूसरे काम की फीस नहीं होगी सिर्फ पी के लिए रेलिवेंट है इसमें ध्यान रखना दूसरे काम में अगर कोई दूसरा अटेस्टेशन वर्क आप कर रहे हो जो एक्ट के अंतर्गत आपके करने होते हैं उसकी फीस इसमें काउंट नहीं होती है टेन टेन थाउजेंड की इंडेटनेस उससे ज़्यादा ग्रेटर देन टेन थाउजेंड नहीं होना चाहिए अप टू टेन थाउजेंड चलेगी ऑब्वियसली बात बातें ये कब लगता है जब आप कहीं ओपिनियन दे रहे हो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है तो ही और दूसरे लॉ में कोई प्रोविजन है तो वो अब हेल्ड होगा और इलेवन आपका जो कहता है अनजस्टिफाइड रिमोवल ऑफ ऑडिटर है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे क्लॉज एट के अंतर्गत तो ये आपकी सारी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस भी कवर हो जाती हैं कोड ऑफ एथिक्स 2020 में कई सारी और गाइडलाइंस ऐड करी गई चलिए यस डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हो ओपन होना चाहिए पता नहीं बाद में देखते हैं इसके बारे में चलिए देखिए चलो भाई रेलेवेंट बातें करो अभिनव भाटिया आइए सी ओ पी परमानेंटली सस्पेंड हो गई है तो वो अदर कैपेसिटी क्या कर सकता है लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट वगैरह तो देखो इंस्टीट्यूट का एकदम क्लियर है सी ओ पी सस्पेंड हुई है तो आप अभी भी मेंबर हो मेंबर हो तो आपके ऊपर एथिक्स आज भी लगेगा तो आप कोई भी दूसरी चीज़ें कर सकते हो जिससे आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस जाओगे तो नहीं कर पाओगे एक्सेप्ट वो जी एस टी कंसल्टेंट का एक एक्सेप्शन मैंने आपको समझाया था वहाँ पर आपको एज अ चार्टडेड अकाउंटेंट यूज़ करना है ऐसा एज अ चार्टेडेड अकाउंटेंट अपने आपको प्रेजेंट नहीं करना है बस इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग आउटसाइड इंडिया ये डिस्कस करा था बनने पिछले रिविजन सेशन में डिटेल में चलिए एम सी क्यू के आंसर ब्रेक आए का ब्रेक कम्पलीट करेंगे अब नेटवर्क पे आना है अपने खत्म नो ब्रेक कम्पलीट करेंगे इसको चलो एक बार टेलीग्राम पढ़ लेते हैं अपना चलिए नहीं एकदम क्लियर बता दिया मैंने कॉडाविक सब जगह लगेगा सी प्रैक्टिस अगर आउटसाइड इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर उसके ऊपर नहीं लगेगा ना कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें चलिए देखना पड़ेगा भाई टीम बताएगी यश आपको ये क्यों नहीं हो पा रहा है चलिए आ जाए अब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के रीसेंट डिसीजंस डिसीजंस बहुत सारे आप इसकी प्लेन रीडिंग लेके आप इसको समझ सकते हो मैं आपको क्विकली इसको क्या करूंगा जस्ट <coughs> आई जस्ट क्विकली कवर दिस अप जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हुए सबसे पहले इक्विटी रिसर्च एडवाइजर आप बन सकते हो लेकिन रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते इसका मतलब समझ लो मैं इक्विटी मार्केट में रिसर्च करता हूँ और रिसर्च कर करके कर मैं डिसाइड करता हूँ या सजेशन एडवाइस देता हूँ अपने क्लाइंट्स को किस में इन्वेस्ट करो नहीं करो कर चलेगा पर मैंने इसके बेसिस पे किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट बना ली पतंजलि के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट बना के पब्लिश कर दी तो ऐसी रिपोर्ट्स मार्केट में मिलती है पेड रिपोर्ट्स में मिलती है जिसमें लिखा रहता है ये इक्विटी रिसर्च एडवाइजर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है जो बिकती है कई सारे म्यूचुअल फंड्स फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स इसको खरीदते हैं ये काम आप नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इसमें ब्लैक का बहुत सारा धंधा चलता है तो दैट इज़ वाई यू कैन बी अ एडवाइज़र यू कैन बी इक्विटी रिसर्च एडवाइजर यू कैन बी एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बट यू कैन नॉट पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट्स इन योर नेम दैट इज वन पर्टिकुलर प्रोविजन ट्रस्ट के मेंबर हो तो उसको ऑडिट नहीं करना बता दिया मैंने सी अपने आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली अलाउ किया है कि आप अपने आप को एज अ डीएससी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी जहां पे डीएससी बनते हैं ऐसे काम कर सकते हो क्रेडिट कार्ड होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इंडेटनेस नहीं होना चाहिए दस हज़ार से ज़्यादा कंपनीज एक्ट है तो फिर उसकी जो लिमिट लगती है और यहाँ पर इंडेटनेस कब काउंट होगी क्रेडिट लिमिट खत्म होने के बाद मीडिएटर इन अ कोर्ट आर्बिट्रेटर आप बन सकते हो तो मीडिएटर शब्द उसमें शामिल नहीं किया है स्पेसिफिकली तो बोला है मीडिएटर भी चलेगा सी एम प्रैक्टिस इज नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट ऑडिट असाइनमेंट ऑफ अ बैंक इनकेस येस टेकन ये मैंने बता दिया फिर एफ डी के अगेंस्ट में ओवर ड्राफ्ट सैंशन कराते हैं कई बार एफ डी गिरफी रख के ओडी लिया तो उसे इंडिटनेस काउंट करेंगे लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर नहीं कर सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी की आप फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बन सकते हो जिसमें आपको कोई कमीशन एजेंसी दे रही है ये क्या हुआ था सी ए क्या करते थे क्योंकि एजेंट बनने की परमिशन नहीं थी तो क्या किया ये इंश्योरेंस कंपनी ने एक नई डेजिग्नेशन दे दी इनको कि ये हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं एजेंट नहीं है यानी इनका काम पॉलिसी बेचना नहीं है ये एडवाइस करते हैं पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी ये बोलते थे ये अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं और इनका क्लाइंट अगर हमसे कोई पॉलिसी लेगा ना तो हम इनको कमीशन देते हैं बिकॉज ऑफ देयर एडवाइस तो भैया आप अल्टीमेटली कमीशन ले रहे हो ना तो ये नहीं चलेगा नाम एडवाइजर कर लेने से कुछ नहीं होता है आपके तौर तरीके जो हैं वो एजेंट के ही हैं अकाउंटेंट अकाउंट नॉट एक्सरसाइज लीन ओवर क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट हाँ ये ध्यान रखना कभी इंटरमीडिएट में तुमने पढ़ाओ फीस अगर मुझे नहीं मिली है तो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स मेरे पास अगर कुछ जब्त करे हुए हैं या रखे हुए थे ऑडिट के लिए आए थे तो मैंने जब्त करके रख लिया कि भैया जब तक फीस नहीं दोगे ये कैश बुक वापस नहीं दूंगा इंस्टीट्यूट ने बोल दिया ये ब्लैक मेलिंग जैसा काम हो गया ये हरकत अलाउड नहीं है आप उनको उनके रिकॉर्ड्स वापस दे दीजिए और आप अपनी फ़ीस उनसे लीगली मांगिए और आप चिंता मत करो क्यों क्योंकि अगर आपकी फ़ीस पे नहीं हुई है और अगले बार कोई दूसरा ऑडिटर आया भाई आप ही को अपॉइंट किया तो ठीक है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई और ऑडिटर आया तो जबकि जब तक आपके अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं होगी वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा आप अपनी फीस रिकवर इजीली कर लोगे ये प्रॉब्लम इसलिए आई थी क्यों क्योंकि कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन वन में कि बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे या कोई भी नोटिफाइड दूसरी प्लेस पे होना चाहिए तो सी का ये लॉजिक कि भैया मैं बुक्स अपने ऑफिस में ला के यहाँ ऑडिट कर लूँ कंपनी के केस में ये अलाउड ही नहीं है क्योंकि आप बुक्स हटा ही नहीं सकते हो वहां से तो इसके लिए बुक्स लाना कंपनीज में तो अलाउड ही नहीं है तो एक जनरल आइडिया इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन ही दे दी भैया एक बोर्ड ने नोटिफिकेशन दे दिया कि किसी भी एंटिटी में कंपनी हो कोई भी हो बुक्स के ऊपर आपका कोई लीन एक्सरसाइज नहीं होगा चलिए नेक्स्ट इट इज नॉट सीए फॉर्म टू प्रिंट इट्स विजन एंड वैल्यूज विजिटिंग कार्ड में क्या क्या अलाउड नहीं है सुन लो फोटोग्राफ अलाउड नहीं है विजन वैल्यूज़ अलाउड नहीं है बाकी फॉर्म का नाम दे दो अपना नाम दे दो चार्टेड अकाउंटेंट लिख दो एड्रेस लिख दो कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो क्यू कोड लिख दो उसमें वही डिटेल आना चाहिए जो कि आपके विजिटिंग कार्ड में अलाउड है स्कैन करके आदमी वहाँ चले जाए वेबसाइट का एड्रेस लिख दो बुलाना नहीं वेबसाइट पर फोटो नहीं देना आप ईयर ऑफ इस्टाब्लिशमेंट नहीं देना वैल्यू मिशन विजन ये सब हमारे क्या होते हैं ये सब अलाउड नहीं है यू टी आई जी आई सी एन एस डी एल इन सबकी एजेंसीज आप नहीं ले सकते टी डी एस रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए वो सब आप अपने काम में नहीं कर सकते क्योंकि आप कंसल्टेशन नहीं कर रहे हो वहाँ पे एज एन एजेंट काम करने लग गए ट्रस्ट के सेटलर बनने में पॉसिबल है क्या तो बेसिकली आप यू समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन वाले काम नहीं कर सकते एडवाइजर वाले काम कर सकते हैं तो मैं आर्बिट्रेटर बन सकता हूँ पर अगर मुझे बोला जाए कि भैया संपत्ति यह है लिक्विडेटर बन सकता हूँ कंपनी की संपत्ति का लिक्विडेशन करके प्रॉपर्टी का सेटलमेंट कर सकता हूँ तो उस तरह से ट्रस्ट भी है अलाउड कस्टम हाउस एजेंट नहीं बन सकते हो आप टैक्स अपने अगर आप एम्प्लॉई हो चार्ट अकाउंटेंट इन सर्विस तो अपने एम्प्लॉयर के भी पे आप इनकम टैक्स में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो क्योंकि एम्प्लॉई को अलाउड है दूसरे एम्प्लॉयर के भी पे दोगे फॉर अंसिड्रेशन तो डिम टू बी इन प्रैक्टिस जाओगे तो वो अलाउड नहीं है किसी भी बैंक का अगर आप स्टॉक ऑडिट कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो तो उसका स्टार्ट ऑडिट नहीं करोगे पहला दूसरा अगर आप बैंक के इंटरनल ऑडिटर हो तो उसकी जो स्पॉन्सर बैंक है जैसे रीजनल रूरल बैंक होती है ना तो रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करने वाली एक बैंक होती है तो से फॉर एग्जाम्पल नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और से इसकी स्पॉन्सर बैंक है से स्टेट बैंक तो अगर आप स्टेट बैंक के इंटरनल ऑडिटर हो तो आप उसकी जो स्पॉन्सर्ड बैंक है आप उसका स्टैचुटरी ऑडिट नहीं कर सकते सर मैं सब्सिडी का इंटरनल ऑडिट हूँ क्या होल्डिंग का मैं स्टार्ट ऑडिट कर सकता हूँ शायद कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पर होल्डिंग का इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो सब्सिडरी का डेफिनेटली नहीं कर पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपका इंटरेस्ट होने से यहाँ पर इंडायरेक्टली क्योंकि उसका इंटरेस्ट है तो आपका इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा तो स्पॉन्सर बैंक के इंटरनल ऑडिट हो तो आप इसका स्टार्ट ऑडिट नहीं कर सकते सिमिलरली अगर आप एक पी एफ ट्रस्ट के ऑडिटर अपॉइंट किए गए हो इंटरनल ऑडिटर तो आप उसका स्टैचुटरी ऑडिट नहीं कर सकते ये कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं चलिए <coughs> ये रिपीट हो गए हैं देन इसके बाद में डायरेक्टर के केस में कोई भी सीए किसी भी कंपनी में सिंपल डायरेक्टर बन सकता है नॉन एग्जीक्यूटिव है बिना परमिशन के बाकी केस में परमिशन लेना पड़ेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह उसने साइन किया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी ऑडिट एक एक्सटर्नल नेचर का ऑडिट है स्टैचुटरी ऑडिट है स्टेशन फंक्शन है तो इंटरनल ऑडिटर जीएसटी ऑडिट भी नहीं कर सकता टैक्स ऑडिट भी नहीं कर सकता है मिनिस्ट्री में आप उद्योग आधार में अपने आप को एमएसएमई की तरह रजिस्टर अपनी फर्म को करा सकते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को नो प्रॉब्लम इंटरनल ऑडिटर कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंटरनल ऑडिटर पर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट रिकमेंडेटरी होती है व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू क्या मैं अपनी लोगों को जनता को अपनी प्रैक्टिस के बारे में करा सकता हूँ क्लास सिक्स में मिसकंडक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा सीए सी ए से काम मांगना है थ्रू व्हाट्सएप वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना सी ए सी ए से काम मांगे तो कोई दिक्कत नहीं है बस उसको ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखना है तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैंने सारे सी को एक लेटर लिखा कि भाई मेरी सरकार में खूब चलती है बढ़िया लाइजनिंग है मेरी सरकार में और आपके कोई भी गवर्नमेंट काम हो तो मेरे पास आइएगा क्यों क्योंकि इससे बेहतर आपको कोई सी नहीं मिल सकता तो अपने आपको आपने सुपर बताया तो ये प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हाईलाइट करना हो गया उसके लिए आपको गिल्टी मान लिया जाएगा सी से काम मांगने के लिए नहीं तो ध्यान रखना एथिक्स का ओवरऑल कंप्लायंस करना है तो क्लास सिक्स क्या कहता है सीए कैन आस्क वर्क फ्रॉम अ सीए बट ही हैज टू एंश्योर दैट देयर इज नो नॉन कंप्लायंस ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ एथिक्स व्हाट्सएप से सीए से काम मांग सकते हो जनता को आप व्हाट्सएप से अपनी प्रैक्टिस के बारे में नहीं बता सकते हो चलिए कंपनी के अगर आप डायरेक्टर हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो कोई सीए अगर वहाँ के ओर सी फॉर्म वगैरह साइन कर रहा है तो इसका मतलब वो फिर एग्जीक्यूटिव जैसे काम कर रहा है तो ये अलाउड नहीं है स्पेशल परमिशन आपको लेना पड़ेगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम फॉरेन कंपनी के लिए भी कर सकते हैं बस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी के बनोगे तो उसका ऑडिट नहीं करना फॉरेन कंपनी हो या कोई भी कंपनी जीएसटी के लिए क्या आप ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हो तो जीएसटी के ऊपर अलग से इंस्टीट्यूट ने एफ ए दिए हैं जिसमें कहा गया है कि आप जीएसटी के ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हो अपने एम्प्लॉय को बुला सकते हो क्लाइंट को बुला सकते हो क्लाइंट के एम्प्लॉय को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि अगर कभी आपको जीएसटी एस के ट्रेनिंग के लिए कोई और बुलाए तो आप वहाँ भी जा सकते हो वहाँ बस फॉर्म का नाम नहीं लेना

अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिगेशन से रिस्ट्रिक्ट ना करे तो कर सकता है बट सर्टिफाई नहीं कर सकता बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं आपको ये समझना है कि अगर आप एक प्रैक्टिस करने वाले सी हो तो आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिटर्न फाइलिंग के काम लेते हो कोई दिक्कत नहीं है पर उसके रिटर्न सर्टिफाई नहीं करना आप क्योंकि इनकम टैक्स में आप ध्यान है कभी भी इनकम टैक्स के जो रिटर्न होते हैं ना फॉर्म थ्री सी सॉरी आपके जो आई जाते हैं उस पर कभी भी सी ए साइन टिप्पे नहीं लगाता है सी इन सर्विस है तो अपने एम्प्लॉयर के लिए डेफिनेटली करेगा देन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो आप उसका स्टारचूटरी ऑडिट उसका भी नहीं करोगे और जॉइंट वेंचर का भी नहीं करोगे ये मैंने आपको बता दिया था इसके अलावा आ, 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 ओके ये वाला एक प्रोविज़न कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझ लो अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो उस कंपनी में वैल्यूएशन टाइप की सर्विसेज अब आप दे ही नहीं सकते हो कंपनी मना करता है पर सपोज कंपनी नहीं है और कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म है उसका मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ और उसका मैंने कोई वैल्यूएशन सर्विस देनी है तो इनकम टैक्स में बोला है कि आप अगर टैक्स ऑडिटर हो तो आप उसमें वैल्यूएशन सर्विस नहीं दे सकते तो ठीक है नहीं देंगे तो मैं इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट भी नहीं कर रहा हूँ एक ऑडिट कर रहा हूँ और उसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म है और कोई उसको से फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक बैंक से लोन लेना है तो उसने वैल्यूएशन सर्विसेज हमसे लेना चाहता है कर सकते हैं तो इंस्टीट्यूट बोलता है अगर लॉ में प्रोहिबिटेड है तो डेफिनेटली नहीं कर सकते बाकी केस में आप अपना डिस्क्रिप्शन लगाओ एज पर कोड ऑफ एथिक्स क्या कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा क्लास नाइन यहाँ लगेगा नहीं दोस्तों जो, तो जो अपन ने पढ़ा था ऑडिट फीस से ज़्यादा फीस में दूसरे काम नहीं ले सकते वो स्पेसिफाइड एंटिटीज़ नहीं लगता है और ये वो वाला केस है डायरेक्टर से डायरेक्टर जब तक वो ऑडिट नहीं करना डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद दो साल तक ऑडिट नहीं कर सकते थे ऐसा 2011 तक होता था उसके बाद अब नियम ऐसा है अब आप डिसाइड करो आपको लगता है इंडिपेंडेंट रहोगे तो कर लो नहीं लगता है तो दो साल तक रुक जाओ उसके बाद कर लो यानी अब ये रिकमेंडेटरी नेचर का प्रोविजन हो गया है ये सारे एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के आपके क्लारीफिकेशनज आ गए नेटवर्किंग के प्रोविजन ले लेता हूँ उसके बाद फिर एक साथ क्वेश्चंस ले, ले लेंगे ठीक है चलिए नाउ लेट इस कम टू प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्किंग क्या क्या होता है बेसिकली क्यूस बेस्ड सर्विसेज होती है ना आपकी क्योस डाल देते हैं और उसके बेसिस पे यू कैन गो टू अ पर्टिकुलर कैन टेक अप एनी पर्टिकुलर सर्विसेज इस तरह के मतलब काउंटर टाइप की जो सर्विसेज दी जाती है ऑनलाइन काउंटर्स क्रिएट कर दिए फिजिकल क्रिएट कर दिए तो मोड ऑफ सर्विस क्या इंपॉर्टेंट नहीं है सर्विस आप क्या दे रहे हो वो सी वाली होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है चलिए नेटवर्किंग पे आ जाए नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है ओके okay, uh -huh. सिंक का इशू हो रहा है या अब होना तो नहीं चाहिए बट एनी थोड़े मेरे एक्शन और मेरे बोल आगे पीछे हो सकते हैं बट आई थिंक अभी आप ऐसे भी सुनने पे ध्यान रख रहे होगे काम हो जाना चाहिए आ, ब्रेक नहीं यार नेटवर्किंग छोटा सा है दोस्तों बहुत सिंपल है और बहुत आसान है बस नया है इसलिए आप थोड़े कंफर्टेबल शायद नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं बहुत ईजीली हो जाएगा आ, मैं आपको छोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में भी आसानी होगी आपको ब्रेक चाहिए तो ले लो पानी पीने का मैं भी पी लेता हूँ नेटवर्किंग का पीडीएफ इनफैक्ट नेटवर्किंग का पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों फास्ट पर जाइए वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे लिखे हुए हेडिंग दी हुई है नेटवर्किंग की तो यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर फास्ट स्लैश डाउनलोड डाउनलोड सेक्शन पे आप जाओ भगवान ये क्या हो गया यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाओ और यहाँ पे थोड़ा नाम नंबर लगेगा तुम्हारा सॉरी यार कुछ नेट का इशू आ रहा है मेरे में कोई डाउनलोड डाउनलोड सेक्शन में आप जाओगे ना दोस्त तो वहाँ पर आपको नेटवर्किंग के नाम से दिख जाएगा एक बार आप वहाँ पर देख लीजिए ठीक है चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो <coughs> फोर्थ uh, बैच की बुक है सर उसमें इक्कीस डिसीजनस ही हैं अभी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डिसीजन्स डाल देता हूँ ट्वेंटी वन डिसीजन पहले थे उसके बाद आई थिंक कुछ ग्यारह और डिसीजन और आए थे जिसमें से दो कॉमन थे ऐसा कुछ था तो जो एडिशनल डिसीजन यहाँ पे मैंने दिखाए ये अमेंडमेंट्स के नोट्स जो अपन शेयर करते हैं ना उसमें होते हैं नहीं भी है मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा जो एडिशनल डिसीजन है आपके ठीक है चलिए और कुछ इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का वर्क नहीं कर रहा है इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज जो दिए थे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में वो बंद हो गया होगा वर्क करना उसकी टाइम लिमिट डिफाइंड थी शायद तो इसलिए अब शायद नहीं चल रहा होगा मैं उसको एक्सटेंड करवा दूंगा बोल दूंगा ऑफिस में अभी मेरी किताब में तो सर सत्रह ही हैं सुयश नो दिक्कत अभी दे देंगे दोस्त चिंता मत करो आ, समझ सकता हूँ मैं आज तुम तो ऐसे भी काफ़ी मायूस हो गए तुम्हारे सी ने जो हरकत करी है तुम्हारे साथ दो सौ दिन की छुट्टी के बाद एस चलो नेटवर्किंग के प्रोविजन्स पे आते दोस्तों ना बहुत सिंपल है भयंकर सिंपल है क्या है ये सबसे पहले आप समझ लो नेटवर्किंग का जो बेसिक रूल और लॉजिक है उसके पीछे बैकग्राउंड यह है कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप बिग फोर से कंपीट करो अब आपको भी पता है कि आज बिग फोर की इंटरनेशनल प्रेजेंस है तो एक भारतीय सी मेरे इंडिया फॉर्म कैसे उस स्केल पर आगे काम कर पाएगी गिवन द फैक्ट कि आज मेजोरिटी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल ऑपरेशंस रखती तो वो भी चाहेंगी कि यार मैं एक ऐसा ऑडिटर अपॉइंट करूं जो हर जगह ऑफिस हो तो उसको ऐसा नहीं हो कि भैया मेरा स्विट्जरलैंड में ऑफिस है तो यहाँ से अपना आर्टिकल को अपन भेज रहे हैं वहाँ जाके स्विट्जरलैंड में ऑडिट कर रहे हैं इसमें आर्टिकलों में भी तनाव बढ़ रहा है कौन जाएगा कौन जाएगा सी में भी तनाव बढ़ रहा है यार किसको भेजू नहीं भेजू इनफैक्ट सी तनाव बढ़ा रहा है कि भैया जो इस बार छुट्टी कम लेगा ना उसको हम क्या करेंगे आगे स्विस के ऑडिट पर भेजेंगे खर्चा भी क्लाइंट का पड़ता है तो भैया बिग फोर के हर जगह ऑफिस है वो बोलते हैं हमारे को कोई कन्वींस नहीं चाहिए वो फीस में ही सब ले लेते हैं इस पर्टिकुलर रीजन से दिक्कत यहाँ पर आती है कि लोग प्रेफर करेंगे ऐसी कंपनी जिसकी वाइड प्रेजेंस हो ऐसी जिसकी वाइड प्रेजेंस हो धीरे धीरे सारा काम बिग फोर के पास चले जाएगा तो इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास ऑप्शन नहीं बचेगा कुछ एक्सेप्ट की जाके बिग फोर में पार्टनर बन जाए इस पूरे प्रोसेस में अब हम कैसे मजबूत करें हमारी इंडियन सी एफ को तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने कहा 2011 में वो पुरानी गाइडलाइन कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स चाहें तो आपस में अपना एक नेटवर्क बना सकती है और उस नेटवर्क के अंतर्गत वो काम कर सकती है जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई टेंडर पे अप्लाई करोगे तो से फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक असाइनमेंट आता है लेट से यू पर्टिकुलरली गेट एन असाइनमेंट फ्रॉम अमेजॉन जिसमें अमेजॉन कहता है कि यार हमारे पूरे भारत में पचास अलग अलग जगह डिलीवरी सेंटर्स हैं जहाँ से हम क्या करते हैं स्टॉक डिलीवर करते हैं वहां का स्टॉक ऑडिट करना रहे तो मैं बोलता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारी एक नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स हैं जिनके हर उस शहर में ऑफिसेज हैं या उसके पास में ऑफिसेज हैं जहाँ पे आपके डिलीवरी सेंटर है वहां की लोकल बंदे जाके ऑडिट कर लेंगे हर महीने स्टॉक ऑडिट हो जाएगा आप चिंता ही मत करो तो दे विल बी हैप्पी एंड बिग एडवाज फॉर तो इंस्टीट्यूट ने बोला नेटवर्क बना लो फॉर्म्स के बीच में तो कम वक्त हुआ क्या जैसी इंस्टीट्यूट ने परमिशन दी चार्ट अकाउंटेंट लोगों ने बोला अच्छा ऐसा है क्या तो अपन एक काम करते हुए टेंडर में अप्प्लाई करने के लिए यार दोस्त जितों को अपन जानते हैं सबके नाम डाल देते भैया ये सब हमारे नेटवर्क का पार्ट है तो so, जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी टेंडर की वैसे वैसे दोस्तों को ढूंढ लेंगे उन शहरों को वहां सी एफ के नाम डाल के एक कलेक्टिव टेंडर में अप्लाई कर देंगे इंस्टीट्यूट ने बोला यार हम ये उद्देश्य से थोड़े ना परमिट कर रहे थे नेटवर्किंग गाइडलाइन। तो 2019 में इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली ये कहा कि भैया अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आप नेटवर्क बने बनाए हमें कोई समस्या नहीं है लेकिन पहली चीज आपको उस नेटवर्क को सीए इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर करना पड़ेगा और दूसरी चीज इंस्टीट्यूट उसका रजिस्ट्रेशन तभी देगा जब वो नेटवर्क की परिभाषा फुलफिल करेगा और नेटवर्क की परिभाषा में ये कहा गया कि सिर्फ मार्केटिंग के उद्देश्य से आप जैसे चाहे जब चाहे कोई नेटवर्क नहीं बना सकते नेटवर्क तभी माना जाएगा कि मल्टीपल सेट ऑफ फॉर्म्स एक नेटवर्क का पार्ट है ऐसा सिर्फ तभी माना जाएगा जब The firms aim to cooperate with each other. A. And there is cost sharing, there is, or, atwa, profit sharing, or resource sharing, or common control, or common brand name, or common trade. Is kamadlav, you should aim at cooperating between yourself. It should not be just with an intention to market or get a tender. Toh, कोऑपरेशन एम्ड होना चाहिए और साथ ही साथ में वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रूवन क्या वन ऑफ द फॉलोइंग में क्या हो सकता है भाई आपका मैनेजमेंट या तो कॉमन है या आप रिसोर्स कॉमनली शेयर करते हो जैसे कि ऑफिस शेयर करते हैं या आपके ऑडिट मैनुअल्स एक जैसे आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स एक जैसी हैं सिस्टम्स एक जैसे, एक जैसे या आपका कंट्रोल एक जैसा है सिमिलर सेट ऑफ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं बेसिकली दो फर्म्स को ओन करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है आपके बीच में ये से ये फॉर्म्स आपस में कर सकती हैं तो हम आपको परमिशन देंगे आप नेटवर्क की परिभाषा में जस्टिफाई सेटिस्फाई करोगे फिर आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए फॉर रजिस्ट्रिंग योर एसोसिएशन विद अ सेट ऑफ फॉर्म्स एज अ नेटवर्क और ये फॉर्म में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो आपको अपने नेटवर्क का एक नाम देना होगा ये नाम किसी फॉर्म का नाम भी हो सकता है कोई दूसरा नाम भी हो सकता है

और मजे की बात सुनो एक सी फॉर्म एक ही नेटवर्क का पार्ट बन सकती है हाँ अगर कोई इंटरनेशनल नेटवर्क है तो आप एक इंटरनेशनल नेटवर्क का भी अलग से पार्ट बन सकते हो तो घुमा फिरा के इंडिया की फॉर्म्स के एक नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो इंडिया के बाहर की फॉर्म्स का कोई एक ग्लोबल नेटवर्क है तो आप ऐसे एक और नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो वन प्लस वन और अगर दो फॉर्म्स के ओनर कॉमन है तो ऐसा नहीं कि एक बाप बेटे ने एक फॉर्म बना ली और फादर एंड सन ने दूसरी फॉर्म बना ली एक का नाम लिखा पिता बेटा एंड कंपनी एक का बेटा पिता एंड कंपनी हमने बोला तू एक अलग नेटवर्क फॉर्म बना ले तू अलग बना ले अपन मेट्रो और मेट्रो सिटी की फॉर्म्स के साथ बना लेते हैं ये टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ के साथ नहीं क्योंकि आप कॉमन कंट्रोल में हो तो आप सब एक ही किसी नेटवर्क का पार्ट बन सकते हो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करके आप अपना नेटवर्क आईसीए के पास रजिस्टर कर लो उसका पार्ट बन जाओ फिर आप अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में वेबसाइट पे स्टेशनरी में यू कैन से दैट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड विद आई नेटवर्क उस नेटवर्क का नाम आप वहां पे दे सकते हो टेंडर्स वगैरह में अप्लाई करते समय नेटवर्क का नाम दे सकते हो उसकी डिटेल्स दे सकते हो ये बेसिक प्रोविजन है नेटवर्किंग के बस और कुछ नहीं ठीक है तो ये देखते हैं क्या है वॉट इज अटवर्क डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ लार्जस्ट स्टॉक विच इज एम्ड एट कॉपरेशन एंड इट इज क्लियरली एट। साफ साफ दिख रहा है देख के समझ में आना चाहिए एकदम क्लियरली क्या डेट इट इज एम्ड एट प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग इट इज एम्ड एट कॉमन ओनरशिप तो कॉस्ट शेयरिंग हो रही है या कॉमन कंट्रोल है या मैनेजमेंट कॉमन है या कॉमन क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी पी है या कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी है या कॉमन ब्रांड नेम है या कॉमन आपके प्रोफेशनल रिसोर्सेज है यानी काम करने वाले आपके जो एम्प्लॉज है लोग हैं या रिसोर्सेज है नॉट जस्ट दे रिसोर्सेज इट बी योर फिजिकल रिसोर्सेज ऑल्सो सो देयर इज अ कॉमनलिटी बिटवीन द रिसोर्सेज विच यू आर शेयरिंग तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इट टॉक्स अबाउट व्हाट कॉस्ट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग कॉमन ओनरशिप कॉमन मैनेजमेंट कॉमन प्रोसीजर्स विच इज अल्टीमेटली अल्टमेटली कॉमन रिसोर्स कॉमन बिजनेस स्ट्रेटेजी और ब्रांड नेम ईदर ऑफ दीज ये सब क्या है दीज आर ऑल और कंडीशन तो आप ये बोल दो कि एक तो कॉपरेशन होना चाहिए और दूसरा इनमें से कोई भी वन और मोर है तो आप नेटवर्क हो और उस नेटवर्क की हर फॉर्म और एंटिटी जो उस नेटवर्क का पार्ट है उसे नेटवर्क फॉर्म कहेंगे कॉन्सेप्ट क्या है नेटवर्क का ये समझ में आ गया तो लार्जर स्ट्रक्चर आप अपना नेटवर्क बना सकते हो जजमेंट बेसिकली कैसे लिया जाएगा रीजनेबल और थर्ड पार्टी यानी आप क्लियरली एम्ड होना चाहिए यानी एकदम फिजिकली दिखना चाहिए जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करने की परमिशन मिलेगी यहाँ पर यह सब समझाया गया कि कॉमन ओनरशिप कॉमन प्रॉफिट शेयरिंग कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर बिजनेस स्ट्रेटेजी ब्रांड नेम कॉमन इसका क्या मतलब होता है इसमें एक चीज़ और है कि जब आप रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भैया एक छोटी सी कोई रिसोर्स शेयर हमारा आर्टिकल्स तो अकाउंटमेंट का पार्ट बन सकते हैं सिग्निफिकेंट रिसोर्स शेयर होना चाहिए कॉमन तो एम्प्लॉज है, पूरा है कुछ सिग्निफिकेंट होना चाहिए क्लियरली एविडेंट होना चाहिए फैक्ट्स ऑफ द केस पे जस्टिफाई करने वाली बात नहीं है ट्रेड में साफ साफ दिखना चाहिए फर्ग्यूसन yes, ये सब क्या है साफ हमें बताया ये सब

आप एक कंपनी भी नेटवर्क के रजिस्टर कर सकते हो एक म्यूचुअल एंटिटी आप अलग से एसोसिएशन ऑफ पर्सन टाइप की क्रिएट करके उसे भी इंस्टीट्यूट के पास एज नेटवर्क रजिस्टर कर सकते हो तो मैंने डेराइड एंड सेल्स लिमिटेड नाम का एक नेटवर्क कंपनी बना दी और बोला ये सारी फॉर्म्स उसका पार्ट है चलेगा ऑब्वियसली बात है ऑडिट नेटवर्क नहीं करेगा ऑडिट नेटवर्क की फर्म्स करेंगी तो असाइनमेंट्स अब फर्म्स को मिलते हैं ये नेटवर्क हमने हमने एक कंपनी बना दी सर कंपनी क्यों बनाई ब्रांड नेम उसके नाम पर रजिस्टर कर लिया ताकि सबकी कॉमन उसमें क्या आ जाए एसोसिएशन ओनरशिप आ जाए इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्टिव से आप ऐसा कर सकते हो ठीक है एक फर्म एक ही नेटवर्क ज्वाइन करेगी इंटरनेशनल हो तो उसके लिए एक और आप कर सकते हो अब नेटवर्क को आपको रजिस्टर करना है तो कैसे करना होगा तो बहुत ही सिंपल है फॉर्म ए में सबसे पहले आप नेटवर्क का नेम लेके इंस्टीट्यूट को दे दो कौन कौन सी नेटवर्क फॉर्म है उसकी डिटेल दे दो पहले आपका नेम अप्रूव हो जाएगा नेम एक बार अप्रूव हो गया तो फिर उसके बाद में फॉर्म बी में आपको एप्लीकेशन देनी अपने नेटवर्क रजिस्टर करने की उसमें सारी नेटवर्क फॉर्म जो जो उसका पार्ट बनेंगी उन सबके कंसेंट आपको देना पड़ेंगे और ये जैसे ही आपका हो जाएगा फिर इंस्टीट्यूट आपको तीस दिन में जवाब दे देगा रजिस्टर करना है या क्वेरी पूछना है उसके बाद आपके नेटवर्क में कोई भी चेंजेस आते हैं उनके पर्टिकुलर एड्रेस चेंज हो गए कोई नई फॉर्म आ गई कोई उससे बाहर चली गई तो फॉर्म सी में आपको तीस दिन के अंदर अंदर इतला करना पड़ेगी इंटरनेशनल नेटवर्क के केस में फॉर्म डी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ फॉर्म बी फॉर रजिस्टरिंग योर नेटवर्क ये छोटी सी इतनी सी कुछ बातें हैं नाम के सामने मैंने बता दिया एंड अफिलिएट्स टाइप का यूज़ करेंगे एंड कंपनी एंड नहीं यूज़ करेंगे फॉमे में नेम अप्रूवल आएगा तीस दिन में इंस्टीट्यूट आपको जवाब दे देगा और उसके बाद में नाम आपका क्या होना चाहिए इंस्टीट्यूट की फॉर्म नेम की रेगुलेशंस होती है उसको फॉलो करना चाहिए तो इट कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ फैंसी नेम की जोरदार नेटवर्क या ऐसा कुछ इट शुड कंप्लाई विद द फॉर्म रजिस्ट्रेशन नेम रिक्वायरमेंट्स विच बेसिकली मींस कि आपकी सारी जो नेटवर्क फॉर्म्स का नाम है उससे रिलेटेड हो या कोई ऑलरेडी एक ब्रांड नेम ट्रेड नेम एग्जिस्ट करता है उससे रिलेटेड हो ठीक है और भी इसी नेटवर्क के पास कोई साइनिंग पावर या रजिस्ट्रेशन पावर नहीं है वो सिर्फ़ एक नाम है जैसे उस नाम से सिर्फ आप क्या कर रहे हो बेसिकली एक ब्रांड है और कुछ भी नहीं है लीगल एंटिटी भी हो सकती है पर उसके पास कोई साइनिंग पावर या कोई राइट्स नहीं आएंगी एक बार नाम रजिस्टर हो गया फिर वो रिजर्व करके रखेगा आई आपको उसके लिए बाद में हो सकता है आईसीआई को कभी जरूरत पड़े तो आपके नाम को कैंसिल भी कर दे ऐसा कब होगा कोई इंटरनेशनल फॉर्म ने एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया आईसीआई को कि यार ये नेटवर्क तो यहाँ रजिस्टर्ड है आपने यहाँ कैसे कर दिया तो फिर उस केस में आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है उस पर्टिकुलर नेटवर्क के फॉर्म के नाम का ठीक है और ये डीम नेटवर्क ये सारे प्रोविजन हैं बेसिकली जो अपन ने अभी डिस्कस किए आउटसाइड इंडिया मैंने आपको बता दिया उसके लिए फॉर्म डी यूज़ होगा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म सी तीस दिन में करना है एंड देन फाइनली जो आपने नेटवर्क बनाया उस नेटवर्क को भी एथिकल कम्पलाइंसेज यानी कोड ऑफ एथिक्स पूरा लगेगा यानी वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता है जितने सारे क्लॉजेज एप्लीकेबल है वो सारे इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे ठीक है प्लस नेटवर्क की फॉर्म्स एक बार आप नेटवर्क का पार्ट बन गए तो फिर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नेटवर्क फॉर्म्स पर एप्लीकेबल हो जाएंगी यानी कि फिर कोई भी दूसरी नेटवर्क फॉर्म्स क्या करेंगी सिमिलर टाइप ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स लेंगी तो जो हमारी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है वो लग जाएंगी जैसे अपन ने पढ़ा था क्लास नाइन जो बहुत ज़्यादा काम का नहीं है तो एक पी का आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑडिट फीस से ज़्यादा फीस आप और आपकी सारी नेटवर्क फॉर्म मिला के दूसरी सर्विसेज से गेन ना करो और अगर वो कम नहीं हुई तो तो कंपनी लग जाएगा जिसमें सेक्शन 144 बोल देगा कि आप दूसरे काम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो ठीक है यहाँ पे नॉन ऑडिट फीस की गाइडलाइंस दी हुई है नेटवर्क के केस में ऐसा बोल दिया गया है कि नॉर्मली आप कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसकी फीस आपको एक लाख रुपये मिल रही है तो आपके नेटवर्क दूसरे काम जो कर सकते हैं वो तीन लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर पाएंगे ये वो पी वाली बात नहीं कर रहे हैं ये जनरल नियम इस तरह के आपको प्रिस्क्राइब किए गए पर ये सब अब इतने रेलिवेंट नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट में नॉर्मली अब क्या है आप देख रहे हो स्ट्रिंजेंट नियम है वहाँ पे बोला गया है सी है, और उसकी जितनी भी एसोसिएट फॉर्म्स है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रुपये का, का काम भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं तो सर ये क्यों डाला गया दो में बनाई है आपने गाइडलाइंस कहा नहीं गाइडलाइंस दो में बनी थी उन्नीस में सिर्फ ये कहा गया है कि अनलेस एन एंटिल यू आर रजिस्टर्ड इन द नेटवर्क

इंस्टीट्यूट कहता है कि दैट विल बी डीम टू नेटवर्क एंड यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ नेटवर्क अनलेस एंड एंटल यू गेट इट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट तो जैसे मेंबर डीम टू इन प्रैक्टिस का है ना वैसे ही एनी एसोसिएशन इफ यू पब्लिसाइज इट विल भी डीम टू बी अ नेटवर्क यू बी हेल्ड गेल्टी ऑल द फॉर्म्स अनलेस एन एटल यू हैजिस्टर्ड इट एज अटवर्क सो दट्स वॉट द प्रोविजन ठीक है नेटवर्क uh, एडवर्टाइजमेंट uh, कर सकता है क्या क्लास सिक्स सेवन में जो राइटअप के थ्रू एडवर्टाजेंट जैसा अलाउड है वैसे ही अलाउड है वहाँ पर नेटवर्क फॉर्म्स आप बता सकते हो एथिकल स्टैंडर्ड आपको पूरे फॉलो करना पड़ेंगे चलिए देन कंसेंट ऑफ क्लाइंट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आईसीआई के पास नेटवर्क तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि उसका पब्लिक नोटिस जा चुका है तो सारे आपके क्लाइंट्स वगैरह कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भैया आपने कैसे नेटवर्क बना लिया ये माना जाएगा पब्लिक नोटिस से फिर उनको पब्लिक नोटिस के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट करना है कि भैया ये एसोसिएशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंस का थ्रेट है तो फिर वो उसको टेकअप अलग से कर सकते हैं नेटवर्क अपने इंटरनल बायलॉज बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू कि नेटवर्क में कोई नया मेंबर आएगा तो किन रूल्स के अनुसार आएगा किसको हटा दिया जाएगा क्या कोड ऑफ कंडक्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कौन अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको फॉलो करेगा ये बनाया जा सकता है और ये सिर्फ अलास्ट्रेटिव क्लासेज है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इस पूरे नेटवर्किंग गाइडलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है <coughs> तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट है बेसिकली नेटवर्क क्या होती है नेटवर्क फॉर्म्स क्या होती है और आप डीम टू तो बी इन नेटवर्क मान लिए जाओगे अनलेस एंड एंटल आपने क्या किया है अनलेस एंड एंटल यू हैव इन दैट यू कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द इंस्टीट्यूट इनफैक्ट ये कह लो कहीं भी अपने आपको एज अ कलेक्टिवली एसोसिएशन शो करोगे तो डीम टू तो बी इन नेटवर्क हो जाओगे पहले ये नॉर्म्स का कंप्लायंस करो फिर ऐसा करना नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा सर कहाँ माना जाएगा इसका कोई सेक्शन तो है नहीं तो आप ही बताओ कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है तो नेटवर्किंग गाइडलाइंस के कम्प्लाइंस नहीं किए तो कहाँ मिसकंडक्ट होगा सर शेड्यूल टू पार्ट वन क्लास वन में बिकॉज काउंसिल की नेटवर्किंग गाइडलाइंस का हमने पालन नहीं किया है एक नंबर यूनिक लोगों वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है जहाँ मैंने बोल दिया सारे कोड ऑफ एथिक्स के प्रोविजन आपको फॉलो करने हैं वैसे ही आपको ये भी फॉलो करना है तो सीए का लोगो यूज़ कर सकते हैं पर नेटवर्क के नाम का अलग से कोई लोगो नहीं बना सकते जैसे तो प्राइज वाटर हाउस कूपर्स वगैरह इन सबके तो लोगो हैं तो इनके जो लोगो इन्होंने रजिस्टर किए ना वो सी ए के नहीं है वो प्राइज वाटर हाउस कूपर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड है जिसमें वो एम बी रखते हैं सीए का उससे कोई लेना देना नहीं है ना वो आई के पास रजिस्टर्ड है तो ध्यान रखना लोगो किसी भी केस में ना नेटवर्क का ना सी ए का रजिस्टर हो सकता है खुद का पर्सनल लोगो सी वाला वो जो टिक वाला लोगो है वो यूज़ कर सकते है without uh, deforming it, de-shaping it, changing the colors as it is. You can use it. Wow, ये तो networking guidelines भी हो गई और इसी के साथ दोस्तों आज हमारा complete हो गया है पूरा code of ethics बहुत बढ़िया, बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद आप सभी का uh, participate करने के लिए हमारे आज के इस session में और uh, जो भी हमारे कुछ MCQs uh, if we have something leftover is something which I will just quickly share that with you. ताकि आप एमसीक्यूज कर ले और आप अपने थोड़े बहुत सवाल दे दीजिए और उसके बाद फिर अपन करेंगे इसको कंक्लूड हो जाएगा हमारा कोड ऑफ एथिक्स पंद्रह से बीस मार्क का डिस्कशन सी एफ फाइनल नवंबर दो हजार बीस की एग्जाम के लिए पूरा चलिए एक एफिलियट में दो फॉर्म को अगर कंपनी ऑडिट मिलता है तो ऐसे टू नाइन नाइन लगेगा क्या नहीं भाई एक एफिलियट में दो फॉर्म को मिला है तो क्या टू नाइन नाइन लगेगा यह सवाल पूछना ही नहीं है Affiliate, आप सिर्फ किसके लिए हो मार्केटिंग के लिए दो फर्म को अगर जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो लगेगा फिर भी थैंक यू गौरव गुप्ता को भी मेरी से साक्षात प्रणाम चलिए पूजा थैंक यू फॉर योर कमेंट समीक्षा थैंक यू सिद्धनम ने अब बोल दिया स्टैंडर्ड का रिवीजन दे दो ठीक है भाई सर मैम थोड़ी बस ये सेशन के बाद थोड़ी सांसें ले लूँगा और उसके बाद फिर अपन स्टैंडर्ड का रिवीजन ले लेंगे इनफैक्ट कंपनी ऑडिट का रिवीज़न लेना है आई विल शेयर द शेड्यूल फॉर कंपनी ऑडिट रिवीजन एज वेल विथ यू इन टर्म्स ऑफ विंडो वी गो लाइव आई विल ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल आई विल सी इफ इट इज़ पॉसिबल टूडे इवनिंग इट सेल्स सिक्स टू नाइन टाइप्स तो वी कैन टेक इट लाइक दैट दो पार्ट में हम कंपनी ऑडिट का रिविजन लेंगे आई विल प्लान इफ पॉसिबल टूडे सिक्स टू नाइन पी एम दैट्स अबाउट इट वील क्लोज इट एट नाइन पी एम जितना होगा एंड द बैलेंस वी कैन देन टेक टुमॉर मॉर्निंग लाइक एट टू इलेवन छः घंटे में जितना कंपनी ऑडिट कवर होगा वो हम कवर कर लेंगे बाकी का फिर जो पोर्शन होगा वो मैं रिकॉर्डेड करके आपको शेयर कर दूंगा सो दैट वी कैन कवर कंपनी ऑडिट फिर मैं ऐसे इसके अपने रिविजन लेक्चर्स आपको सेपरेटली दे दूंगा हिमांशु आपका भी दिल से शुक्रिया अटेंड करने के लिए मुग्धा थैंक यू प्रणव थैंक यू सचिन थैंक यू हरी हर धन्यवाद दीपक सर किसी बीस साल पुरानी फॉर्म है वो नेटवर्क बनाता है वो कमेंट ऊपर चले गया चलो मैं भी चले जाता हूँ तो उसकी एम्पेनलमेंट कैटेगरी पॉइंट चले जाएंगे या एडिशनल बेनिफिट मिलेगा एम्पेनलमेंट अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि एम्पेनलमेंट फॉर्म का होता है कभी भी नेटवर्क को कोई एम्पेनल नहीं करता है नेटवर्क सिर्फ क्या है दोस्तों एक अपना कलेक्टिव समूह है क्यों या ये हम क्या है जैसे आप समझ लो नेटवर्क यानी एनडीए इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज तो ये ऐसा है अपॉइंट तो बेसिकली हम क्या करते हैं तो वो हमारे एसोसिएशन के लिए है बट पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कौन है वो तो बीजेपी है या आर एस एस है या जो भी है पॉलिटिकल है या नहीं दैट्स नॉट समथिंग आई नो निकिता थैंक यू अनुराग थैंक यू राजवी जी धन्यवाद आपका गुड मॉर्निंग करने के बाद धन्यवाद बोलने के लिए पवन थैंक यू मुस्कान थैंक यू आयुष थैंक यू आदित्य थैंक यू आपके लिए भी और ओ परव सॉरी प्रणव बोल दिया मैंने आपको ओहो जम्मू से हैं परव जी जम्मू से आया है धन्यवाद आई होप यू आर ऑल गुड सेफ देर एंड नाइस टू सी समबड़ी कमिंग फ्रॉम जम्मू शायद कोड ऑफ एथिक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर इसलिए जम्मू के भी लोग यहाँ पर आए हैं चलिए ओके uh, uh, okay, विजयंश थैंक्स देवांश, धन्यवाद आपका uh, देवांश का मैसेज दिख नहीं रहा था मैंने आज क्या बात है आया नहीं है समीक्षा थैंक यू Uh, कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेज नॉर्मली uh, देखने को मिलते हैं और मैं देख के रिलेट भी कर पाता हूं और जितने लाइव सेशन होंगे वैसे धीरे धीरे हमारी ये संख्या बढ़ती जाएगी किसी का नाम अगर मिक्स भी हो गया राहुल भी दिखता है हमें uh, बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्किंग समझ में आ गया मैंने इसलिए क्विकली करवा दिया मुझे मालूम था आ जाएगा इतने में देन आदित्य थैंक यू अमिरुद्ध थैंक यू अंकुर थैंक यू चलो एक बार क्वेश्चन कर लेते अपन ये वाले सारे और डाउट्स तो ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कुछ खास हैं तो लेट्स सी दिस वन बाय वन सोनो अपॉइंटेड टी टू फॉर सम प्रोफेशनल असाइनमेंट वर्क आर सी वर्क मिनिट्स स्टैचुटरी रजिस्टर टी टू चार्जेस फीस डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम स्पेंड बाई हिम ऑन ईच असाइनमेंट लेटर सोनू फाइल्ड कंप्लेन टू आई सी आई दैट बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर लिया तो क्या ये मिसकंडक्ट माना जाएगा तो भाई बताओ कोई ज़्यादा फीस चार्ज कर ले तो मिसकंडक्ट है क्या काल्पनिक एग्जाम्पल है ना हाँ होता ही नहीं है बेचारा सी ए कहाँ ज़्यादा फीस चार्ज कर पाता है कभी कोई गाइडलाइन नहीं है ना मिनिमम फीस की ना मैक्सिमम फीस की तो कभी ऐसा आ जाए कि किसी ने छः सौ रुपये में ऑडिट कर दिया तो भी आप बोलोगे कि आइडियली उसको ऑडिट फीस अपनी ऐसी देना चाहिए जिससे कि वो जस्टिफाई हो उसका टाइम और एफर्ट पर इस पर कोई स्पेसिफिक नॉन कंप्लायंस नहीं होगा और छः सौ का ऑडिट किसी ने छः लाख में कर दिया मासूम क्लाइंट के लिए तो भी उसमें कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है तो हम बोलेंगे भैया प्रिस्क्राइब फीस सारी रिकमेंडेटरी नेचर की है कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं जाते जाते देखो क्या एक्यूरेसी लेवल आ गया नाइन्टी परसेंट का सही जवाब आलसी व्यक्ति या चार्ट अकाउंटेंट ड नॉट मेंशन बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर इज प्रोफेशनल अर्निंग ऑन द ग्राउंड इज इनकम इज लेस देन प्रिस्क्राइब लिमिट नहीं चलेगा क्यों क्योंकि कौंसिल जनरल गाइडलाइंस में नीचे ऑप्शन दिए हैं पहले ऑप्शन पढ़ लो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्टक नॉट फॉलोइंग कौंसिल जनल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही है गिल्टी ऑफ अर मिसकंडक्ट फॉर नॉट फॉलोइंग कौंसिल जनरल गाइडलाइंस अदर मिसकंडक्टक क्यों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है नॉट गिल्टी ये भी नहीं होगा और नॉट गिल्टी फॉर जनरल ये रिकमेंडेटरी नेचर की है तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कुछ ने बी दिया होगा अदर मिसकंडक्ट पर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है क्योंकि ये प्रोफेशनल बुक्स आपको प्रोफेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कहा गया है तो इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन जहिर खान कंडक्ट टैक्स ऑडिट फोर्टी फोर ए बी इनकम टैक्स एक्टर का खबरें ये रिसिव्ड ऑडिट फीस ऑफ पच्चीस हजार ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्रेसिव बेसिस पे आप फीस रिसीव कर सकते हो इससे इंडेटनेस नहीं आएगी ऑप्शन बी भीम शंकर डायरेक्टर भीम। भीम, 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 भीम। शंकर इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी तो पांच अप्रैल को उसने रिजाइन कर दिया है तीस सितंबर दो हजार अट्ठारह की एजीएम में उसको ऑडिटर अपॉइंट किया गया तो यहाँ पर चलेगा क्या यहाँ पे है ना थोड़ा ऑप्शन जो है वो हो सकता है गलत इसमें आए अपडेट हो गया है तो उसके बेसिस पे मैं दूंगा तो हो सकता है मेरा आंसर आपको शायद सही ना दिखे भीम शंकर अपॉइंटमेंट इज़ वैलिड एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही डज नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ छोटा भीम इसलिए डिसकालीफिकेशन कंपनीज़ का अट्रैक्ट नहीं होगा ए करेक्ट है गिल्टी है क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड बी अब करेक्ट नहीं है इसका आंसर शायद बी हो तो आप इसे ए कर लीजिएगा हाँ मैंने कहा था ध्यान रखना जो अपनी एम बुक का लेटेस्ट वर्जन है वर्जन फोर उसमें जो आंसर दिया है वो ए दिया है पुराने वर्जन में इसका जो आंसर था जो पहले बेसिकली अमेंडमेंट से पहले हुआ करता था वो बी है पर अब एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ गया है तो अब इसके लिए आंसर ए होगा इसको प्लीज ए कर लीजिए आप है ना तो वैलिड है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारे ये भी क्वेश्चन हो गए और बस कम्प्लीट हो गया चलिए तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन हुआ पूरा और इसी के साथ कोड ऑफ एथिक्स भी हो गया कंप्लीट आज हमने डिस्कस किया शेड्यूल टू शेड्यूल टू में थे हमारे तीन पार्ट उसके अंदर पहला पार्ट उसके अंदर दस क्लॉज पहला क्लॉज डी सी पी डी फॉर डिस्क्लोजेज एनी इन्फॉर्मेशन एक्वाइड एक क्विक रिविजन करवा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन एक्वाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन क्लाइंट सो एंगेजिंग हिम एक्सेप्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट और अदरवाइज एज एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स confidentiality. dusra alaklas tamara report dedi. so DCPC certifies in his name or in the name of his firm. a report on examination of financial statement unless examination of such financial statement has been conducted by him, employee, and partner, another c in practice. p class 3 permits name his name or name of his firm to be used in connection with. Uh, uh, sorry, uh, to be used in connection with. Uh, earnings contingent upon future transactions, such that it leads to the belief that he is vouching for the accuracy of such forecast. the abkhaz substantial interest related to jo specifically tha, ki if you express e, expresses opinion on financial statements of any business or other enterprise where he or his partner or he or his firm or his partner has substantial interest. then fifth or sixth abkhazia fails to disclose a material misstatement known to him to appear in a financial statement which is uh, to be disclosed in making the financial statement with which he is concerned in professional capacity or sixth clause of kada fails to report a material misstatement Fifth fails to report a material fact sorry six fails to report a material oh, sorry I five fails to disclose a material fact Sixth fails to report a material misstatement with respect to Financial statements with which he is concerned in professional capacity. Seventh D does not exercise his due diligence or is grossly negligent in conduct of his duties. Or eight, nine, ten fail, fail, fail. So eight tha fails to obtain sufficient information or his exceptions are sufficiently material to negate the expression of opinion. Ninth fails to invite attention to material departures from generally accepted auditing procedures relevant to his. और आखिरी था फेल्स डिपॉजिट क्लाइंट्स मनी एक्सेप्ट और मनी मेंट बी स्पेंडेड इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ़ टाइम इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और फेल्स टू यूज द मनी टू फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस ये दस क्लॉज शेड्यूल सॉरी शेड्यूल टू पार्टन के शेड्यूल टू पार्ट टू के चार क्लॉजेस थे हमारे सबसे पहला कॉन्ट्राविंस ऑफ देशन और गाइडलाइंस इशूड बाई द काउंसिल दूसरा था चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस पे कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रोविजन तीसरा था नोइंगली प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द काउंसिल और इट्स बॉडीज और आखिरी था डिफॉल्टेट्स और सम्स इन प्रोफेशनल कैपेसिटी पार्ट थ्री बेसिकली आपकी बात करता था विद रिस्पेक्ट टू तो, अगर आपको किसी भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने छह महीने से ज्यादा के लिए जो ऑफेंस पनिशेबल है उसके लिए गिल्टी होल्ड किया है तो गिल्टी क्लॉज नंबर नहीं है यहाँ पे सीधे शेड्यूल टू पार्ट थ्री लिखना होता है इसके बाद में फिर हमने देखा काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अलग अलग चैप्टर चैप्टर नंबर टू था हमारा सी एन सर्विस को ग्रॉसली नेग्लिजेंट या ड्यू ड्यूटेलीजेंस एक्सरसाइज नहीं करने पर गिल्टी माना जाएगा या ग्रॉसली नेग्लिजेंट होने पे ड्यू ड्यूडेलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करने पे गिल्टी माना जाएगा थ्री में हमने देखा कि आ, आ, नहीं था फोर्थ किशियल इंटरेस्ट क्लास फोर था, 4 से रिलेटेड था रिलेटिव की डेफिनेशन बुक्स परिक्स सिक्सटी टैक्स ऑडिट सेवन सिक्स कंपनीज का आप ऑडिट अनडिसप्यूटेड ऑडिट फीस अगर पेड नहीं है तो भी एक्सेप्ट कर सकते हो ध्यान रखना सिर्फ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेड नहीं है तो ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो यानी कि अगर सिख कंपनी के प्रीवियस ऑडिटर का रिमोल्ड ढंग से नहीं हुआ है तो आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे सिर्फ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का एक्सेप्शन एट आधा काटा था तीन निकला था तीस कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम तीस ऑडिट ले सकते हो आप नौ जो प्रोविजन नौ दो ग्यारह हो गया पी एस यूज के केस में आपकी अदर ऑडिट फीस ऑडिट फीस से ज़्यादा फीस के दूसरे काम नहीं हो सकते टेन टेन थाउजेंड से ज्यादा की इंडेटनेस नहीं हो सकती है आपकी अनलेस दूसरे लॉ में कोई लिमिट दी गई है जब आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहे हो और ग्यारह ऑडिटर को बाय बाय बोल दिया अगर हमने तो ध्यान रखना अनजस्टिफाइड रिमूल है तो उसको आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते नेटवर्किंग गाइडलाइंस में ध्यान रखना है कोई भी नेटवर्क है तो रजिस्टर करना पड़ेगा और डेफिनेशन में आएगा तो आप ऐसा कर सकते हो इंडिया में एक आउट ऑफ इंडिया एक नेटवर्क आप मैक्सिमम उसका पार्ट बन सकते हो एंड एफिलियेट नाम के आगे यूज़ होगा फॉर्म ए नेम अप्रूवल फॉर्म बी नेम अप्रूवल के बाद नेटवर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म सी चेंज इन नेटवर्क तीस तीस दिन के अंदर अंदर आपको तीस दिन में इंस्टीट्यूट को तीस दिन में जवाब देना है इंटरनेशनल है तो फॉर्म डी यूज़ करना पड़ेगा ये आपके कुछ बेसिक प्रोविजन फॉर्म्स और ये सारे नंबर हैं ये सारे प्रोविजन लेटर बाय लेटर कैसे याद हो जाएंगे पहला वर्ड याद रखो और इसको ब्रेक कर करके आप अगर प्रोविजन्स को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहेंगे प्लस जो मैंने शीट टेलीग्राम पे शेयर करी है उसका प्रिंट निकाल के रख लो जितना पढ़ोगे एक्जैक्टली उतना ध्यान आएगा इंडिविजुअल शब्दों पे फोकस करो याद करने पे फोकस मत करो तो याद हो जाएगा याद करने में फोकस करोगे याद करने में और दिक्कत आएगी स्पेशल ऑडिट पे भी मेरी सुन लो याद करने पे दिमाग लगाने की बजाय पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के कवर कर लो फिर अभी जब लास्ट रिवीजन करोगे ना आप तो यहाँ पे इस महीने में अगर आप दो बार ऑडिट रिवाइज करने का सोच रहे हो तो वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी में क्या होगा वो चीज़ें शार्प होती जाएगी तो याद करने का सिंपल तरीका यही होता है जितना ज़्यादा बार पढ़ते जाएंगे उतना ऑटोमेटिकली याद होते ज़्यादा चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हाँ नेटवर्क जिसकी नेगेटिव है मानछी उसको सिकमनी बोलते हैं कोडोफिथिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी में एक पाँच साल की भी लिमिट है पर अपन उस बारे में अभी बात नहीं करते चलिए तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है कोडाफिथिक्स का थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग कंपनी ऑडिट का मैं वापस से अपने फास्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर पॉपअप डाल दूंगा शायद ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह पर मैसेज ना आए टेलीग्राम पर जरूर मैं शेयर कर दूंगा तो आप यूट्यूब चैनल बस देखें उसमें आप ध्यान रखिएगा वेन आई गिव द लिंक देर यू विल बेसिकली गेट टू नो वट टाइम विल बी टेकिंग द कंपनी ऑडिट रिविजन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एंड thank you so much i hope the revision was uh, helpful to all of you एंड टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली यू कैन पोस्ट सजेशन इधर इन द ग्रुप और पर्सनली टू मेक दीज रिविजन लेक्चर्स इवन मोर मीनिंगफुल इफ यू हैव एनी सजेशन या इन जनरल अच्छा भी लगाओ तो आप जनरली वो भी लिख सकते हो कहीं ना कहीं समवेर और दर इट ऑल्सो यू नो हेल्प्स टू पंप्स आर स्पिरिट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ फीडबैक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट और नैगेटिव वट एवर इट इज फीडबैक ऑलवेज दज हेल्प्स जस्ट कीप इट ऑनेस्ट दैट्स समथिंग विच यू रिक्वायर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फॉर ज्वाइनिंग इन चलिए बाय बाय